यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अमेंडमेंट लेक्चर फॉर द सी ए फाइनल मे नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एग्जाम के लिए जो कि फाइनेस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से अमेंडमेंट हुए थे और आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है तो आज से हम अमेंडमेंट लेक्चर है वो देखने वाले हैं तो चलिए तैयार हो जाइए आपके पास में होनी चाहिए कॉम्पैक्ट बुक और ये वाली जिसके ऊपर मे नवंबर 2022 लिखा हुआ है वो वाली बुक आपके पास होनी चाहिए ठीक है तो चलिए चालू करते हैं सर क्या क्या अमेंडमेंट है मैं बता दूं इस बार अमेंडमेंट तो है भरपूर अमेंडमेंट है भरपूर अमेंडमेंट है इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्वियसली आपको जो लेक्चर्स मिलने वाले हैं वो ज्यादा मिलने वाले हैं और मैं ये ट्राई करूंगा कि लाइक जिस टॉपिक में कहीं पे जैसे अमेंडमेंट है तो मैं चाहूँगा कि वो पूरा कंसेप्ट आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करवाया जाए तो जिससे क्या होगा कि लाइक आपको पूरा समझ में आ जाए मैं सिर्फ इतना बता के नहीं जाऊँगा यहाँ पे इसकी जगह ये चेंज हुआ ऐसा नहीं है जहां जहां अमेंडमेंट है उसको मैं ढंग से आपको पढ़ाने वाला हूँ और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि हर से मैंने है। जितने भी है, से मैंने ना तो एग्जाम में आप देखते हैं जब भी पेपर आता है सी फाइनल डीटी का उसमें अप्रोक्स ट्वेंटी टू थर्टी मार्क्स जो ऐसे रहते हैं जो अमेंडमेंट्स रिलेटेड रहते हैं तो इसके लिए चलो चालू करते हैं अमेंडमेंट्स करके ठीक है तो अमेंडमेंट्स में सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट टॉपिक आपका टैक्स रेट वाला है टैक्स रेट फॉर द असेसमेंट ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी के लिए टैक्स रेट क्या है तो मैं बता दूं टैक्स रेट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है लेकिन एक छोटा सा अमेंडमेंट है दैट इज रिलेटेड टू द कंपनी एक बात बताइए कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या रहती है तो कंपनी के लिए जो डोमेस्टिक कंपनी होती है डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट नॉर्मली क्या रहता है थर्टी रहता है लेकिन इफ डोमेस्टिक कंपनी का जो टर्नओवर और ग्रॉस रिसिट फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 आपको 1920 का टर्नओवर एज वेल या टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट है वो आपको प्रीवियस ईयर 1920 का देखना है तो प्रीवियस ईयर 1920 का जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिट है इफ दैट इज 400 करोड़ तो उस केस में 25 परसेंट टैक्स रेट रहेगा तो लास्ट ईयर तक क्या होता था हम प्रीवियस ईयर एटीन नाइनटीन का टर्नओवर या ग्रॉस रिसेट देखते थे बट फॉर योर एग्जामिनेशन यू हैव टू चेक द ग्रॉस और टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी तो नाइनटीन ट्वेंटी प्रीवियस ईयर का अगर आपका जो टर्न या ग्रॉस रिसिट डोमेस्टिक कंपनी के केस में अप टू फोर करोड़ है तो टैक्स रेट रहेगा ट्वेंटी अदरवाइज रहेगा थर्टी तो कैसे याद रखेंगे डोमेस्टिक कंपनी

तो इस टॉपिक में और कोई भी आपका अमेंडमेंट नहीं है चलो चालू करते हैं अब हम दूसरा टॉपिक और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो अमेंडमेंट है मेजर अमेंडमेंट है दैट इज इन द असेसमेंट प्रोसीजर तो आ जाइए सब लोग असेसमेंट प्रोसीजर पे और आपकी बुक में दे रखा है ऑन द पेज नंबर टॉपिक नंबर ट्वेंटी फाइव तो आज हम असेसमेंट प्रोसीजर वाले अमेंडमेंट है वो देखेंगे तो चलिए असेसमेंट प्रोसीजर जो रिटर्न फाइलिंग

उसके बाद एक मैंने बताया था रेजिडेंट ऑर्डिरीली रेजिडेंट इज हैविंग एनी एनी अदर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और फिनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और साइनिंग ऑथोरिटी ऑफ एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ता है बेनिफिशियल ओनर है तो अगर बेनिफिशियल ओनर नहीं है और बेनिफिशियरी है तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी अब एक चीज समझना आप लोग उसके साथ साथ में तीन लोगों को और रिटर्न फाइल करना रहता है किसको एक तो अगर आपके अकाउंट में जो करंट अकाउंट है उस करंट अकाउंट में आपका जो है है वो करोड़ से ज्यादा या फिर फॉरेन पे एक्सपेंडिचर लाख से ज्यादा है या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिज है वो वन लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना रहता है चलिए अब अमेंडमेंट क्या है अमेंडमेंट यहां पे है सर एक बात बताइए रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है तो मैं बता दू रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट में आपको मैंने ऐसे बताया था कि आपको कैसे याद रखना है कि जो भी तुम्हारे कैप वाले लोग हैं सी एपी उनके लिए रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट रहता है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर कौन से लोग कैप वाले कैप मीन सी एपी सीएपी में क्या आएगा सी फॉर कंपनी ए मीन्स पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑडिट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ एंड पी मीन्स पार्टनर ऑफ द फर्म एंड फर्म अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड तो देखिए बेटा यहां पे जो सी वाले लोग हैं तो इसको मैं बोलूंगा यहां सेकेंड वाले को सी इसको मैं बोलूंगा ए और इसको मैं बोलूंगा पी सी मींस कंपनी दैट इज लाइक एवरी अदर कंपनी ए मींस पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑडिट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड पी मीन्स अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड फर्म अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड मींस जो भी कैप वाले लोग हैं सीएपी उनके लिए ड्यू डेट होती है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर जिन पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है और ट्रांसफर प्राइसिंग में जो सीए का थ्री सीई भी रिपोर्ट फाइल करते हैं उनके लिए थर्टीए नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर एंड जो बाकी लोग कोई भी बचेगा उसके लिए थर्टी ऑफ असेसमेंट ईयर ये रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है अब एक चीज समझना एक सेक्शन हुआ करती है दैट सेक्शन इज सेक्शन फाइव ए अब आप बोलोगे ये सेक्शन फाइव ए क्या होती है तो फाइव ए जो सेक्शन है ना वो ये बोलती है कि जो अपना गोवा है एज वेल एज द दादरा एंड नगर हवेली है एंड दमन एंड दियू वहां पे जो लोग पोर्चुगीज रहते थे ना पहले वहां रहते थे गोवा वगैरह इंडिया में बहुत लेटर पार्ट में मर्ज हुआ आप देखोगे अगर हिस्ट्री तो 1960 के आसपास ये लोग जो है वो इंडिया में मर्ज हुए थे 1960, 70 के बीच में है, ये लोग इंडिया का पार्ट बने पहले ये इंडिया का पार्ट नहीं थे यहाँ पे पोर्चुगीज लोग है उनका शासन चलता था यू कैन से डेट उनका जो है वो सब पावर वगैरह उनके पास थे तो वहां पे क्या होता है वहां पे जो लोग हैं उन लोगों पे बहुत सारे लोगों पे पोर्चुगेज सिविल कोड लगता है पोर्चुगेज सिविल कोड 1860 लगता है और ये 1860 सिक्सटी जो पॉर्चुगे सिविल कोड है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी इनकम होगी या जो भी असेट होगी शादी के बाद में जो भी इनकम वगैरह होती है वो हस्बैंड एंड वाइफ में इक्वली बांटी जाएगी मीन्स इक्वली जो है वो बांटी जाएगी दोनों के लिए इक्वली रहेगी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूं कि एक बंदा है गोवा में जिसका नाम है मिस्टर लोबो और लोबो जो है उस सिविल कोड लगता है तो उस केस में क्या होता है कि उसकी जो इनकम होती है ना वॉट एवर हीवर ही अर्न दैट इनकम हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन हसबेंड एंड वाइफ इक्वली दोनों में इक्वली डिवाइड होता है करके ठीक है मतलब सच में जो प्यार है जो बोलते हैं दो जिसम एक जान वो वहां पे लगता है कि जो भी कमाओ जो भी असेट है वो दोनों में इक्वली बांटी जाएगी और इसको हमारे इनकम टैक्स ने भी फॉलो किया और इनकम टैक्स में एक सेक्शन डाली हुई है और दादर नगर हवेली दमन एंड दीव में तो वहां पे जो भी इनकम रहेगी वो हस्बैंड एंड वाइफ में इक्वली डिवाइड होगी सैलरी को छोड़ के तो अब एक बात बताओ मुझे अब एक बात बताओ मुझे अगर कोई पर्सन है जो पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में तो वो पर्सन अगर पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में तो वो पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर है और सपोज पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट होती है पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट होती है तो वो पार्टनर का ड्यू डेट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को आएगा लेकिन पार्टनर partner को पार्टनरशिप फर्म से जो भी इनकम मिलता है रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट एंड ऑल दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी तो उसकी इनकम तो उसके हस्बेंड और वाइफ में दोनों में डिवाइड होगी अगर मान लो पोर्चुगीज पर्सन है और वो पर्सन किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट होती है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए ड्यू डेट है वो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर होगी वो पार्टनर के लिए थर्टी फर्स्ट अक्टूबर होगी लेकिन अगर मान लो उस सिविल कोड लगता है तो तो उसके उसके जो स्पाउस हस्बैंड या वाइफ रहेगा लिए भी तो भैया क्योंकि इनकम तो दोनों में इक्वली डिवाइड होने वाली है तो उसके लिए ड्यू डेट है वो भी तो थर्टी अक्टूबर होनी चाहिए तो वो इस साल इन्होंने लॉ में अमेंडमेंट करके ऐसा लिखा कि उसके स्पाउस के लिए भी थर्टी अक्टूबर होगी तो इन सिंपल वर्ड में ये बताऊं या फिर फॉर एन एग्जाम्पल इसका वाला एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ये वाला पार्ट है कि अगर मान लो किसी भी पर्सन पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है तो किसी पर्सन पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी थर्टीए नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और उसके पार्टनर के लिए भी नवंबर होगी एक साल साल इन्होंने इन्होंने इस ये ये अमेंडमेंट किया कि कि पहले क्या था ये था ना डिस्प्यूट अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म पर ट्रांसफर प्राइजिंग लग रहा है तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए थर्टी अक्टूबर आएगी सॉरी थर्ट नवंबर आएगी क्या उसके पार्टनर के लिए भी थर्टीएथ नवंबर होगी आंसर इज यस उसके पार्टनर के लिए भी थर्टीएथ नवंबर होगी और इस बार एक और अमेंडमेंट यह किया कि अगर वो पोर्चुज सिविल कोड लगता है तो वो पार्टनर के स्पाउस के लिए भी थर्टीएथ नवंबर हो जाएगी यू गॉट माई पॉइंट बड़ा सिंपल है amendment, पहला amendment क्या है है कि जो filing की due date है, उसमें कोई चेंज नहीं जैसा पहले था वैसे का वैसे सबसे पहले आप याद रखोगे कैप कैप ऑफ द फर्म एंड फर्म अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड उनके लिए ड्यूडेट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर उसके बाद जिस पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगती है एंड उसके जो पार्टनर है उनके लिए थर्टीए नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर बाकी आपके और मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर लेकिन ध्यान रखना यहां पे पहले वाले केस में एंड दूसरे वाले केस में अगर पार्टनर का ड्यू डेट है वो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर है या थर्टीए नवंबर है और वो पार्टनर जो है उस पर पोर्चुगीज सिविल कोड लगता है तो उसके उस पार्टनर के स्पाउस का ड्यू डेट है वो भी थर्टी फर्स्ट अक्टूबर या थर्टीए नवंबर होगा यू गॉट माइ पॉइंट और नॉट यस तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां रिक्वायर्ड टू फर्निश ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन नाइनटी टू इंक्लूडिंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म मीन उसके पार्टनर के लिए भी 30th नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर उसके बाद में यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है एवरी पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड फर्म अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड तो उसके लिए क्या होगा थर्टी फर्स्ट अक्टूबर लेकिन यहाँ पे जो ये स्टार मार्क जो दो जगह लगा रखा है ना स्टार मार्क एक तो यहां पे लगा रखा है एक यहां लगा रखा है इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने क्या लिखा है और द स्पाउस ऑफ सच पार्टनर ए प्रोविजन ऑफ सेक्शन ए अप्लाई टू सच स्पाउस अगर स्पाउस पे प्रोविजन फाइव ए लगता है अब ये फाइव ए क्या होता है मैंने यहां पे आपको दे रखा है कि फाइव ए क्या होता है एज पर सेक्शन फाइव ए इफ इंडिविजुअल गवर्न बाय द पोर्चुगेज सिविल कोड एटीन सिक्सटी इन गोवा दादर एंड नगर हवेली दमन एंड डू देवली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन हसबेंड एंड वाइफ एक्सेप्ट सैलरी सैलरी को छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम है वो क्या होगी दोनों में इक्वली डिवाइडेड हो जाएगी मीन हसबेंड और वाइफ दोनों में इक्वली डिवाइड होगी यू गॉट माई प्रॉट ये सो दिस इज द फर्स्ट अमेंडमेंट नाउस्ट सेकेंड अमेंडमेंट है वो वन थर्टी नाइन वन सी में वन थर्टी नाइन वन सी कौन सी सेक्शन है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मे एग्जेम क्लास ऑफ पर्सन टू फाइल द रिटर्न वो मीन्स कुछ लोगों को रिटर्न फाइल करने से एग्जेम कर सकते हैं कि इनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है करके ठीक है उसमें एक जो नोटिफिकेशन है वो पहले निकाला हुआ था और ये नोटिफिकेशन क्या था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है और नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी आई में और आई एफ एस सी कहां पर लोकेटेड है आई एफ एस सी लोकेटेड है दैट इज दॉरी आई एफ एस सी में लोकेटेड इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो अगर किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्वेस्टमेंट फंड में और इन्वेस्टमेंट फंड आई एफ एस सी में लोकेटेड है और वो इन्वेस्टमेंट फंड अगर टी डी एस लेता है वन नाइनटी फोर एल में तो जो भी इनकम रहेगी वो इनकम ऑब्वियसली लाइक जो इनकम है जो है वो नॉन रेजिडेंट के हाथ में जानी चाहिए बट उस पर टीडीएस कट चुका है तो उस केस में उस नॉन रेजिडेंट को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ था अब यहाँ पे दो नोटिफिकेशन नए और आए और ये नोटिफिकेशन क्या है बट ये दोनों नोटिफिकेशन आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी जब आप नॉन रेजिडेंट वाला टैक्सेशन पढ़ लोगे तो देखो सबसे पहला नोटिफिकेशन क्या बोलता है कि अगर एक नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी हैविंग ओनली इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड फंड अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इनकम होती है स्पेसिफाइड फंड से और स्पेसिफाइड फंड कौन सा जो रेफर्ड है अंडर सेक्शन 104D वाला एंड प्रोविजन टू ऑप्टेन पेन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सच एस उसके लिए इंडिया में पेन वगैरह लेने की जरूरत नहीं तो उस केस में जो भी उसको इनकम होगी बट उसको भैया यहाँ पे लाइक इसको जो इनकम होगी उस इनकम ये पहली चीज तो ये इनकम एग्जेम्ट होती है उसके हाथ में और दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि उसको इंडिया में कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को सिर्फ स्पेसिफाइड फंड से इनकम होती है अब स्पेसिफाइड फंड क्या होता है जब आप सेक्शन टेन फोर डी नॉन रेजिडेंट में पढ़ोगे तो वहां पे समझ में आएगा वहां पर मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी नंबर थ्री होता है यह ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी नंबर थ्री होता है जिसको बोला जाता है स्पेसिफाइड फंड और भी में लोकेटेड होता है वैसा और उसके बाद अगर नॉन रेजिडेंट है जो कि एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर है एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर है इनकम ओनली फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट रेफर्ड इन क्लॉज नंबर फोर्टी सेवन क्लॉज नंबर सेवनटीन सॉरी दैट इज द सेवन ए बी सो फोर्टी सेवन का क्लॉज नंबर सेवन ए बी में जो असेट दे रखी है वो अगर वो ट्रांसफर करता है and which are listed on a recognized stock exchange located in IFSC and consideration is paid or payable in foreign currency and provision to obtain PAN is not applicable for such assessee उसको PAN number लेने की जरूरत नहीं है तो उसको भी इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है तो देखिए मैंने क्या बोला ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन आ एक सेक्शन होती है 139 1C. ये क्या बोलती है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंडिया में रिटर्न फाइल नहीं करना सर किस किस को नहीं करना सबसे पहला तो एक नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जिसको इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं हम उसमें इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड आई एफ एस सी में लोकेटेड है और इन्वेस्टमेंट फंड ने उसका टीडीएस काट लिया है तो उस केस में भैया उसको इंडिया में रिटर्न फाइल नहीं करना दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का इनकम होता है वो स्पेसिफाइड फंड से होता है स्पेसिफाइड फंड कौन सा जो कि सेक्शन टेन फोर डी में दे रखा है उस स्पेसिफाइड फंड से होता है और उस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंडिया में कोई भी लाइक पेन नंबर लेने की जरूरत नहीं और मैं बता दू जब भी स्पेसिफाइड फंड से जो इनकम मिलती है ना उस नॉन रेजिडेंट लाइक फॉरेन कंपनी को वो पूरी एग्जेप्ट होती है तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है और तीसरा मैंने क्या बोला कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो कि एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर है और उसकी इनकम किससे होती है पता है ओनली फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट रेफर्ड अंडर सेक्शन 47 क्लॉज नंबर सेवन ए बी और ये 47 का क्लॉज नंबर सेवन ए बी आप देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है करके ठीक है उसमें लिखा हुआ है कि आईएफएससी में लोकेटेड स्टॉक एक्सचेंज रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें नॉन रेजिडेंट क्या बेचता है नॉन रेजिडेंट या तो डेरिवेटिव्स बेचता है या जीडीआर बेचता है इंडियन कंपनी का या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स बेचता है करके ठीक है या फॉरेन डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर बेचता है तो मतलब वहां पर कुछ लिस्ट दे रखी है और उसकी इनकम ऐसी भी एक्जेम्ट होती है अगर वो आई में लोकेटेड स्टॉक एक्सचेंज में जब बेचता है तो इनकम ऐसे भी एक्जेम्ट होती है तो उसको इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है दिस इज वन अमेंडमेंट उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 139 .4 में एंड 139 .5 में और ये अमेंडमेंट पे आपको ध्यान देना है ठीक है और ये जो अमेंडमेंट यहां पे है ना ये सिमिलर अमेंडमेंट बहुत सारी जगह असेसमेंट प्रोसीजर में किया है इन्होंने क्या किया पता है पहले बीलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम लिमिट क्या था मीन्स अगर आप थर्टी जुलाई थर्टीएथ सेप्ट नवंबर या थर्टी अक्टूबर तक अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाते थे तो आप कब तक रिटर्न फाइल कर सकते थे अप टू द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मीन असेसमेंट ईयर जो एंड होता था वहां तक हम बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे एज वेल एज रिवाइज रिटर्न भी कर सकते थे इन्होंने उस टाइम को थ्री मंथ से क्रैश कर दिया है थ्री मंथ से उस टाइम को कम कर दिया है और अब इन्होंने का टाइम क्या है पता है आप बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो अगर आप थर्टी फर्स्ट 31 जुलाई थर्टी फर्स्ट अक्टूबर या थर्टी नवंबर तक फाइल नहीं कर पाए रिटर्न रिटर्न रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मीन असेसमेंट ईयर जो एंड होगा ना ईयर एंड से तीन महीने पहले तक ही आप बीलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो उसके बाद आप नहीं कर सकते तो इन सिंपल आपको यह बता दू कि देखो असेसमेंट है वो आपका एंड कब होगा आपके एग्जाम के लिए मैं बात करूं तो आपके एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड होगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और वहां से थ्री मंथ पहले आप चले जाइए तो आपका होगा थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू है वहां तक ही आप अपना बी लेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं कब तक थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक है वहां तक आप अपना बीलेटेड रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस तो देखो बेटा मैंने क्या बोला बीलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं देखो तो अभी रिटर्न का टाइम लिमिट क्या है? पहले था अप टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट ईयर अब ऐसा नहीं है तो आप इसको अब ऐसे याद रखेंगे कि रिटर्न हम कब थर्टी फर्स्ट दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज बात बताऊं अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं आपको कि जो आपकी ड्यू डेट है वो ड्यू डेट तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको कितना टाइम मिलेगा अगर मान लो आपका ड्यू डेट 31 जुलाई था ऑफ असेसमेंट ईयर का तो 31 जुलाई तक नहीं किया तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैं ऐसा बोलूं फाइव मंथ है बी लेट रिटर्न फाइल करने के लिए अगर आपका 31st अक्टूबर था तो नवंबर और दिसंबर ओनली 2 मंथ है आपके पास बी लेट रिटर्न फाइल करने का एंड अगर आपका थर्टी नवंबर है ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के लिए तो ओनली वन मंथ ही है आपके पास रिटर्न फाइल करने का तो कुल मिला के ऐसे इन्होंने इस साल है वो टाइम को क्रैश किया है थ्री मंथ से इन्होंने टाइम को क्रैश किया और अब अगर आपसे कोई भी पूछता है कि सर हम अगर ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो हम बी लेटेड रिटर्न कब तक फाइल करेंगे तो आप बी लेटेड रिटर्न फाइल करेंगे अप टू थर्टी दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर अप टू थर्टी फर्स्ट डिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस सर एक बात बताइए पहले रिवाइज रिटर्न का जो टाइम लिमिट था वो रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट भी ऐसा था अप टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तो क्या रिवाइज रिटर्न का टाइम है उसको भी इन्होंने क्रैश किया है आंसर इज यस रिवाइज रिटर्न का टाइम भी क्रैश किया है और रिवाइज रिटर्न का टाइम भी थ्री मंथ से इन्होंने क्रैश कर दिया करके ठीक है तो आपका हो जाएगा थर्टी फर्स्ट दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर थर्टी फर्स्ट दिसंबर ऑफ ईयर और बिफोर मुझे आपके दिमाग में एक एक ये डाउट आएगा कि सर बात बताइए ना आप बोल रहे हो अब थर्टी दिसंबर तक ही हम फाइल कर सकते December के बाद तो कर ही नहीं सकते तो सर आपको पता एक वो फीस पहले कैसे होती थी अगर आपको याद रहेगा तो टू थर्टी फोर एफ की फीस ऐसे होती थी कि अगर आप थर्टी दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल कर देते थे दे पर 31 दिसंबर तक करते थे तो यह फीस फाइव थाउजेंड थी और थर्टी दिसंबर के बाद करते थे तो यह फीस टेन थाउजेंड थी अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर अब हम लोग असेसमेंट ईयर में थर्टी दिसंबर के बाद तो रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते क्योंकि आप बोल रहे हो कि रिटर्न आप 31 दिसंबर तक कर सकते हैं दिसंबर के बाद तो अब यह टेन थाउजेंड नहीं लगेगा आपको सिर्फ पांच हजार का फीस लगेगा फाइव थाउजेंड का फीस टू थर्टी फोर एफ का तो जब आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको फाइव थाउजेंड का फीस लगेगा लेकिन अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम अप टू फाइव लैक है तो यहां पे फाइव थाउजेंड की जगह आपका मैक्सिमम कितना होगा

तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि आप बी लेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं तो मैंने यहाँ लिखा है है लेट फाइलिंग फीस का लग सकता फाइव थाउजेंड या वन थाउजेंड अब यहां पर टेन थाउजेंड वाला नहीं लगेगा चलिए उसके बाद में अगर अपन अमेंडमेंट की बात करें तो इसके बाद में अमेंडमेंट आया दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न में

वेल कंपनी के के केस केस में, में एंड कंपनी के केस में, रिटर्न कौन साइन करेगा देखो एल एल बट अगर नहीं है, तो कोई भी दूसरा कर सकता है या एनी अदर पर्सन मे बी प्रिस्क्राइब यहां पे गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है, कि नहीं है तो कोई दूसरा पार्टनर या फिर गवर्नमेंट किसी को नोटिफाई करती है प्रिस्क्राइब करती है तो वो पर्सन कर सकता है वैसे का वैसे कंपनी के केस में भी ऐसा था कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो कोई भी अदर डायरेक्टर करेगा या एनी अदर पर्सन मे बी प्रिस्क्राइब तो यहां पे जब एल एल पी में एज वेल एज द कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई दूसरा डायरेक्टर दूसरा पार्टनर कर सकता है और एनी अदर पर्सन मे बी प्रिस्क्राइब तो यहां पे क्या किसी को प्रिस्क्राइब किया है आंसर इज यस इन्होंने इस साल प्रिस्क्राइब किया है और किसको प्रिस्क्राइब किया है समझने की कोशिश करना तो यहां पे इन्होंने लिखा कि प्रिस्क्राइब में कौन आएगा अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी फॉर डिस्चार्ज द ड्यूटीज और फंक्शन ऑप एन इंट्रीम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और अ लिक्विडेटर एज द केस में अंडर द आईबीसी टू तो इन्होंने बोला कि यहां पे प्रिस्क्राइब किसको किया है कि अगर कोई पर्सन अपॉइंट किया जाता है बाय द एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी जो आपने पढ़ा होगा आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी एंड इन्सोल्वेंसी बैंक 2016 उसमें आपको पता रहेगा एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी रहती है और एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने किसी पर्सन को फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए अपॉइंट किया है किसके फंक्शन या तो इंटरम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के या फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के या लिक्विडेटर के जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने के लिए अगर किसी को उन्होंने अपॉइंट किया है वो पर्सन है वो रिटर्न साइन कर सकता है या रिटर्न को वेरीफाई

वैसे करके चलिए अब एक चीज समझना एक और अमेंडमेंट देखिए असेसमेंट प्रोसीजर में कितने सारे अमेंडमेंट है एक और अमेंडमेंट और ये अमेंडमेंट है आधार और पैन को लिंक करने का एक बात बताइए आधार और पैन को लिंक करने का इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 1 जुलाई 2017 को आपके पास पैन कार्ड था तो आपको अपने आधार से उसको लिंक करना पड़ेगा अगर आप एलिजिबल हो आधार ऑप्टेन करने के लिए सर व्हाट वाज द डेट तो इन्होंने डेट पहले दी थी वो लिंकिंग की डेट को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और अभी लेटेस्ट जो आपके लिए थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपके पास पैन कार्ड ऑलरेडी फर्स्ट जुलाई 2017 या उसके पहले है तो आपको क्या करना पड़ेगा अपने पैन को आधार से लिंक करना पड़ेगा अपने पेन को अपने आधार से क्या करना पड़ेगा लिंक करना पड़ेगा कब तक करना पड़ेगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक क्या करना पड़ेगा उस पेन को आधार से क्या करना पड़ेगा लिंक करना पड़ेगा अब आप मुझे बोलेंगे अगर मैंने लिंक नहीं किया ये थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक तो क्या होगा आपका पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा और जब इनऑपरेटिव हो गया अगर एक बार पेन तो फिर क्या होगा वो इनऑपरेटिव हो गया तो इनऑपरेटिव होगा तो जब भी आप पेन देंगे ना आगे वाला बोलेगा पेन गलत है जब बैंक में जाएंगे वो आगे वाला चेक करेगा आपका पेन ऑपरेटिव है इनऑपरेटिव आपका स्टेटस इनऑपरेटिव आएगा वो पेन नंबर डालेगा सॉफ्टवेयर में और इनऑपरेटिव आएगा ये माना जाएगा आपने पेन दिया ही नहीं और पेन नहीं दिया तो उस केस में आपको टेन थाउजेंड तक का पेनल्टी वगैरह लग सकता है अब यहाँ पे एक चीज समझना सर आप बोल रहे हैं ये थर्टी मार्च टू टू जो है इस डेट तक हमने लिंक नहीं कराया तो हमारा पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा फिर क्या हम इसको ऑपरेटिव करवा सकते आंसर यस आप ऑपरेटिव करा सकते जिस दिन इसके बाद बाद अप्रैल 2022 या उसके बाद, जिस दिन आप इनको लिंक करा देंगे उस दिन से आपका पेन है वो ऑपरेटिव हो जाएगा लेकिन सर इसमें इन्होंने इस बार एक अमेंडमेंट करके एक नई सेक्शन डाली है दैट इज द टू थर्टी फोर एच करके और 234H में ये लिखा है कि अगर आप फर्स्ट अप्रैल 2022 के बाद में दोनों को लिंक कराएंगे तो आपको वन थाउजेंड का फीस देना पड़ेगा तो भैया थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बाईस तक आप लिंक करा दीजिए पैन और आधार को अगर आप नहीं कराते हैं और फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फीस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को यहां पे गवर्नमेंट लिंक करते टाइम वन थाउजेंड का फीस लेगी और जिस दिन आप लिंक कराओगे उसी दिन वो क्या हो जाएगा फिर से ऑपरेटिव हो जाएगा तो जिस दिन आप उनको लिंक कराओगे उस दिन से क्या हो जाएगा वो वापस से ऑपरेटिव हो जाएगा तो यहीं पे मैंने देखिए यहां पे मैंने डाल रखा है देखिए ऑन द पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे एज पर सेक्शन टू थर्टी फोर एच इफ एस फेल्स टू लिंक अप टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इस डेट तक आपने लिंक नहीं कराया

हो जाएगा यू गॉट माइ पॉइंट नॉट यस चलिए सो अमेंडमेंट उसके बाद अगर मैं पेन नंबर की बात करूं तो पेन नंबर में एक बात बताओ किस किस को पेन लेना पड़ता है तो जिसका इनकम बेसिक एग्जाम से ज्यादा है, उसको पेन लेना पड़ेगा

तो मेरे बेटे के नाम पे मैंने पॉलिसी लिया यहां पे मेरा बेटा है वो पेरेंट्स का पेन नंबर लगा सकता है तो माइनर को खुद का पेन नंबर लेने की जरूरत नहीं है वो अपने पेरेंट्स का पेन नंबर ले सकता है और वो लगा सकता है उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या बोलता है इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट अगर कोई नॉन रेजिडेंट है अर्न ओनली इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द स्पेसिफाइड फंड अगर मान लो इंडिविजुअल ने क्या किया कोई नॉन रेजिडेंट है उस नॉन रेजिडेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है स्पेसिफाइड फंड में स्पेसिफाइड फंड का मतलब होता है यहां पे कैटेगरी वन और कैटेगरी टू ऑफ द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड लोकेटेड इन आईएफएससी मैंने जैसे बताया था ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में उसने इन्वेस्टमेंट किया एंड उसका टीडीएस है

क्लॉज नंबर सेवन ए बी में दे रखी है उनको ट्रांसफर करता है कहां पे आई एफ एस सी में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में और उसका कंसिडरेशन पेड और पेबल इन फॉरेन करेंसी है तो मैं बता दू इनकम ऐसे भी एग्जाम्ड होती है उसको रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं और यहाँ पे पेन नंबर लेने की भी जरूरत नहीं है करके ठीक है चलिए अब यहां पे पेन नंबर और वो सब लेने की जरूरत तो नहीं है लेकिन डिटेल देनी पड़ेगी तो यहां पे दे रखा है कि भैया ये नॉन रेजिडेंट जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको पेन नंबर लेने की जरूरत नहीं है इंडिया में पेन नंबर के बिना वो काम कर सकता है लेकिन उसको ये कुछ डिटेल देनी पड़ेगी जैसे नेम है मेल आई है ये सब चीजें है वो उसको देनी पड़ेगी चलिए ठीक है उसके बाद में उसके बाद में अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं तो आपका अमेंडमेंट सीधा वन फोर्टी 1 में दैट इज रिया वाला नोटिस रिया वाला नोटिस वन फोर्टी टू वन रिया वाला नोटिस मीन आपका क्या बोलते हैं रिटर्न इंफॉर्मेशन एंड अकाउंट्स के लिए अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो एओ के पास ये पावर था कि एओ आपको क्या कर सकता है नोटिस भेज के आपसे रिटर्न मंगवा सकता है इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है अकाउंट्स मंगवा सकता है अब एक बात समझना यहां पे पहले कौन ये लाइक पावर यूटिलाइज कर सकता था ओनली एओ सिर्फ असेसिंग ऑफिसर ये नोटिस भेज सकता था लेकिन फिर इन्होंने यहां पे एक और अमेंडमेंट किया इस साल और इन्होंने बोला एनी ऑथॉरिटी ये काम कर सकती है नॉट ओनली एनी ऑथॉरिटी कर सकती है नॉट बिलो द रैंक ऑफ द आईटीओ आईटीओ से लोअर लेवल का बंदा नहीं आईटीओ से ऊपर वाले कोई भी कमिश्नर है सीसीआईटी है डीजीआईटी है पीडीजीआईटी है कोई भी ये लोग क्या कर सकते हैं ये नोटिस भेज के और आपसे रिटर्न इंफॉर्मेशन या अकाउंट से वो मंगा सकते हैं

जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते हो तो रिटर्न फाइल करते हो आपका रिटर्न कहां जाता है बेंगलुरु सीपीसी और बेंगलुरु सीपीसी क्या करते हैं इसमें कुछ चेंजेस करते हैं और क्या क्या चेंजेस करते हैं जैसे हम देखते हैं फाइव टाइप के चेंजेस करते थे कौन कौन से पहला अरेथमेटिक एरर है तो दूसरा इनकरेक्ट क्लेम है तो तीसरा क्या होता था आपने अगर लेट रिटर्न किसी साल का फाइल किया था और उस साल के लॉसेस लिए वो लॉसेस को हटा देंगे चौथा क्या था कि कोई एक्सपेंडिचर अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में सीए ने डिसअलाउड किया और रिटर्न में डिसअलाउड नहीं हुआ तो उसको डिसअलाउड कर देंगे और पांचवा क्या था कि अगर आप कोई ऐसे डिडक्शन लेते हो इनकम बेस उसमें दे रखा था आई बी आई सी आई डी आई ई टेन डबल ए और ए आई ए बी ऐसे ये डिडक्शन दे रखे थे ये अगर आप लेते हैं

इस बार इन्होंने अमेंडमेंट करके लिख लिया कि भैया अगर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में सीए ने कुछ इनकम इंक्रीज की है तो हम रिटर्न में उस इनकम को इंक्रीज भी करेंगे इंटीमेशन में हम इंटीमेशन में यह भी चेंज करेंगे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, ने क्या किया कि जब टैक्स ऑडिट कर रहा था उसने कुछ इनकम बनाई तो जब इनकम बनी है तो इंटीमेशन में हम ये चेंज कर सकते हैं आपको वो इनकम बनानी है रिटर्न में अगर आपने नहीं बताई तो हम इंटीमेशन में उस इनकम को इंक्लूड करेंगे

सिक्स uh, ए में हेडिंग सी में दे रखे और हेडिंग सी में अब देखो सब आगे एटी आई ए से लेके और एटी आर तक सब आ गए यहां पर एटीआईए से लेके और एटी आर तक यहां पे सब आ गए और मैं बता दू ए डबल जे डबल ए भी आ गया

डिसलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन द इनकम इंडिकेटेड इन ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट कंसिडर्ड इन द रिटर्न अगर रिटर्न में कंसिडर नहीं किया है बट अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट में चार्टेड अकाउंटेंट ने इंडिकेट किया है तो वह ऐसा कर सकते हैं एक तो डिस अलाउड ऑफ एक्सपेंडिचर एज वेल एज द इंक्रीज इन द इनकम एंड डिस अलाउस ऑफ डिडक्शन टेन डबल ए और अंडर चैप्टर सिक्स ए अंडर द हेडिंग सी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम आप यहां लिख सकते हैं ए टी आई ए टू ए जितने भी डिडक्शन होते हैं करके ठीक है एटीआईए से लेके और ए टी आर आर बी के जितने भी डिडक्शन है, है वो डिस अलाउड हो जाएंगे करके ठीक है अगर आपने रिटर्न है वो लेट फाइल किया तो इफ रिटर्न फाइल लेट चलिए अब इसमें एक और अमेंडमेंट इंटीमेशन आपको कब तक इश्यू होगी तो मैं बता दू इंटीमेशन आपको इश्यू होती है

तो जैसे आप रिटर्न फाइल करोगे उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से नाइन मंथ के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन जो है वो इंटीमेशन इशू हो जाएगी सो दिस इज द वन अमेंडमेंट यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस चलिए उसके बाद में एक और अमेंडमेंट दैट इज स्क्रूटनी का नोटिस अब एक बात बताओ अगर स्क्रूटनी असेसमेंट करना है तो वन फोर्टी थ्री टू का नोटिस भेजते थे अब ये 143.2 का नोटिस सर्व करवाना पड़ता था और ये सर्व कब तक कराते थे टाइम लिमिट क्या हुआ करता था सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न फाइल स्क्रूटनी नोटिस हैज टू बी सर्व विद इन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल इसको भी थ्री मंथ से क्रैश कर दिया और यहां पे थ्री मंथ से क्रैश करके इन्होंने टाइम लिमिट कर दिया दैट इज द थ्री मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फाइल तो जिस ईयर में आप रिटर्न फाइल करेंगे उस ईयर के एंड से उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से थ्री मंथ के अंदर अंदर है वो आपको स्क्रूटनी का नोटिस है वो सर्व करवाया जाएगा अगर आपका केस स्क्रूटनी में पिक कर रहे हैं तो तो मैंने क्या बोला देखिए अब आपका स्क्रूटनी का जो नोटिस है वो कब तक सर्व होगा तो स्क्रूटनी नोटिस हैज हैज टू टू बी बी सर्व सर्व स्क्रूटनी नोटिस विद इन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विद इन थ्री मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल तो थ्री मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज No. Yes, चलिए उसके बाद में आपको मैं बताऊं आपका स्क्रूटनी और बेट जस्टमेंट असेसमेंट कंप्लीट करने का जो टाइम लिमिट हुआ करता था वो कौन सी सेक्शन में दे रखा था अगर आपको याद रहेगा तो वन फिफ्टी में दे रखा था और 153 थ्री वन का टाइम लिमिट क्या हुआ करता था 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इस टाइम को भी चेंज करके और थ्री मंथ से क्रैश कर दिया नाइन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर क्योंकि यहां पे एक बात बताइए बीलेटेड रिटर्न का टाइम क्रैश किया रिवाइज रिटर्न का टाइम क्रैश किया इंटीमेशन सेंड करने का टाइम क्रैश किया स्क्रूटनी नोटिस इश्यू करने का टाइम क्रैश किया और स्क्रूटनी जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम क्रैश किया और ये जितने भी टाइम क्रैश किए हैं वो थ्री मंथ से इन्होंने क्रैश किया

अगर आपको मैं ऐसे बताना चाहूं तो आपको पता है ये असेसमेंट ईयर 21, 22 एंड ऑडमर्ट्स ये नाइन मंथ है उससे पहले कितना था तो ये असेसमेंट ईयर मैं बता दू 2021 एंड असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर 1920 के लिए ये 12 मंथ हुआ करता था उसके पहले अगर आपको याद रहे असेसमेंट ईयर 18, 19 के लिए ये 18 मंथ हुआ करता था और उससे पहले ईयर 17-18 या उससे पहले वाले असेसमेंट ईयर के लिए ये 21 मंथ हुआ करता था अब आप इतना याद रख पाए तो ठीक है नहीं तो आप ऐसे याद रखिए कि अभी फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट स्क्रूटनी या बेट जजमेंट असेसमेंट का एओ ऑर्डर कब तक पास करेगा नाइन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉट यस उसके बाद

में कोई दिक्कत नहीं वन थर्टी थ्री बी में कोई अमेंडमेंट नहीं वन थर्टी थ्री ये सर्वे में कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद में आपका सर्च केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर्च वाला सेम है कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब अपन चालू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट और ये इंटरेस्टिंग पार्ट वन फोर्टी सेवन पूरा ही चेंज हो गया और मेरे को लगता है आने वाले पाँच घंटे जो है अप्रोक्स चार पाँच घंटे जो है इसमें सिर्फ हम यही पढ़ने वाले हैं वन फोर्टी सेवन करके ठीक है पहले क्या होता था 147 का जो असेसमेंट होता था वो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए था रेड केसेस के लिए अगर आपको याद रहेगा ना तो पहले 153 ए एंड 153 सी में असेसमेंट होता था अब ये चेंज होके और इन्होंने 1 147 में ही असेसमेंट होगा अब जो सर्च होगा ना उसमें भी 147 में ही असेसमेंट होगा तो चलिए हम चालू करते हैं वन का पूरा लाइक क्या बोलते हैं पूरा इन डेप्थ एनालिसिस हम चालू करते हैं कि ये 147 क्या है कैसे है क्या होगा करके ठीक है वो तो सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं तो सब लोग आराम से बैठ जाइए और सुनना चालू करिए yes, so, आज हम चालू करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट असेसमेंट प्रोसीजर का और जिसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है करके ठीक है बहुत सारा अमेंडमेंट है तो वो हम चालू करने वाले हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं एक सेक्शन पढ़ेंगे 147 वाली सीरीज और 147 को बोला जाता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या फिर बोला जाता है रीअसेसमेंट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या फिर रीअसेसमेंट या प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग बोलते हो री ओपनिंग ऑफ केसेस रीओपनिंग ऑफ केसेस तो देखिए इनकम एस्केपिंग आपका असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रीओपनिंग ऑफ केसेस करके ठीक है रीओपनिंग ऑफ केसेस तो आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रीओपनिंग ऑफ केसेस पहले मैं आपको थोड़ा लास्ट ईयर में लेके जाता हूं लास्ट ईयर तक क्या होता था और इस साल से क्या क्या चीजें चेंज हो गई है देखिए लास्ट ईयर तक क्या होता था कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में एक सेक्शन 147 थी 148 थी 149 थी 150 थी 151 थी और 152 थी ये सेक्शंस थी इस साल इन्होंने क्या किया निर्मला सीतारमन जी ने कि 147 जो है वो 147 को पूरा रिप्लेस करके एक नई 147 डाल दी 148 को भी पूरा रिप्लेस कर दिया और उन्होंने 148 नया डाल दिया 148 के बाद एक और नई सेक्शन डाली गई दैट इज द एक न्यू इंट्रोडक्शन हुआ 148 ए करके सेक्शन का एक 149 को चेंज किया गया वन फिफ्टी एज इट इज रख ली उसमें उन्होंने एक नई 151 डाल दी और 152 है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए करके ठीक है तो चलिए तो हम यू कैन से दैट ये बोल रहे हैं कि ये जो सीरीज जो हुआ करती थी लास्ट ईयर तक वो टोटली डिफरेंट थी और इस बार जब हम पढ़ने वाले हैं वो टोटली डिफरेंट है एक और चीज ध्यान रखना पहले क्या होता था कि जब भी आपका 132 में रेड होती थी जिसको अपन सर्च बोलते हैं बेसिकली या फिर 132 ए में जब रिक्विजिशन होता था तो इस केस में जो आपके असेसमेंट कंप्लीट होते थे ना वो असेसमेंट 153 ए और 153 सी में होते थे 153 ए और 153 सी में आपके असेसमेंट कंप्लीट होते थे इस साल से इन्होंने क्या किया सर्च केसेस में जब आपके रेड होती है सर्च होता है तो सर्च केसेस में जो असेसमेंट 153 ए और 153 सी में होते थे इन दोनों को हटा दिया सेक्शन को और यहां पर यह बोला कि अगर रेड होगी तो भी आपका असेसमेंट है वो वन में ही होने वाला है तो नाउ वन में असेसमेंट होने वाला है पहले क्या होता था लास्ट ईयर तक मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर तक असेसमेंट की तीन सेक्शन हुआ करती थी असेसमेंट जो ऑर्डर बनते थे या तो आपका वन फोर्टी थ्री थ्री का स्क्रूटनी बनता था या 144 का आपका बेड जजमेंट बनता था या 147 बनता था या फिर 153 ए एंड 153 सी बनता था तो ये 153 ए और सी को रिमूव कर दिया और अब इस साल से आपके तीन ही असेसमेंट हो सकते हैं या तो 143 फोर्टी थ्री थ्री दैट इज अस् स्क्रूटनी असेसमेंट वन फोर्टी जजमेंट असेसमेंट वन आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और जो रेड केसेज है वो भी इसी में कवर हो जाएंगे ठीक है तो अपन स्लोली पढ़ेंगे अपन आराम से पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे होले होले पढ़ेंगे करके ठीक है आपको कुछ भी नहीं करना है आप सिर्फ बोर्ड पे देखते जाइए और आप चीज़ों को समझते जाइए हम पढ़ना चालू कर सक आ, कर चुके हैं अभी 147। देखिए 143, फोर्टी में आपको पहले करा चुका हूं दैट इज स्क्रूटनी असेसमेंट स्क्रूटनी असेसमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि एवरी ईयर देर आर लाइक वन परसेंट केसेज जिसका डिपार्टमेंट स्क्रूटनी पिक करता है ठीक है और उनका स्क्रूटनी असेसमेंट होता है और स्क्रूटनी असेसमेंट ऑर्डर आता है वन फोर्टी थ्री थ्री में कुछ रिफंड होता है तो रिफंड मिल जाता है टैक्स पेबल होता है तो टैक्स पेबल हो जाता है वन फोर्टी फोर कब होता है वन फोर्टी फोर तब होता है जब आप डिपार्टमेंट के साथ कंप्लाई नहीं करते तो डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है या जिसको अपन एक्स पार्टी असेसमेंट बोलते हैं वो कब होता है चार केसेस में या तो आपको उन्होंने आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया या फिर उन्होंने 142-1 का जो रिया वाला नोटिस भेजा था वो उसका कंप्लाई नहीं किया स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दिया उसका कंप्लाई नहीं किया स्क्रूटनी नोटिस आपको इश्यू किया सर्व करवाया उसका कंप्लाई नहीं किया तो 144 होता है आज अपन जो चालू करने वाले हैं दैट इज द 147 एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन आई एम पी फॉर योर एग्जामिनेशन और एग्जाम में अच्छा खासा कवरेज इस बार होगा इससे मेरे को ये लगता है फाइव टू सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपको यहां से पूछे जाएंगे एग्जाम में तो चलिए चालू करते हैं 147 आपको बुक में कुछ भी नहीं देखना है आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए सब चीजें मैं आपको बता दूंगा आपको हर चीज समझ में आ जाएगी तो देखिए 147 जो सेक्शन है पहली चीज यह सेक्शन बोलती है कि अगर यह सेक्शन में असेसमेंट होता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या इसको बोलते हैं रीअसेसमेंट या इसको बोलते हैं री ओपनिंग ऑफ केसेस अब एक बात बताइए मुझे इधर देखिए इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और रीअसेसमेंट और री, री ओपनिंग ऑफ केसेस एक चीज समझना आप लोग जैसे कोई असस्सी है जिसका नाम है मिस्टर बाला और बाला के केस में मान लो फॉर एन एग्जाम्पल असेसमेंट ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए असेसमेंट ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए जैसे वन फोर्टी थ्री थ्री का असेसमेंट हो चुका है मिस स्क्रूटनी हो चुका है उस साल के लिए उसका स्क्रूटनी हो चुका है तो क्या उस साल वापस उसका स्क्रूटनी हो सकता है अगेन पॉसिबल एक बार अगर वन हो चुका है तो क्या वापस वन हो सकता है आंसर इज नो अगेन वन नहीं हो सकता बिकॉज वन फोर्टी थ्री थ्री वॉज द असेसमेंट वहां पर मैंने री असेसमेंट वर्ड यूज नहीं किया था आप देखेंगे स्क्रूटनी असेसमेंट बोला जाता है या फिर स्क्रूटनी जो है या उसको रेगुलर असेसमेंट बोला जाता है आ, कोई रीअसेसमेंट नहीं था तो एक बार अगर आपका वन -thri -thri हो चुका है तो वापस उस साल का वन नहीं हो सकता अगर आपका वन -thri -thri हो चुका है तो क्या सर उसी साल का वन -four हो सकता है आंसर इज नो नहीं हो सकता बिकॉज दैट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दैट वॉज अट एक्सपार्टी असेसमेंट वहां पर रीअमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ था तो अगर आपका पहले एक बार वन फोर्टी थ्री थ्री हो चुका है तो उसी साल का वन फोर्टी फोर वापस पॉसिबल नहीं है लेकिन क्या उस साल का आपका 147 हो सकता है इस 147 फोर्टी सेवन इज पॉसिबल आंसर इज यस आपका वन हो सकता है बिकॉज फोर्टी सेवन इज अ रीअसेसमेंट यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है रीअसेसमेंट मीन ये सेक्शन में आपका रीअसेसमेंट भी हो सकता है पहले एक बार आपका असेसमेंट हुआ था वापस आपका असेसमेंट उस साल का हो सकता है या फिर मान लो एक बार आपका 147 हुआ उसके बाद इनकम एस्केपिंग एओ को कुछ और मिल गई तो क्या वापस से 147 हो सकता है आंसर इज यस उस साल का क्या वापस से 147 हो सकता है आंसर इज यस उस साल का वापस से 147 हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है 147 फोर्टी सेवन इज रीअसेसमेंट इसमें डिपार्टमेंट को बहुत पावर दे रखी है कि एक बार आपका असेसमेंट हो चुका केस क्लोज कर लिया आपने बड़े खुश हो गए उसके बाद वापस से आपका केस खुल सकता है इसलिए इस सेक्शन को बहुत बार हम ऑफिस में रीओपनिंग ऑफ केसेस भी बोलते हैं आपने बहुत बार अपने बॉसेस बौ को ये कहते हुए सुना होगा कि उसका केस रीओपन हो गया करके ठीक है उसका जो केस है वो रीओपन हुआ है तो आप देखना उसको 147 में केस लिया होगा और 148 का उसको नोटिस आया होगा तो पहले असेसमेंट हो चुका है तो वापस असेसमेंट हो सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना सर मान लो पहले किसी का 144 हुआ है बैच जजमेंट असेसमेंट तो क्या उसी साल का वापस से 144 हो सकता है आंसर इज नो नहीं हो सकता क्या उस साल का 143 फोर्टी थ्री हो सकता है क्या 143 फोर्टी थ्री हो सकता है आंसर इज नहीं हो सकता लेकिन क्या सर उस साल का 147 हो सकता है यस हो सकता है अगर एक बार 147 हो गया दूसरी बार 147 हो सकता है आंसर इज यस सर तीसरी बार भी क्या 147 हो सकता है आंसर इज यस क्या चौथी बार 147 उसी साल का हो सकता है आंसर इज यस वन हो सकता है अपार पावर दे रखी है जितनी भी बार चाहे वो आपका रीअसेसमेंट हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, दिकता है, दिकता है। अब जैसे मान लो कोई एस ने क्या किया था रिटर्न फाइल ही नहीं किया था मान लो नो no रिटर्न कुछ रिटर्न फाइल ही नहीं किया था और सीधा डिपार्टमेंट 147 फोर्टी कर सेवन करना चाहता है जैसे रिटर्न ही फाइल नहीं किया था डिपार्टमेंट को कुछ इनकम स्केपिंग मिल गई सीधा 147 करना चाहता है तो क्या पहली बार ही वन हो सकता है आंसर इज यस बिकॉज इस सेक्शन में असेसमेंट भी तो लिखा है इनकम स्केपिंग असेसमेंट भी तो लिखा है हर जगह रीअसेसमेंट थोड़ी है असेसमेंट भी हो सकता है तो जब पहली बार होता है तो उसको असेसमेंट बोला जाता है तो वन क्या डायरेक्टली वन हो सकता है आंसर इज यस हो सकता है उसके बाद वापस वन हो सकता है आंसर इज यस हो सकता है उसके बाद क्या वापस 147 हो सकता है आंसर इज यस हो सकता है अपार पावर दे रखी है जितनी बार चाहे उतनी बार 147 हो सकता है अगर मान लो किसी असेसी ने रिटर्न फाइल किया ही था तो रिटर्न फाइल किया था तो रिटर्न फाइल किया तो उसके बाद उसका 143 1 का इंटीमेशन आया अब इंटीमेशन आया इंटीमेशन के बाद में अगर मान लो डिपार्टमेंट को लगता है इनकम एस्केपिंग है तो उस केस में क्या सीधा 147 हो सकता है आंसर इज यस हो सकता है क्या प्रॉब्लम है अगर वापस 147 हो सकता है आंसर इज यस हो सकता है क्या दिक्कत है 147 हो सकता है लेकिन सर 147 कब होता है जब यहां पर लिखा हुआ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या रीअसेसमेंट और रीओपनिंग ऑफ केसेस तो एक बात समझना मैं आपको बता दूं 147 आपका तभी होता है 147 आपका तभी होता है जब आपका कोई ना कोई इनकम एस्केप हो गया है इनकम जो है वो इनकम एस्केप हो गया है किस चीज से एस्केप हो गया असेसमेंट होने से अगर आपका कोई इनकम एस्केप हो गया है असेसमेंट होने से तो उस केस में ये असेसमेंट हो सकता है बिकॉज क्या लिखा हुआ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट एस्केपिंग का मतलब क्या होता है एस्केपिंग का मतलब आपने छुपा लिया था या छूट गया था इसको अपन अगर परफेक्ट वर्ड बोलेंगे हिंदी में कि आपकी इनकम छूट गई थी असेसमेंट होने से या आपने छुपा लिया था एस्केपिंग का मतलब छुपाना नहीं होता है करके ठीक है छुपाने के लिए आप हाइड वर्ड यूज कर सकते हैं यहां पर इनकम छूट गई थी असेसमेंट होने से यहां पे अगर आपकी इनकम है वो असेसमेंट होने से छूट गई थी तो उसको बोलते हैं इनकम एस्केप हो गई थी इनकम एस्केप हो गई थी किससे असेसमेंट होने से तो उस केस में आपका 147 है वो 147 हो सकता है करके ठीक है अब एक बात समझना 147 जो है ना वो 147 एक लंबा छोड़ा प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर क्या बोलता है समझने की कोशिश करना तो असेसमेंट जो होगा वो आपका 147 में होगा 147 जो सेक्शन आएगी 147 में हम पढ़ेंगे असेसमेंट होगा उसके पहले एक बात बताऊं असेसमेंट करने से पहले आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा 148 का 148 में आपको नोटिस आएगा और नोटिस 148 में आएगा और 148 का नोटिस भेजने से पहले एओ को एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो कि 148 ए में दे रखा है 148 ए में एक प्रोसीजर दे रखा है वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अब क्वेश्चन ही आता है कि सर 148 का नोटिस कब तक आ सकता है हमको कब तक डरने की जरूरत है हमने मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक घर बेचा था 2015 में और उसका कैपिटल गेन था मैंने टैक्स ही नहीं भरा आज मैं एकदम घूम रहा हूँ ठीक है तो मेरे को क्या आज डरने की जरूरत है क्या मेरे को 147 में पकड़ सकते हैं या नहीं तो उसके लिए एक टाइम लिमिट होती है और वो टाइम लिमिट 149 में दे रखी है 149 में हम पढ़ेंगे दैट इज टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 148 का टाइम लिमिट होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे 150। 150 एक ऐसी सेक्शन है जिसमें एओ को अनलिमिटेड टाइम लिमिट मिलेगा अनलिमिटेड टाइम लिमिट मिलेगा उसके बाद 151 पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा कि हायर ऑथोरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा देखो यहां पे ये जो सेक्शन है बड़े स्ट्रांग सेक्शन है छोटे छोटे एओ आपको परेशान करने लग जाएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना तो उसके लिए क्या होगा 151 से अप्रूवल 151 में हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने अबू के पास जाना पड़ेगा बड़े बड़े लोगों के पास जाना पड़ेगा और एओ को अप्रूवल लेना पड़ेगा और अप्रूवल लेने के बाद ही वो ऐसा कर सकता है उसके बाद मैं वन में आपको ये सिखाऊंगा कि सर उस पे टैक्स रेट कौन से ईयर की लगेगी जैसे मान लो 16-17 की इनकम आपकी चुप गई थी 16-17 की इनकम एस्केप हो गई थी अभी उन्होंने पकड़ लिया उसका असेसमेंट कर रहे हैं तो उस पर टैक्स रेट कौन से ईयर की लगेगी 16-17 की लगेगी या इस साल की लगेगी और 153 जो है सबसेक्शन टू उसमें मैं ये बताऊंगा कि वन का असेसमेंट कंप्लीट कब कर तक करेंगे भाई 147 का जो असेसमेंट ऑर्डर बनाएंगे वो ऑर्डर कब तक बनाएंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं 153 फिफ्टी मैं टू में तो आप समझ लीजिए इस पूरी सीरीज में कितनी सारी सेक्शन आएगी 147 में असेसमेंट ऑर्डर बनेगा 148 का नोटिस जाएगा पहले उसके बाद 148 का एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा वन में टाइम लिमिट दे रखी है वन का नोटिस कब तक इश्यू हो सकता है

अब 147 ये बोलती है कि अगर कोई असेसिंग ऑफिसर है और उस असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है कि आपकी इनकम एस्केपिंग हुई है पहली चीज इस असेसिंग ऑफिसर के पास में कुछ इंफॉर्मेशन है उस असेसिंग ऑफिसर के पास में कुछ इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है कि आपकी जो इनकम है वो इनकम क्या हुई है एस्केप हुई है असेसमेंट होने से तो उस केस में वो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा पता है आपको सबसे पहले एक नोटिस भेजेगा और नोटिस आप लोगों को सर्व करवाया जाएगा अंडर सेक्शन 148 का नोटिस आएगा और 148 के नोटिस में आपसे ये बोला जाएगा आपसे ये बोला जाएगा कि हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि आपकी इनकम एस्केप हुई है आप एक काम करिए उस नोटिस के रिप्लाई में आप उस ईयर का रिटर्न फाइल करिए आपसे रिटर्न मंगवाया जाएगा तो देखिए चालू कैसे हो रहा है चालू कैसे होता है कि असेसिंग ऑफिसर जो है एओ है उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है अब आप बोलेंगे ये इंफॉर्मेशन क्या होगा मैं बताऊंगा इंफॉर्मेशन क्या होता है तो इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी सीबीडीटी ने क्लियर किया है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहां पे आएगी और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एओ को पता चलता है कि आपकी इनकम एस्केप हो गई है तो वो क्या करेगा आपको सबसे पहले एक नोटिस भेजेगा वन का और 148 का नोटिस है वो सर्व करवाया जाएगा आप पे और आपको बोला जाएगा कि हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन है और इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पता चलता है कि आपकी इनकम एस्केप हुई है आप उस साल का रिटर्न फाइल करिए आप उस साल का रिटर्न फाइल करिए अब आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताइए हमने तो रिटर्न फाइल कर रखा है पहले तो भी क्या हमको वापस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आंसर इज यस आपको वापस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 148 का अगर आपको नोटिस आता है और 148 के नोटिस में वो बोलेंगे कि आप 148 के में रिटर्न फाइल करिए और वो आपको टाइम लिमिट देंगे और वो टाइम लिमिट कितना देंगे पता है नॉर्मली देते हैं 15 डेज 30 डेज का टाइम लिमिट देते हैं कि ये 30 डेज का टाइम है इस 30 डेज की टाइम लिमिट के अंदर अंदर आप एक काम करिए वन के रेस्पॉन्स में अपना रिटर्न फाइल करिए उस साल का जिस साल का उनके पास इंफॉर्मेशन है कि आपकी इनकम है वो एस्केपिंग हुई है तो देखिए सिक्वेंस कैसे चलेगी एओ के पास में इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन बेसिस पे उसको पता चलता है कि आपकी इनकम एस्केप हुई है तो इनकम एस्केप हुई है उससे रिलेटेड उसके पास इंफॉर्मेशन है और वो सबसे पहले आपको एक नोटिस भेजेगा 148 का बट ये नोटिस भेजने से पहले उसको एक वन ए का प्रोसीजर और फॉलो करना पड़ेगा वो वन फोर्टी का प्रोसीजर क्या है वो मैं बताऊंगा और वो नोटिस भेजेगा और उसके साथ साथ में 148A का प्रोसीजर फॉलो करके आपको एक उसका एक उसका ऑर्डर भी साथ में देगा कि भैया आप एक काम करिए अपना रिटर्न फाइल करिए आपको इसके रेस्पॉन्स में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सब चीजें आराम से एक एक एक, एक, एक पॉइंट वाइज है वो सब चीजें है वो हम देखेंगे करके ठीक है तो चलिए सबसे पहला ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन हा सबसे पहला

तो एओ को ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी मैं बताऊंगा एओ के पास इंफॉर्मेशन आ गई अब एओ क्या करेगा सबसे पहला स्टेप होता है वो 148 का एक प्रोसीजर फॉलो करेगा उसके बाद क्या करेगा वो 148 का एक नोटिस भेजेगा मुझे और मुझे बोलेगा कि बीबी सर आपकी असेसमेंट इटीन नाइनटीन की इनकम एस्केप हुई है 50 लाख रुपीज और ये मुझे इंफॉर्मेशन मिली है और इसके बेसिस पे आपकी इनकम एस्केप हुई है आप एक काम करिए आप असेसमेंट इटीन नाइनटीन का रिटर्न फाइल करिए अब मैंने एटीन नाइनटीन का रिटर्न फाइल कर दिया तो जैसे ही मैंने एटीन नाइनटीन का रिटर्न फाइल किया उसके बाद क्या हुआ पता है कि जब एओ मेरा असेसमेंट कर रहा था मेरे से उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाए डॉक्यूमेंट मंगवाए जब वो असेसमेंट कर रहा था और असेसमेंट करते करते उसको पता चला कि हो ये जो इनकम है ना ये पचास लाख एल तो है ही है इसके साथ साथ बीबी सर का एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम और था बीस लाख का वो भी इन्होंने तो नहीं बताया था इसी साल का बीबी सर का है ना कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का और दस लाख का इनकम था वो भी इन्होंने छुपा लिया था नहीं बताया था तो इसको ये थर्टी लैख की इनकम और मिल गई थर्टी लैख की इनकम और मिल गई जब वो असेसमेंट कर रहा था जब मेरे को बुलाया गया तब तो उसको थर्टी लैख की इनकम और मिल गई तो क्या इस इनकम को भी वो कंसिडर कर सकता है या नहीं ये जो इनकम है क्या इस इनकम को भी वो कंसिडर करके ले सकता है साथ में या नहीं या फिर उसको वापस से पूरा वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ए का एंड में वापस से नोटिस भेजना पड़ेगा क्या वापस से उसको करना पड़ेगा या अदर इनकम मिल गई तो उसको सबको इंक्लूड कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है उसको कोई भी प्रोसीजर वन फोर्टी एट ए का या वन फोर्टी एट में वापस से नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है तो इन सिंपल वर्ड बता दू अगर एक बार आपका असेसमेंट खुल गया वन फोर्टी सेवन में अगर एक बार आपका असेसमेंट 147 में खुल गया करके ठीक है उसने उसका 148 फोर्टी ए का प्रोसीजर फॉलो किया था उसके बाद उसने 148 में नोटिस भेजा था एक बार आपका असेसमेंट खुल गया इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लेकिन उसके बाद में अगर अदर इनकम भी मिल जाती है उसी साल की अदर इनकम भी मिल गई अदर इनकम भी मिल गई तो वो सब इनकम को कंसिडर कर सकता है उसके लिए कोई अलग से नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है या उसके लिए अलग से वापस से कोई प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट यस तो देखिए वन सेक्शन क्या बोलती है कि असेसिंग ऑफिसर के पास में इंफॉर्मेशन है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आपकी इनकम है वो एस्केप हुई है तो वो उसको असेस कर सकता है रीअसेस कर सकता है रिकंप्यूट कर सकता है जब वो असेसमेंट कर रहा था उस टाइम उसको अगर कुछ अदर इनकम भी मिल जाती है तो वो अदर इनकम भी कंसीडर कर सकता है उसके लिए उसको अलग से कोई भी नोटिस भेजने की या फिर प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है लेकिन मान लो अगर उसको किसी और ईयर की इनकम मिल गई होती तो जैसे मान लो हमारा असेसमेंट ईयर 1819 का 147 कर रहा है तो 1819 का 147 कर रहा है और 1819 की इंफॉर्मेशन मिली और वो प्रोसीजर चालू हो गया अब वो जब असेसमेंट कर रहा था उसको पता चला ओ, यहां पे तो ये 20 लेख और 10 लेख है ना ये असेसमेंट ईयर 1617 का है तो क्या इसको इस असेसमेंट में जोड़ सकता है ये? क्या या फिर उसको वापस से पूरा फ्रेश प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अगर मान लो किसी और असेसमेंट ईयर की इनकम मिली है तो तो फिर वापस से फ्रेश प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा मिस उसको 148 ए का एक प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा 148 में नोटिस भेजना पड़ेगा वापस से आपका सिक्सटीन सेवनटीन का रिटर्न मंगाना पड़ेगा यह सब चीजें उसको करनी पड़ेगी यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस चलिए आप एक काम करिए अपनी बुक में आइए अपन धीरे 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 सब चीजें हैं वो एक एक चीज है वो अपन पढ़ना चालू करते हैं तो सब लोग आ जाइए अपनी बुक में और जहां वन दे रखा है वो आप इसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको आगे जाके समझ में आएगी मैं वो छुड़वा दूंगा जो जो चीजें अभी काम की है वो मैं आपको बता रहा हूं बाकी चीजें जब आज का लेक्चर एंड होगा आई थिंक मेरा ट्राई रहेगा कि आज के लेक्चर में मैं इसको पूरा प्रोसीजर को आपको समझा दूं तो चलिए सबसे पहले वन फोर्टी क्या बोलती है मैंने एज इट इज डायरेक्ट का लैंग्वेज लिया है देखिए इफ एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन केस ऑफ असेसी हैज एस्केप्ड असेसमेंट अगर आपकी कोई इनकम है जो कि चार्जेबल टू टैक्स थी जिस पे टैक्स लगना चाहिए था वो एस्केप्ड असेसमेंट हो गई है फॉर एनी असेसमेंट असेसमेंट ईयर ईयर किसी भी के लिए द असेसिंग ऑफिसर मे असेसिंग ऑफिसर मे कर सकता है क्या सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 148 टू 153 फिफ्टी थ्री ए मिस वन फोर्टी एट और जो प्रोविजन दे रखे हैं वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे वो असेस कर सकता है उस साल की इनकम असेस मतलब जब पहली बार कर रहे हैं या रीअसेस कर रहा है सच इनकम को या रिकम्प्यूट कर रहा है लॉसेस को या डेप्रिशिएशन को अलाउंस को एनी अदर अलाउंसेज और डिडक्शन ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर बोला जाएगा मतलब जिस ईयर की इनकम एस्केपिंग है उसको रिलेवेंट असेसमेंट ईयर बोला जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर सिक्सटीन एस्केपिंग है तो प्रीवियर सिक्सटीन सेवनटीन अटर सेवन एटीन तो सेवनटीन एटीन को ये बार बार बोलेंगे रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मीस जिस असेसमेंट ईयर की इनकम एसके पिंग है तो देखिए यहां तक की अगर लैंग्वेज को अगर आप देखते हैं तो बड़ा ही सिंपल है ये क्या लिखा हुआ है यहां पे

आपका रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अब एक बात समझना इसका एक एक्सप्लेनेशन है ये एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है समझना फॉर द परपज ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट और री कम्प्यूटेशन अंडर दिस सेक्शन इस सेक्शन में असेसमेंट करते टाइम द असेसिंग ऑफिसर मे असेस और रीअसेस मे असेस और रीअसेस ए द इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इशू विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट एंड सच इशू comes to his notice subsequently in the course of proceeding under this section irrespective of fact that the provision of section 148a have been complied with इन्होंने बोला कि 148 ए को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है आप एक काम कर सकते हैं वो अदर इनकम को एक साथ में आप कंसिडर कर सकते हैं अगर उसको कम्स टू हिज नोटिस आ जाता है एक बार असेसमेंट खुल गया कम्स टू हिज नोटिस आया तो वो अदर इनकम को भी ले सकता है यहां पे कोई दिक्कत नहीं है अब एक चीज समझना यहां पर मैंने इसी को बड़ा ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है देखिए क्या लिखा हुआ है

नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी सर्व ओनली आफ्टर फॉलोइंग द प्रोसीजर गिवन अंडर सेक्शन एट ए का पहले प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा एंड नोटिस अंडर सेक्शन एट ए विल बी सर्व विद ऑर्डर अंडर सेक्शन एट ए वो आप अभी छोड़ दीजिए वो वन फोर्टी एटी एट ए क्या है एक्सेप्शन इन सम केसेस वो अपन आगे देखेंगे करके ठीक है हाँ अब एक बात समझना आगे दे रखा है अच्छा मेरे पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा है ना थोड़ा बहुत म्यूज़िक का एक्चुअली आजू बाजू में शादी है इसके लिए ऐसा हो रहा है बट आई थिंक आप लोगों को समझ रहा होगा जो मैं जब मैं मैं बोलूँगा तब आपको समझ में आएगा जब मैं शायद एकदम छुप हो जाता हूँ तो बाहर की जो म्यूज़िक है वो ज़्यादा लेने लग जाता है ऐसा ही है मतलब इट इज़ मैनेजेबल ना तो चलिए आगे क्या दे रखा है ड्यूरिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन सेवन इफ अंडर सेक्शन एट और विदाउट पासिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन एट ए यू गॉट माई पॉइंट एक एग्जाम्पल दे रखा मैंने देखिए एओ हैविंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एस्केप्ड इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी ऑफ मिस्टर बाला फॉर द असमेंटर नाइनटीन ट्वेंटी AO followed procedure under section 148A and validly served notice under section 148. During the assessment, AO finds that Bala is also having capital gain for the same year.

चलिए डन यहां पे आज शोभिता का बर्थडे है तो उसका जश्न चल रहा है बाहर करके ठीक है तो इसके लिए ये सब चीजें हो रही है बाहर से आपको म्यूजिक आ रहा है तो ये तुम्हारी बात हो गई 147 की अब एक वन फोर्टी सेवन असेसमेंट करने से पहले आपको 148 का एक नोटिस भिजवाना पड़ेगा और ये नोटिस आपको सर्व करवाया जाएगा और ये नोटिस कब सर्व करवाया जाएगा समझने की कोशिश करना एक बार मैं इसको पढ़ रहा हूं आपको जितना समझे उतना ठीक है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं देखिए क्या लिखा हुआ है यहां कि बिफोर मेकिंग द असेसमेंट या री कम्प्यूटेशन सेवन एंड द द सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन एट एन फोर्टी एट ए पहले फॉलो करना पड़ेगा द एओ सर्व ऑन द असेसी मीन एओ जो है वो क्या करेगा शेल मीन मैंडेटरी है सर्व ऑन द असेसी वो असेसी पे सर्व करेगा क्या अ नोटिस Along with ऑफ ऑर्डर of इफ रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट ए D, डी इसको छोड़ दीजिए क्या है रिक्वायरिंग हिम वो रिक्वायर करेगा उसको और क्या रिक्वायर करेगा उसको उसको वो रिक्वायर कर रहा है रिक्वायरिंग हिम रिक्वायरिंग हिम रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच नोटिस और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही द प्रीवियस ईयर कॉरस्पॉन्डिंग टू रिलेवेंट असेसमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर एंड द प्रोविजन ऑफ एट शेल सो फार एज मे बी अपलाई अकॉर्डिंग एज इफ सच रिटर्न रिटर्न रिक्वाइड टू बी फर्निश अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन समझ में आया तो ठीक है नहीं आया तो ठीक है करके ठीक है चलिए एक बात समझना यहां पे क्या लिखा हुआ है पहली चीज है कि भैया यहां पे 147 में असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले उसको 148 का नोटिस भेजना पड़ेगा 148 का जो नोटिस है वो नोटिस आपको सर्व करवाना पड़ेगा लेकिन यहां पे इसका जो एक प्रो एक्सप्लेनेशन है वो ये बोलेगा कि 148 का नोटिस तभी भेजना पड़ेगा जब एओ के पास में कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है अगर नहीं आया कोई बात नहीं दिव्य करके ठीक है देखिए इतना तो समझ में आया 147 में कब असेसमेंट हो रहा है जब इनकम एस्केप हुई थी कुछ जो असेसमेंट नहीं हुआ था तो उसको पकड़ा गया उसका इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आपको 148 का एक नोटिस सर्व करवाया जाएगा बोला जाएगा आप रिटर्न फाइल करिए और जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते हैं उसके बाद में आपका वन का असेसमेंट होगा अब एक बात समझना यहां पर लॉमेकर बोलते हैं कि यह वन का नोटिस आपको सर्व करवाया जाएगा लेकिन इसका एक प्रोवाइजो देखिए क्या लिखा हुआ है प्रोवाइजो देखिए क्या लिखा हुआ है ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन प्रोवाइजो आपको इजीली समझ में आ जाएगा प्रोवाइजो क्या बोलता है प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस अंडर दिस सेक्शन शेल बी इशूड अनलेस देयर इज अ इंफॉर्मेशन विद द एओ सजेस्ट दैट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट इन द केस ऑफ द फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट एंड एओ हैज ऑप्टेन अ प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड ऑथोरिटी टू इश्यू द नोटिस तो देखिए आपको 148 का नोटिस तभी इश्यू हो सकता है 148 का नोटिस आपको तभी इश्यू हो सकता है जब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एओ के पास में अब आप मुझे बोलोगे एओ के पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एओ के पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और अगर एओ के पास इंफॉर्मेशन है तो ही आपका 147 हो सकता है और 147 के लिए 148 का नोटिस करवाया जाएगा इंफॉर्मेशन में होता क्या है तो यहां पे इन्होंने इस बार बोला है इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा दो इंफॉर्मेशन पहला तो अगर आपका केस जो है वो सीबीडीटी ने फ्लैग किया है सीबीडीटी की बहुत सारी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज है और वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से आपका अगर केस फ्लैग हुआ है करके ठीक है या फिर डिपार्टमेंट जितने असेसमेंट कंप्लीट करता है उन असेसमेंट की सीएजी ऑडिट करता है और सीएजी ने क्या किया वहां पे फाइनल ऑब्जेक्शन रेज किया है कि किसी का असेसमेंट है वो किसी का असेसमेंट प्रॉपर मैनर से नहीं हुआ तो उस केस में ये माना जाएगा कि एओ के पास में इंफॉर्मेशन है तो एओ के पास में इंफॉर्मेशन होना और इंफॉर्मेशन में दो तरह की इंफॉर्मेशन पहली इंफॉर्मेशन आपका केस जो है वो केस अगर सीबीडीटी ने फ्लैग किया है सीबीडीटी ने आपका जो केस है वो फ्लैग किया है सीबीडीटी की जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज है और वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे आपका केस है वो फ्लैग हुआ है या फिर सीएजी का फाइनल ऑब्जेक्शन है कि आपका जो असेसमेंट पहले हुआ है वो प्रॉपर मैनर में नहीं हुआ ये दो ही चीजें इंफॉर्मेशन में आएगी और अगर ये दो इंफॉर्मेशन है तो ही आपका 147 हो सकता है अदरवाइज आपका 147 नहीं हो सकता चलिए अपन एक काम करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर वन देखते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर वन क्या बोलती है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन मीन वन के लिए एंड फॉर द पर्पज ऑफ वन ए द इंफॉर्मेशन एओ विच सजेस्ट दैट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट मीन्स मींस का मतलब उसको मीनिंग दे रखा है इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा मीनस यहां पे मीनिंग तो यहां तक ही अपन रेस्ट्रिक्ट करेंगे इट्स इंक्लूड नहीं बोला इंक्लूड बोला होता तो मैं बोलता इंक्लूसिव डेफिनेशन है इसके अलावा भी चीजें आ सकती है बट यहां पर इन्होंने मीन्स दे रखा क्या इंफॉर्मेशन मीन्स मीन्स का मतलब सिर्फ यही दो चीजें कौन कौन सी सबसे पहला एनी इंफॉर्मेशन फ्लैग्ड इन केस ऑफ द एसेससी फॉर द रिलेवेंट असमेंट इन अकॉर्डेंस विद्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड बाय सीबीडी फ्रॉम टाइम टू टाइम यहां सीबीडीटी क्या करता है आपसे रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है वो फॉर्मुलेटेड करता है और उसमें अगर आपका केस फंस गया या फिर दूसरा फाइनल ऑब्जेक्शन रेज बाय द सी एट इज द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया टू द इफेक्ट दैट असेसमेंट इन केस ऑफ अस एस सी फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हैज नॉट मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट मीन आपका असेसमेंट सही नहीं हुआ था ऐसा सीएजी है सीएजी का फाइनल ऑब्जेक्शन है तो ये दो इंफॉर्मेशन मानी जाएगी और अगर दो चीजें एओ को मिल जाती है तो उस केस में आपका केस वन फोर्टी सेवन में खुल सकता है वापस से अभी तक जो पढ़ा उसको एक बार मैं लाइन में लाता हूं देखिए वन फोर्टी सेवन क्या बोलती है कि अगर असेसिंग ऑफिसर के पास में कुछ इंफॉर्मेशन है और उसके बेसिस पे उसको पता चलता है कि आपकी इनकम स्केपिंग हुई है तो वो 147 में आपका केस खोल सकता है लेकिन उसके लिए उसको 148 का एक नोटिस आपको सर्व करवाना पड़ेगा अब एक चीज समझना अगर मान लो असेसमेंट खुल गया और उस साल की बाकी इनकम भी मिल जाती है तो सबको इंक्लूड कर देगा अब एक और चीज अपन 148 में आए और 148 बोलती है कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपको 148 का नोटिस सर्व करवाएगा और बोलेगा कि आप रिटर्न फाइल करिए लेकिन ये नोटिस आपको तभी इश्यू हो सकता है दो केसेस में जब एओ के पास इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन में दो इंफॉर्मेशन पहली चीज अगर सीबीडीटी की जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज है उसमें आपका केस फ्लैग किया है सीबीडी ने या फिर सीएजी का एक फाइनल ऑब्जेक्शन आया और सीएजी ने बोला कि आपका जो असेसमेंट है वो प्रॉपर नहीं हुआ था एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था तो उस केस में आपका 148 का नोटिस है वो इश्यू हो सकता है तो आप ऐसे समझिए 147 कब हो सकता है जब एओ के पास इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन दो इंफॉर्मेशन होगी एक तो सीबीडीटी की जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें आपका इंफॉर्मेशन फ्लैग हुई है अब आप बोलेंगे इंफॉर्मेशन फ्लैग क्या है सर आप बार बार बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन फ्लैग हुई है ये क्या होता है जैसे मैं आपको बताऊं जितनी प्रॉपर्टिया आप खरीदते बेचते हैं उसकी डिटेल जाती है किसके पास में उसकी डिटेल जाती है आपके रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी के पास में क्योंकि जब आप 30 लाख से ज्यादा का कोई प्रॉपर्टी बेचते खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करवानी रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्रार जो होता है वो क्या करता है एक एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में वो एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न आ जाता है और उससे पता चलता है कि आपने क्या किया है कितना किया है करके ठीक है या फिर आपको पता रहेगा जब आप ट्रेड करते हैं शेयर में वगैरह म्यूचुअल फंड खरीदते बेचते हैं आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन चीजों को क्या करता है एनालाइज करता है वैसे ही जैसे वन सी में एक और चीज था कि इन्वेस्टिगेशन विंग के पास कुछ इंफॉर्मेशन थी और वन सी में इन्वेस्टिगेशन विंग में उसको और वेरीफाई किया कि इंफॉर्मेशन सही है या नहीं तो ये बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजी होती है अभी तो आगे जाके ये हो रहा है कि कैश आपके अकाउंट में पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा डिपॉजिट हुआ है या पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है वो विड्रॉ हुआ है तो उस केस में भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है वहां पर ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहा है जिसमें उसको पता चलेगा कि आपकी इनकम एस्के हुई है जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक घर खरीदा था और मैंने घर खरीदा था वन करोड़ में आफ्टर टू थ्री इयर्स मैंने वो घर को फाइव करोड़ में बेच दिया तो जब मैं फाइव करोड़ में बेच रहा हूं तो ऑब्वियसली देर इज द कैपिटल गेन और मैंने मान लो रिटर्न ही फाइल नहीं किया बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में वो इंफॉर्मेशन है कि ये बीबी सर ने वन करोड़ में घर खरीदा था और ये इतने में बेचा है उन्होंने रिटर्न ही फाइल नहीं किया उनके पास वो इंफॉर्मेशन उनका सॉफ्टवेयर है वो फ्लैग कर देगा कि इस केसेस के इस पर्सन केसेस के में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उसकी जो है इनकम एस्केप हुई है या मान लो मैंने कुछ क्या किया मैंने शेयर्स खरीदे थे और मैंने जो शेयर्स खरीदे थे थोड़े टाइम के बाद मैंने शेयर्स बेच दिए और वहां से जो मेरा कोटक सिक्योरिटी है उससे इफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गई या स्टॉक एक्सचेंज से इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को गई कि बीबी सर ने शेयर खरीदे थे इतने के शेयर बेचे उतने के और वो कैपिटल गेन इतना हुआ और मैंने क्या किया कि मैंने रिटर्न ही फाइल नहीं किया या रिटर्न फाइल किया बट वो कैपिटल गेन को मेरी इनकम में नहीं बताया है तो इस केस में यहां पे इन्होंने क्या कर रहे हैं ये धीरे धीरे एक ऐसा जाल फैला रहे हैं उस जाल में क्या होगा ना आपके हर ट्रांजेक्शन कवर हो जाएंगे आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वॉच करेगी और वो देखेगी उनकी बहुत सारी फिर क्या होगी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होगी और उसके हिसाब से वो उसको फ्लैग करेंगे कि इस केस में इनकम स्कैपिंग का केस बनता है तो इस केस में इनकम स्कैपिंग का केस बनता है तो एओ को बोलेंगे कि ले भाई ये वाले केस है इसके केस में टू कर बट 147 करने से पहले 148 का नोटिस भेजना पड़ेगा नोटिस तभी भेज सकता है करके ठीक है जब उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और एक और बात बताऊं 148 का नोटिस सर्व करने से पहले उसको एक 148 ए का प्रोसीजर भी फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि एक बात बताओ जो इंफॉर्मेशन मिली है वो ऐसा जरूरी नहीं है ना वो इंफॉर्मेशन सच हो ऐसा जरूरी नहीं है ना वो इंफॉर्मेशन सच ही हो सकता है जैसे बहुत बार क्या होता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग को लेके दिक्कत आ जाती है आगे वाला बंदा कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है आप अक्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहे हो उसने जो टीडीएस काटा वो अक्रूवल बेसिस पे आपकी इनकम बता रही है आपने कैश सिस्टम पे इनकम को अगले साल डिस्कलोज किया अब ये देखता है वो देखते हैं सॉफ्टवेयर में करके ठीक है और देखते हैं बोले इस साल तो ये इनकम आई नहीं बट आप तो कैश सिस्टम फॉलो कर रहे हो आपने अगले साल उस इनकम को इंक्लूड किया है तो देर में बी केसेस ना कि जहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन नो डाउट सीबीडीटी के सॉफ्टवेयर ने फ्लैग की है 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 आपकी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन वो वो बट वो इतनी ट्रू नहीं है, करके ठीक केस ना तो उसके लिए इन्होंने इसको सेफ करने के लिए एक वन ए का प्रोसीजर बनाया और उसमें एओ पहले चेक करेगा करेक्टनेस चेक करेगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कितनी करेक्ट है क्या है वो सब चीजें अपन देखेंगे तो देखिए 148 पे आइए एक्सप्लेनेशन नंबर टू अभी अपन नहीं पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपका एनालिसिस में आइए और एनालिसिस में पॉइंट नंबर वन देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है सबसे पहले आपको 148 का एक नोटिस आएगा और 148 के नोटिस के रेस्पॉन्स में आपको बोला जाएगा आप रिटर्न फाइल करिए तो आप रिटर्न फाइल करेंगे इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 अब क्वेश्चन ये आता है कि 148 का जो नोटिस आएगा उसका जो आपने रिटर्न फाइल किया क्या आप उसको रिवाइज कर सकते हैं आंसर इज नो रिटर्न कैन बी रिवाइज ओनली इफ रिटर्न इज फाइल अंडर सेक्शन 139.1 और 139.4 अगर आपने 148 के नोटिस के रेस्पॉन्स में आपने रिटर्न फाइल किया है तो ऑब्वियसली उसको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है सबसे पहले इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 एस एस सी इज रिक्वायर्ड टू फाइल इज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट ईयर इट शैल बी डीम्ड दैट एस एससी वॉज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन वन थर्टी अगर आपको वन फोर्टी एट का नोटिस आ गया और आपसे बोला कि आप रिटर्न फाइल करिए तो भैया आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं नहीं हम तो रिक्वायर्ड ही नहीं है यहां मान लिया जाएगा यू आर डीम टू बी रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन वन और आपको रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा द अस रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 148 फोर्टी एट इवन इफ हीडी फाइल हिज रिटर्न अर्लियर एज पर द नॉर्मल प्रोविजन एंड रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन एट कैन नॉट बी रिवाइज एज रिटर्न कैन बी रिवाइज ओनली इफ द रिटर्न वॉज मेड अंडर सेक्शन एट के रेस्पॉन्स में जो रिटर्न है उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते अब एक और चीज समझना पॉइंट नंबर टू नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट कैन बी इशूड ऑनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड पहली कंडीशन के लाइक एओ इज हैविंग द इन्फॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम हैज बिन एस्केब्ड असेसमेंट स एओ के पास ये इंफॉर्मेशन है कि आपकी इनकम है वो एस्केप्ड हुई है और इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा दो तरह की इंफॉर्मेशन पहला इंफॉर्मेशन फ्लैग इन अकॉर्डेंस विद रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड बाय द सीबीडीटी जो सीबीडीटी की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें आपका केस पकड़ा गया है ट इज एस एफ टी जैसे टू एटी फाइव बी ए में जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो बैंक से एल आईसी से बहुत सारे लोगों से आता है उसके बेसिस पर डिपार्टमेंट एनालाइज करता है और उनका सॉफ्टवेयर फ्लैग करके दे देता है कि इधर आपकी इनकम होनी चाहिए थी और आपने अपने रिटर्न में इनकम नहीं बताई है या आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपकी इंफॉर्मेशन फ्लैग हो गई या फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम जैसे इन्वेस्टिगेशन विंग से वगैरह इंफॉर्मेशन मिली इससे पता चलता है कि आपकी इनकम एस्केप हुई है एनी फाइनल ऑब्जेक्शन रेज बाय दी एजी टू द इफेक्ट दैट द असेसमेंट हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विदविजन ऑफ द एक्ट अब एक चीज समझना यहां पर वन फोर्टी एट का नोटिस जो है वो आपको इश्यू करना मैंडेट कब करना पड़ेगा जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दूसरी कंडीशन ये नोटिस इश्यू करने से पहले हायर ऑथोरिटी का एक अप्रूवल लेना पड़ता है 151 में दे रखा है ये हायर ऑथॉरिटी कौन सी होगी वो अपन देखेंगे और उससे पहले एक 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और 148 फोर्टी ए का प्रोसीजर होता है ए हैज टू कंप्लाइड प्रोसीजर गिवन अंडर सेक्शन 148 फोर्टी एट ए अब यह वन ए का प्रोसीजर क्या होता है देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस ठीक है वो अपन बाद में देखेंगे पहले अपन 148 ए पे जाएंगे तो देखिए अभी तक जो पड़ा उसको अगर मैं रीवेंप करना चाहूं तो मैं ऐसे इसको बताऊंगा 147 एक बोलती है कि अगर आपकी इनकम एस्केपिंग हुई है एओ को लगता है तो आपकी इनकम को असेस कर सकता है रीअसेस कर सकता है रिकम्प्यूट कर सकता है बट एओ हैज टू सब्जेक्ट टू द सेक्शन 148 से लेके 153 तक की सेक्शन सबसे पहले अगर मान लो उसको कुछ भी आपकी इनकम मिल जाती है इनकम एस्केपिंग और वो असेस कर रहा है और उस साल की और भी कोई इनकम मिल जाती है तो वो उसको भी इंक्लूड कर सकता है अब एक बात समझना 147 का असेसमेंट करने के लिए 148 का नोटिस सर्व करवाना पड़ता है और ये नोटिस सर्व करवाना पड़ता है लेकिन इसमें यह लिखा हुआ इसका प्रोवाइजो यह बोलता है कि यह नोटिस इश्यू तभी हो सकता है जब ओ के पास में रिलेवेंट असेसमेंट ईयर में आपकी इनकम एस्केप हुई है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्या होनी चाहिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है इसी की एक्सप्लेनेशन बताती है इंफॉर्मेशन मतलब दो तरह की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन या तो फ्लैग हुई है जो CBDT की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें इंफॉर्मेशन फ्लैग हुई है कि इनकम एस्केपिंग हुई है या फिर सीएजी का फाइनल ऑब्जेक्शन आया है और सीएजी ने यह बोला है कि आपका असेसमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ है तो दो चीजों को इंफॉर्मेशन माना जाएगा और इस बेसिस पे आपका वन में केस है, वो पिक किया जा सकता है। लेकिन 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए तीन चीज़ें, तीन दूसरी कंडीशन क्या है किससे लेना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा और तीसरी कंडीशन यह है कि भैया वन ए का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अब एक बात समझना मैं एक, बार है ना, एक बार मैं थोड़ी एक अलग सेक्शन पे हटके जा रहा हूं that is 151 पे, सिर्फ दो मिनट के लिए समझाना है कि अप्रूवल, बात, बात अप्रूवल, अप्रूवल लेना पड़ेगा अब एओ अप्रूवल लेगा किससे करके ठीक है तो उसके लिए मैं आपको दो मिनट दे दीजिए मुझे दो मिनट में मैं एक दूसरी सेक्शन पे जाता हूं और वो दूसरी सेक्शन है उस पर मैं ले जाके और वापस मैं यहां पर लेके आता हूं चलिए पहली चीज तो ये सर एक बात बताइए आप बोल रहे हो हमारा इनकम एस्केपिंग हो सकता है बट इनकम एस्केपिंग कौन से साल का हो सकता है असेस्मेंट? जैसे मान लो हमारी कोई इनकम नहीं हुई थी पंद्रह साल पहले क्या उसको भी पकड़ सकते हैं यानी? तो एक बात समझना, उसको समझने के लिए मेरे को मैं आपको समझाऊंगा टाइम लिमिट टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 क्या सर 148 का नोटिस कितने कब इशू हो सकता है 148 का नोटिस जो है वो इशू कब तक हो सकता है अब आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था 148 का नोटिस सर्व करवाना पड़ रहा है अब आप बोल रहे हो इशू करना पड़ रहा है क्या ये झमला है डोंट वरी आप थोड़ी देर दे दीजिए सब चीजें आपको समझा दूंगा मैं टाइम लिमिट टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 सर मुझे कब तक डरना चाहिए क्या हमारी पुरानी इन्फॉर्म पुरानी इनकम एस्केप हुई थी वो पकड़ी जा सकती है कब तक डरना चाहिए इसका कोई टाइम लिमिट है आंसर इज यस टाइम लिमिट है टाइम लिमिट ये बोलता है कि नोटिस अंडर सेक्शन 148 है ना वो इश्यू हो सकता है ओनली विद इन थ्री ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मीन्स आपको सिर्फ तीन साल तक पकड़ सकते हैं कब तक ये नोटिस इश्यू हो सकता है विद इन थ्री ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मीन जिस प्रीवियस ईयर की इनकम एस्केप हुई थी उस प्रीवियस ईयर के एंड से जो असेसमेंट ईयर आएगा असेसमेंट ईयर के एंड से तीन साल के अंदर अंदर ये 148 का नोटिस इश्यू हो सकता है उसके बाद में नहीं हो सकता जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं इधर देखिए मैंने क्या किया ये वाला एक मेरा घर था जो कि मैंने प्रीवियस ईयर 17 18 में बेचा था या प्रीवियस ईयर 17 18 की जगह मैं ले लेता हूं मान लो प्रीवियस ईयर 15 16 15 16 में मैंने बेचा था और इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो मान लो पच्चीस लाख का था और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मैंने जो टैक्स है वो नहीं भरा था मैंने टैक्स नहीं चुरा मतलब छुपा लिया था टैक्स भरा ही नहीं था रिटर्न ही फाइल नहीं किया था डिपार्टमेंट की जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में पता चला तो अब मुझे वो आज नोटिस भेजना चाहते हैं तो क्या भेज सकते हैं या नहीं तो नोटिस कब तक इशू कर सकते इशू का टाइम लिमिट दे रखा है इशू का टाइम लिमिट होता है दैट इज जो प्रीवियस ईयर है पहले तो उसका असेसमेंट ईयर लीजिए सोलह सत्रह असेसमेंट ईयर है तो 16-17 का एंड कब होगा 31 मार्च 2017 और यहां से लेके तीन साल अगर आप लेंगे तो 31 मार्च 2020 इस डेट तक ही आपको नोटिस इश्यू हो सकता है उसके बाद में नोटिस इश्यू नहीं हो सकता सिर्फ तीन साल का टाइम है थ्री इस फ्रॉम द एंड ऑफ द रिल्स जिस ईयर की इनकम एस्केप हुई है उस ईयर के असेसमेंट ईयर के एंड से तीन साल के अंदर अंदर आपको 148 का नोटिस इश्यू हो सकता है लेकिन यहां मोदी जी का कहना एक और है अलग चीज मोदी जी बोलते हैं कि अगर किसी ईयर की इनकम एस्केपिंग है वो 50 लाख रुपया या उससे ज्यादा है अगर किसी ईयर की जो आपकी जो इनकम एस्केपिंग है वो इनकम एस्केपिंग है वो फिफ्टी लाख रुपीज और मोर है तो हम जाएंगे दस साल तक टेन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मींस यहां पे अगर आपका जो इनकम एस्केप हुआ था वो इनकम एस्केपिंग है वो आपका फिफ्टी लाख रुपीज और मोर है 50 लाख और मोर है, मीन पचास लाख रुपया या उससे ज्यादा का इनकम एस्केपिंग हुआ था, इन दैट केस दिस टाइम लिमिट विल बी द 10 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मींस असेसमेंट ईयर के एंड से 10 इयर्स तक आपको ये नोटिस इश्यू कर सकते हैं तो एक बात बताओ अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की मेरा यह घर है यहां पर एल टीसीजी ट्वेंटी फाइव लैख था एलटीसीजी तो था इनकम कितनी थी पच्चीस लाख रुपए पचास लाख नहीं थी तो इस केस में क्या होगा यहां असेसमेंट एंड होगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन तो यहां पे थ्री इयर्स का टाइम लिमिट दैट इज थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी तक ही नोटिस है वो इशू हो सकता है लेकिन आज ट्वेंटी वन में मुझे नोटिस इशू नहीं हो सकता लेकिन सर एक बात बताइए इंस्टेड ऑफ ट्वेंटी फाइव लैख यहां पर अगर यह सेवन सेवन लैक का एलटीसीजी होता मीन ऑब्वियसली आपकी जो इनकम एस्केपिंग है 50 है है वो और और मोर मोर तो तो जब 50 और है, तो उस केस में क्या होगा कि भैया जो असेसमेंट ईयर है उस असेसमेंट ईयर का एंड यहां पर हुआ और असेसमेंट ईयर के एंड से आपका टेन ईयर का टाइम लिमिट रहेगा मीन थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार और सत्ताइस तक है वो आपको नोटिस इश्यू हो सकता है तो मुझे एक बात बताइए आपको डरने की जरूरत कब तक है आपको डरने की जरूरत कब तक है देखिए किसी भी ईयर का इनकम एस्केपिंग हुआ है तो उस असेसमेंट ईयर के एंड से थ्री इयर्स तक आपको नोटिस 148 का इशू हो सकता है उसके बाद में नहीं हो सकता लेकिन अगर उस ईयर की जो इनकम एस्केपिंग है उस ईयर की जो इनकम एस्केपिंग है वो इनकम एस्केपिंग अगर फिफ्टी लाख रुपीज या उससे ज्यादा है इनकम एस्केपिंग है वो फिफ्टी लाख रुपीज या उससे ज्यादा है तो यह थ्री ईयर्स का टाइम लिमिट है वो टेन ईयर्स का हो जाएगा मीनस आपको टेन ईयर्स तक है वो नोटिस हो सकता है अब क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताइए इसमें अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा क्योंकि एओ एओ होता होता है। कौन होता है? कौन अगर एओ के पास इंफॉर्मेशन आ जाती है सीबीडीटी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी दे रखी है, तो तो है, है तो एओ मैंने पहले लेक्चर में बताया था जैसे जेसी है एसी डीसी अब इसमें तो क्या होगा किसी पे खुन्नस आ गई हो इनको तो और बोल देंगे इंफॉर्मेशन है हमारे पास एंड ऑल तो वो क्या करेंगे आपको नोटिस इश्यू कर लेंगे एंड ऑल तो उससे पहले इनको किसी ना किसी का तो अप्रूवल लेना पड़ेगा ना कोई बड़ी ऑथोरिटी के पास जाना पड़ेगा बड़ी ऑथोरिटी चेक करेगी कि तुम जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हो वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है वो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन आई है या नहीं आई है या सी का फाइनल ऑब्जेक्शन है या नहीं है या फिर सिर्फ करप्शन करने के लिए या एस को परेशान करने के लिए आप उसको वन में केस खोल रहे हो क्योंकि वन है ना वन बड़ी स्ट्रॉन्ग असेसमेंट होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग असेसमेंट होती है यहां पर बड़े पॉसिबल हैरेसमेंट हो सकता है एस का इसके लिए इन्होंने क्या किया पता है इन्होंने जो है वो इन्होंने किसी हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेने का बोला अब अप्रूवल किससे लेंगे तो देखिए सबसे पहली चीज अगर तीन साल के अंदर अंदर नोटिस भेज रहे हैं कितना भी इनकम एस्केपिंग हो एक रुपए से लेके और कितने भी हजारों करोड़ इनकम एस्केपिंग हो तीन साल तक तो भेज ही सकते हैं थ्री इयर्स का टाइम लिमिट तो है ही है थ्री फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर ये तो है ही है अब एक चीज समझना अगर थ्री इयर्स के अंदर अंदर भेज रहे हैं नोटिस तो उस केस में आपका ज्यादा पॉसिबल हैरेसमेंट नहीं है तो ये जो असेसिंग ऑफिसर है ना इन असेसिंग ऑफिसर को अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे या तो अप्रूवल लेंगे सीआईटी से मीन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर अप्रूवल लेंगे पीसीआईटी से दैट इज अ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर अप्रूवल लेंगे डीआईटी से दैट इज डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या फिर पीडीआईटी से दैट इज प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स मतलब जो प्रिंसिपल जो कमिश्नर लेवल के लोग हैं इनसे ही अप्रूवल ले लेंगे तो देखिए अगर नोटिस तीन साल के अंदर अंदर इश्यू हो रहा है कितने साल के अंदर अंदर साल के अंदर अंदर तो इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा और अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा अगर तीन साल के अंदर अंदर है तो सीआईटी पीसीआईटी डीआईटी पीडीआईटी से अप्रूवल ले लीजिए लेकिन सर नोटिस अगर तीन साल के बाद हो रहा है देखिए तीन साल से बाद हो रहा है मतलब पहली कंडीशन तो यह है कि इनकम स्केपिंग किसी साल का आप बोल रहे हो कि पचास लाख या उससे ज्यादा है नहीं तो क्या होगा हर एओ क्या बोलेगा मेरे को लगता है पचास लाख या उससे ज्यादा है और मैं वो दस साल का फायदा उठा लेगा तो इसके केस में लॉ मेकर्स ने क्या किया है कि अप्रूवल लेने के लिए बोला सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी की अप्रूवल लो जो डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर है सबसे ऊपर करके ठीक है सबसे ऊपर वाले जो लोग हैं उनसे आप अप्रूवल लेनी पड़ेगी किससे लेनी पड़ेगी पता है सबसे हाइएस्ट सीसीआईटी नहीं उससे भी हाइएस्ट करके ठीक है दैट इज दी सी जो पीसीसीआईटी है या फिर पीडीजीआईटी जी मीन जो प्रिंसिपल लेवल के जो सबसे बड़े लोग होते हैं प्रिंसिपल मतलब थोड़ा बड़ा होता है नॉर्मल से तो जो सबसे बड़े लोग रहेंगे प्रिंसिपल लेवल के उनसे आपको हर जगह अप्रूवल लेनी पड़ेगी हर जगह आपको पीसीसीआईटी या पीडीजीआईटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी बट अगर मान लो उस एरिया में जिस एरिया का ये केस है उस एरिया में कोई पीसीसीआईटी पीडी अपॉइंट ही नहीं हुआ है अगर पीसीसीआईटी या पीडीजीआईटी है ही नहीं तो आप एक काम करिए इनसे जो छोटे छोटे लेवल के लोग होते हैं वो कौन होते हैं थोड़े छोटे लेवल के लोग दैट इज सीसीआईटी या फिर तुम्हारा डीजीआईटी आप उनसे अप्रूवल लेंगे हर चीज के लिए क्योंकि वो आपसे पूछेंगे वो एओ को बिठाएंगे पूछेंगे तू बता इनकम स्केपिंग कैसे पचास लाख से ज्यादा है पचास लाख या उससे ज्यादा तुझे कैसे लग रहा है इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लैग हुई है वो सब चीजें उससे पूछेंगे नहीं तो क्या होगा ना ये एओ क्या करेंगे पॉसिबल हेरेसमेंट करने के लिए किसी को भी परेशान करने के लिए ये 148 का नोटिस इशू कर देंगे 147 में आपका केस लगा लेंगे एंड ऑल तो इसके लिए लॉ मेकर्स ने हर जगह व्यवस्था ऐसी की है जिससे कि उसका गलत यूज ना हो पाए इन इंसेक्शंस का गलत यूज ना हो पाए करके ठीक है तो चलिए एक बार मैं वापस से जो अभी पढ़ाया उसको मैं बताऊंगा मैंने यहां पे आपको दो सेक्शन का साथ में जिक्र किया है एक तो मैंने आपको सेक्शन 149 की सब भैया 149. 149 नोटिस कब तक इश्यू हो सकता कब तक की है इनकम छूट गई थी, थी असेसमेंट होने से हमने मान लो के छोड़ी थी अब सर डरने की जरूरत कब तक है 148 का नोटिस कब तक इशू हो सकता है तो उसका इशू करने का टाइम लिमिट है दैट इशू करने का टाइम लिमिट इज बेसिकली थ्री ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर बट भैया अगर इनकम एस्केपिंग है वो आपकी फिफ्टी लेकिया उससे ज्यादा है तो ये टाइम लिमिट हो जाएगा आपका 10 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर लेकिन एक बात बताऊं जहां जहां ये नोटिसेज आएंगे 148 में 148 ए में बहुत सारी जगह अप्रूवल लेनी पड़ेगी हायर अथॉरिटी की अप्रूवल किससे लेने जाएंगे अगर मान लो आप तीन साल के अंदर अंदर नोटिस भेज रहे हैं तो तो फिर आप छोटे वाले लोगों से ले लीजिए दैट इज सीआईटी पीसीआईटी डीआईटी पीडीआईटी बट अगर तीन साल के बाद भेज रहे अब तीन साल के बाद कब भेज सकते हैं जब इनकम स्केपिंग फिफ्टी या उससे ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा आपको सबसे हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिसर रहते हैं दैट इज पीसीसीआईटी या पीडीजीआईटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा बट अगर पीसीसीआईटी या पीडीजीआई अवेलेबल नहीं है तो आप एक काम करिए कि सीसीआई या डी से अप्रूवल ले लीजिए यू गॉट पॉइंट और नॉट यस चलिए अपन एक काम करते हैं एक बार अपनी बुक में चलते हैं और आप अपनी बुक में आइए और आपकी बुक में जो जो हमने रेड किया हुआ है वो अपन ने पढ़ा हुआ है इसको बाकी को सब चीजों को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और आप आ जाइए सीधा वन पे और सीधा एक बार आप वन पे आ जाइए और वन पे क्या दे रखा है देखिए वन 149 सेक्शन है ये 149 बोलती है टाइम लिमिट टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 क्या सर 148 का नोटिस कब तक इशू हो सकता है तो 148 का नोटिस इशू हो सकता है इन्होंने ऐसे नेगेटिव लैंग्वेज में दे रखा है कि नो नोटिस अंडर दिस सेक्शन शेल बी इशूड फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर नो नोटिस अंडर दिस सेक्शन दैट इज सेक्शन वन फोर्टी एट शेल बी इशूड फॉर रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इफ थ्री इन हैव

व लेप फ्रॉम द एंड ऑफ द रिल अनलेस द एओ हैज इन इन हिज पोजेशन बुक्स ऑफ अकाउंट है उसकी पोजेशन में या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है या कोई एविडेंसेज है

हो सकता है you got my point or not. Yes. अब आप आ जाइए सीधा पे। और अप्रूवल के लिए क्या बोलते हैं देखिए सबसे पहले आपको सेंक्शन ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन एट और 148 के लिए। 148 हमने पढ़ा वन फोर्टी पढ़ेंगे तो इनके लिए आपको सेंक्शन लेने पड़ेंगे वो सेंशन किससे लेने पड़ेंगे तो सबसे पहले आप पीसीआईटी से लीजिए पीडीआईटी से लीजिए सीआईटी इयर्स हैव टी से लीजिए एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मीन तीन साल तक ही है तो उस केस में आप इससे लीजिए और आप पीसीआईटी no और पीडीजीआईटी तो आप सीसीआई से लीजिए इफ मोर देन थ्री फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इसको मैंने इजी लैंग्वेज में यहां पर समझाया है कि देखिए क्या होगा आपका सबसे पहले विद इन थ्री इय फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है तो आप परमिशन लेंगे सीआईटी पीसीआईटी डीआईटी पीडीआईटी से बट अगर थ्री इयर्स के बाद में भेज रहे हैं तो आप परमिशन लेंगे पीसीसीआईटी या पीडीजीआईटी से एंड वेयर देयर इज नो पीसीसीआईटी पीडीजीआईटी देन आप सीसीआईटी या डीजीआईटी से अप्रूवल लेके आप काम कर सकते हैं करके ठीक है तो चलिए अभी तक जो पढ़ा उसको मैं एक बार में फटाफट -फड़ रीवैम कर लेता हूं एक बार मैं आपको क्या क्या पढ़ाया अभी तक ठीक है तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया 147 147 में अगर एओ के पास में ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है वो आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर सकता है बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 148 से लेके 153 की असेसमेंट की सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा अब एक बात समझना असेसमेंट करते करते कुछ और इनकम मिल गई तो उस साल की उसको भी कंसिडर कर सकता है उसके बाद वन फोर्टी ये बोलता है वन फोर्टी बोलता है कि भैया आपको अगर 147 का असेसमेंट करना है तो 148 का नोटिस भेजना ही पड़ेगा और आपको नोटिस सर्व करवाया जाएगा और आपसे बोला जाएगा करके ठीक है कि आप उस साल का रिटर्न फाइल करिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है आप रिटर्न फाइल करिए इनफोर अब एक बात समझना 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए तीन कंडीशन है पहली कंडीशन यह है कि भैया इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इंफॉर्मेशन क्या है या तो सीबीडी के सॉफ्टवेयर से फ्लैग हुई है या फिर सीएजी का फाइनल ऑब्जेक्शन है कि आपका असेसमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ था दैट इज द फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन उसने हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लिया अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा तीन साल के अंदर भेजा तो सीआईटी पीसीआईटी डीआईटी पीडीआईटी तीन साल के बाद में भेजा तो पीसीसीआईटी पीडीजीआईटी बट पीसीसीआईटी पीडीजीआईटी नहीं है तो डीजीआईटी सीसीआईटी से अप्रूवल ले सकते हैं और तीसरी कंडीशन यह है कि 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अब हम पढ़ेंगे 148 ए देखो 148 फोर्टी ए आना चाहिए सबसे पहले करके ठीक है बट अब इतना बैकग्राउंड बनाने के बाद अब मैं आपको ले चलूंगा 148 ए पे और 148 फोर्टी ए सबसे पहले काम करता है तो 148 फोर्टी ए क्या बोलता है अपन पहले बेरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे स्लोली स्लोली इसकी इजी लैंग्वेज पे जाएंगे तो आ जाइए सबसे पहले वन ए पे देखिए क्या लिखा हुआ है वन ए में ये सबसे पहला स्टेप है यू कैन सीट वन फोर्टी एट ए देखिए क्या लिखा हुआ है दैट इज द कंडक्शन ऑफ इंक्वायरी प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बिफोर इशूइंग नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट तो देखिए इसमें होगा क्या सबसे पहले द एओ शेल मीन एओ को यह फॉलो करना ही पड़ेगा यह फॉलो करना ही पड़ेगा ब्रेक देंगे इसके बाद में इसके बाद में आई विल गिव यू द ब्रेक द एओ शेल बिफोर issuing एनी नोटिस अंडर सेक्शन 148, 148 का नोटिस इशू करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा सबसे पहला पार्ट सबसे पहले कंडक्ट एनी इंक्वायरी इफ ही रिक्वायर्ड with द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड ऑथोरिटी स्पेसिफाइड ऑथोरिटी means वही हायर ऑथोरिटी विथ रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट दैट इज द आपका इसमें स्टेप नंबर वन अगर उसको लगता है करके ठीक है अगर उसको लगता है बिकॉज यहां पर वर्ड लिखा हुआ इफ रिक्वायर्ड इफ रिक्वायर्ड का मतलब क्या कि अगर एओ को लगता है जैसे एओ के पास में सीबीडीटी ने कुछ इंफॉर्मेशन फ्लैग करवाई ठीक है कुछ स्ट्रेटेजी से और वो इंफॉर्मेशन फ्लैग हो गई कि आपकी इनकम इस साल की एक्सकेप्ट हुई है अब एक बात बताइए क्या इंफॉर्मेशन एस्केप हुई तो सीधा ही आपको 148 भेज देगा नहीं पहले वो हो सकता है उसको इंक्वायरी करनी है उसको चेक करना है करके ठीक है कि भैया ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है ये जो इंफॉर्मेशन है ये सही है या नहीं है तो कुछ इंक्वायरी करवानी है तो इंक्वायरी करने के लिए भी पहले वो हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेगा और अप्रूवल लेने के बाद उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो इंक्वायरी करवाएगा कि वो इंफॉर्मेशन आपके केस में सही है या नहीं है करिए ठीक है अब एक बात समझना ये इंक्वायरी उसको करवाना है तो करवाएगा अब कोई कभी कभी क्या होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे पता चलता है इनकम स्केपिंग हुई है तो एओ क्या करेगा वो इंक्वायरी नहीं करवाएगा क्योंकि यहां लिखा हुआ इफ रिक्वायर्ड अगर उसको लगता है तो वो इंक्वायरी करवाएगा अब एक बात समझना इंक्वायरी करवाने के बाद या इंक्वायरी उसको नहीं करवानी उसके बाद वो क्या करेगा समझना हाँ अब वो सबसे पहले क्या कर रहा है An of being heard to assessi. Assessi को एक शोकोज नोटिस भेजेगा और एस एससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हड देगा और बोलेगा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे लगता है कि आपका 147 फोर्टी सेवन असेसमेंट होना चाहिए आपकी इनकम एसके क्यों ना मैं आपका 147 कर दूं वो आपसे पूछेगा कि क्यों ना मैं आपका 147 कर दूं क्यों ना मैं आपका केस है वो 147 में पिक कर दूं आपको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर दिया जाएगा और इसमें नोटिस 148 ए का आएगा तो 148 ए का नोटिस आएगा और वो आपको बोला जाएगा आपको टाइम दिया जाएगा मिनिमम आपको सात दिन का टाइम देगा मैक्सिमम 30 डेज का टाइम देगा और अगर आपको और और एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड टाइम टाइम चाहिए तो टाइम भी दे सकता है और वो आपसे पूछेगा कि देखिए मेरे पास ये ये इंफॉर्मेशन है और इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे लगता है आपकी इनकम एस्केप हुई है मैं आपको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता हूं मैं आपको शोकोज नोटिस भेजता हूं 148 ए में आप बताइए क्यों ना मैं आपका 147 में केस पिक कर लू क्यों ना मैं आपका जो केस है वो 147 में पिक करूं क्यों ना मैं आपके केस में 147 का असेसमेंट करूं और 148 का नोटिस आपको इश्यू करूं क्यों ना करूं आप ही बताइए करके ठीक है तो आपको एक बार वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे रहा है इस स्टेप में तो देखिए क्या लिखा हुआ है सबसे पहले प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड टू अस लेकिन अपॉर्चुनिटी देने से पहले भी उसको अप्रूवल हर जगह लेना पड़ेगा वो अब लोगों का ठीक है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड ऑथोरिटी बाय सर्विंग अपॉन हिम अ शो कॉज नोटिस विथ इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस नोटिस में टाइम देगा कि पंद्रह दिन में आप रीजन बताइए मीन आपको कारण बताओ नोटिस भेजेगा कि क्यों ना आपके केस में वन फोर्टी सेवन में करूं बींग नॉट लेस देन सेवन डेज मीन मिनिमम सात दिन से कम नहीं दे सकता टाइम कम से कम सात दिन देना पड़ेगा बट नॉट एक्सीडिंग थर्टी डेज मीन्स आपको सात से लेकर तीस दिन तक का वो टाइम देगा फ्रॉम द डेट ऑन विच सच नोटिस इज इशूड वो इशू करेगा उस दिन से बोलेगा कि आप एक काम करिए पंद्रह दिन है आपके पास बीस दिन है आपके पास आप बताइए क्यों ना आपका वन फोर्टी सेवन में केस ले लो और सच टाइम एज मे बी एक्सटेंडेड और अगर आपको टाइम एक्सटेंड करवाना है तो आप करा सकते हैं बाय हिम ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑन दिस बिहा एज द वाई नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट शुड नॉट बी इशुड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्समेंट इन हिज केस फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट एंड रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्टेड इफ एनी एज पर क्लॉज नंबर ए करके तो यहां पे हो क्या रहा है ये, सबसे पहला स्टेप यह होता है वन का अगर अपन सीक्वेंसिंग को देखे तो पहला स्टेप ये हुआ जैसे एओ के पास इंफॉर्मेशन आई तो एओ को अगर लगता है उससे रिलेटेड और कुछ इंक्वायरी करनी है तो वो करेगा उसके बाद में वो क्या करेगा सीधा एक शोकोज नोटिस भेजेगा एस को वन ए का ही शोकोज नोटिस जाता है और एओ में लिखता है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है और ये वो इंफॉर्मेशन भी बताते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है ठीक है कि आपसे रिलेटेड ये ये इंफॉर्मेशन फ्लैग हुई है और उसके बेसिस पे लगता है आपकी इनकम है वो एस्केप हुई है आप अपना कारण बताओ नोटिस है शो शोकोज नोटिस है अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड है वो मिनिमम आपको सेवन डेज से लेकर मैक्सिमम थर्टी डेज का टाइम देगा और आपसे पूछेगा कि क्यों मैं आपके केस में वन का नोटिस इशू क्यों ना करूँ आप बताइए करके ठीक है अब देखिए आप क्या बताते हैं उसके रिप्लाई में पॉइंट नंबर सी पे आइए consider the reply of ssc furnish if any in response to shoko's notice referred in clause number b जो क्लॉज नंबर बी जो है इसमें जो आप रिप्लाई करोगे उस रिप्लाई को वो कंसिडर करेंगे ऐसा हो सकता है ना हो सकता है वो इंफॉर्मेशन ही गलत हो आपके केस में तो आप लिख लीजिए कि सर ये इंफॉर्मेशन जो आपके बेसिस पे आपको मिली है ये बेसिसमेशन गलत है जैसे मान लो मैंने एक रीजन बताया कि हुआ क्या कि मेरे को मान लो कहीं से प्रोफेशनल फीस मिली अब वो कंपनी क्या कर रही है अप्रूवल सिस्टम फॉलो करती है तो उन्होंने मेरा टीडीएस काट लिया और खर्चा उसी साल में क्लेम कर लिया मैं कैश सिस्टम फॉलो करता हूं मैंने इनकम इस साल बता दिया आप डिपार्टमेंट को पता चला कि यार ये इंफॉर्मेशन में उधर तो टीडीएस कटा है उधर एक्सपेंडिचर लिया

और आपने जब शोकोस के लिए रिप्लाई किया तो कोई दिक्कत नहीं अब एक बात समझिए पॉइंट नंबर डी में वो क्या करेगा एओ पॉइंट नंबर डी में एओ क्या करेगा एओ डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड में मटेरियल अवेलेबल है उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा इंक्लूडिंग रिप्लाई ऑफ द एस आपने जो रिप्लाई दिया वेदर और नॉट इट इज अ फिट केस टू इश्यू नोटिस अंडर सेक्शन 148 क्या ये 148 के लिए फिट केस है या नहीं है यहां एओ डिसाइड कर लेगा यहां एओ डिसाइड करेगा जैसे आपने कोई रिप्लाई किया वो उससे सेटिस्फाइड हो गया अरे यार सही है ये इंफॉर्मेशन जो है उसके बेसिस पे उन्होंने बताया था बट ये इनकम अगले साल आ गई है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हो सकता है वो बोलेगा नहीं नहीं आपका कोई बात नहीं वन का नोटिस इश्यू आपको नहीं होगा तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द रिप्लाई ऑफ द एस वेदर और नॉट इट इज अ फिट केस फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 बाय पासिंग एन ऑर्डर ये ऑर्डर पास करेगा कौन सी सेक्शन में 148 ए का ही ऑर्डर पास करेगा ऑर्डर पास करेगा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी अपने अब्बू लोगों से परमिशन लेगा जाके और बोलेगा देखिए देखिए मेरे पास ये उन्होंने शोकोज नोटिस का रिप्लाई किया और मुझे लगता है कि ये 148 के लिए फिट केस है तो अपन इसमें ऑर्डर पास करते हैं या अगर नहीं फिट केस है तो भी ऑर्डर तो पास करना पड़ेगा करके ठीक है और ऑर्डर कब तक पास करेगा विद इन वन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रिप्लाई रेफर्ड इन क्लॉज नंबर सी इज रिसीव्ड बाय हिम मीन्स आपने जिस मंथ में रिप्लाई किया उस मंथ के एंड से एक, एक महीने के अंदर अंदर जिस मंथ में आपने रिप्लाई किया उस मंथ के एंड से एक मंथ के अंदर अंदर वो वन ए का ऑर्डर है वो वन ए का ऑर्डर है वो पास कर देगा या फिर आपने रिप्लाई नहीं किया तो जो आपको टाइम दे रखा था जिस मंथ में वो टाइम एक्सपायर हुआ उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर वो 148 A का ऑर्डर बनाएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है वापस से पढ़ेंगे कि डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ material available on record including the reply of SSC whether or not the fit case to issue notice under section 148 by passing an order with the prior approval of a specified authority within one month from the end of the month in which the reply of SSC is received means one month from the end of the month in which reply is received or where no such reply is furnished within one month from the end of the month in which the time or extended time provided to furnish reply as per clause B is expired means your reply tha reply. करने का वो टाइम जब एक्सपायर हो गया तो उस मंथ के एंड से एक महीने के अंदर अंदर वो 148 का ऑर्डर है वो पास कर लेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस आपको समझा या नहीं समझा समझा अब एक और चीज समझता तो इस सेक्शन को ये सबसे पहली सेक्शन है मतलब ये सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा देखिए जैसे ही एओ के पास इंफॉर्मेशन आया चार स्टेप है इस सेक्शन में पहला स्टेप क्या है अगर उसको लगता है इंक्वायरी करना है इंक्वायरी करेगा इंक्वायरी करेगा तो भी प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा हायर अथॉरिटी का उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद वो शोकोज नोटिस भेजेगा आपको

में किया उस मंथ के एंड से या तो वन मंथ के अंदर अंदर, रेस्पॉन्स नहीं किया पास करेगा और बोलेगा कि आपका केस फिट है या नहीं है अगर आपका केस फिट है तो अब आपको वन फोर्टी ऑर्डर के साथ में वन फोर्टी एट का नोटिस मिल जाएगा 148 ए का जो ऑर्डर बनेगा उसके साथ में अब आपको 148 का नोटिस मिलेगा अगर आपका केस फिट है तो बट अगर आपका केस फिट नहीं है तो उस केस में ऑब्वियसली आपको 148 ए का ऑर्डर मिल जाएगा और उसमें लिखा होगा कि कोई बात नहीं योर केस इज नॉट फिट फॉर 148 कोई बात नहीं हम वहीं पे लो जो है वो खत्म करते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहीं पे आपका मांडवली वहीं पे चीजें खत्म हो जाएगी लेकिन अगर वो केस फिट है तो उस केस में आपको 148 ए का नोट का नोटिस मिलेगा बोला जाएगा आप रिटर्न फाइल करिए एंड ऑल वो प्रोसीजर चालू होगा चलिए अब एक काम करिए इसके नीचे जो प्रोवाइजो दे रखे उसको आप छोड़ दीजिए अपन एक काम करते हैं जो एनालिसिस वाला पार्ट है उसको अपन पढ़ते हैं देखिए क्या लिखा हुआ है ऑल पीपल पे अटेंशन उसके बाद में आपको दूंगा ब्रेक देखिए बिफोर इशूंग नोटिस अंडर सेक्शन वन मिस 148 का नोटिस इश्यू करने से पहले एओ शैल एओ को करना पड़ेगा क्या पहला कंडक्ट एनी इंक्वायरी इफ रिक्वायर्ड रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन प्रायर अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेके उसको इंक्वायरी करनी पड़ेगी दूसरा अगर करना है तो इफ रिक्वायर्ड इफ रिक्वायर्ड लिखा है दूसरा प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड टू एस विद प्रायर अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटी बाय सर्विंग अज नोटिस टू शोकॉज एज वाय नोटिस अंडर सेक्शन एट शुड नॉट बी इश्यूड टू हिम ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्यों ना हम आपको इन दिस केस एस एस सी है टाइम गिवन इन दोक नोटिस टाइम पीरियड शेल नॉट बी लेस देन सेवन डेज बट नॉट मोर देन दर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शोकॉज नोटिस दिन एक्सटेंड दिस पीरियड इफ एप्लीकेशन इज मेड बायससी

सबसे पहले एओ इशूड नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी बीबी ऑन द सेवेंटीन जुलाई दो हजार इक्कीस को मेरे को नोटिस भेजा तो एक बात बताइए 17 जुलाई 2021 को मेरे को नोटिस है वो मिल गया एंड अल्लाउ हिम टू अपला रिप्लाई टिल 6 अगस्त 2021 तो मेरे को बोला कि 6 अगस्त 2021 तक आप रिप्लाई कर दीजिए कि के आपके केस में क्यों ना 148 में नोटिस इशू किया जाए ऐसा मुझे पूछा मैंने रिप्लाई किया मिस्टर बीबी रिप्लाइड नोटिस ऑन थर्टी जुलाई दो को मैंने रिप्लाई कर दिया तो एक बात बताइए जैसे ही मैं रिप्लाई करूंगा तो जिस मंथ में उसको रिप्लाई रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से एक महीने के अंदर अंदर वो 148 ए का ऑर्डर पास करेगा और बोलेगा आपका केस 148 के लिए मिस कुल मिला के 147 के लिए फिट है या नहीं है फिट करके ठीक है तो कब करेगा मैंने रिप्लाई किया थर्टियत जुलाई को सो so थर्टीएत जुलाई 2021 को मैंने रिप्लाई किया तो ये महीना एंड कब होगा थर्टी जुलाई 2021 और यहां से एक महीना अगर आप लेंगे तो थर्टी अगस्त 2021 तक उसको क्या करना पड़ेगा ऑर्डर पास करना पड़ेगा बट मान लो अगर मैं रिप्लाई नहीं करता हूं तो मैं रिप्लाई नहीं करता हूं एओ को मैं रिप्लाई नहीं करता हूं तो एओ को मैं रिप्लाई नहीं करता हूं तो एओ ने मुझे टाइम कितना दे रखा है सिक्स अगस्त दो तक तो 6 अगस्त 2021 तक दे रखा है तो ये टाइम एक्सपायर कौन से मंथ में हुआ इसका एंड कब होगा 31 अगस्त 2021 और और यहां से एक महीना लेंगे तो 30 सितंबर 2021 तक उसको 148 का ए का ऑर्डर पास करना पड़ेगा तो देखिए मैंने क्या बोला वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर कब तक पास करेगा जैसे ही आपने शोकोज नोटिस आपको बोला कि क्यों ना आपका केस वन फोर्टी सेवन वन फोर्टी एट में ले ले क्यों ना 148 ना वन फोर्टी एट का आपको नोटिस इशू करे आपको टाइम देगा इतने टाइम में आप शोकोज आप रिप्लाई करिए मिनिमम सेवन डेज मैक्सिमम थर्टी डेज का टाइम देगा और अगर आपको एक्सटेंड कराना है तो एक्सटेंड भी करा सकते हो इसमें अब एक बात बताइए मान लो उसने टाइम दिया कि इतने टाइम में आप शो को दीजिए मीन आप कारण बताओ बताओ कारण बताओ क्यों नाम हम आपका वन कर ले वन में नोटिस भेज दे अब आपने रिप्लाई किया तो जैसे ही आपने रिप्लाई किया उस मंथ के एंड से एक महीने में वो वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर पास करेगा अगर आपने रिप्लाई किया नहीं तो रिप्लाई आपने करने का जितना टाइम दिया था वो टाइम कौन से मंथ में एक्सपायर हुआ तो टाइम जिस मंथ में एक्सपायर हुआ उस मंथ के एंड से एक महीने के अंदर अंदर वो 148 ए का ऑर्डर है वो पास कर लेगा यू गॉट माई पॉइंट यहां पे एक डेट में चेंज करना तो देखिए क्या लिखा हुआ है देन एओ पास ऑर्डर अंडर सेक्शन वन ए अप टू थर्टी इसको 31st कर दीजिए

147 का जब ऑर्डर बनेगा और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको जहां अपील में जाना है वो जा या नहीं वो वाला है। इसके में आप कहीं पे भी अपील में नहीं जा सकते इसी को मैंने में बताया है कि अपील टू सी आई टी अपीलबल फोर्टी एट एस एस सी कैन फाइल टू दाईकोर्ट ए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट कंप्लाइड में कुछ गलत हुआ है करके ठीक है अगर आपको आपके साथ में कुछ गलत हुआ है तो उस केस में आप सीधा हाई कोर्ट में रेट डाल सकते हैं बट वो कोई इनकम टैक्स का पावर नहीं है वो ऑब्वियसली आपका जो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उनका ने पूछा कि क्या एओ हायर ऑथोरिटी से अप्रूवल लेगा जब उसको लगे फिट है ना यस लेगा ना यहां हर जगह तो लिखा हुआ है हर जगह लिखा हुआ है देखिए सबसे पहले इंक्वायरी करने से पहले भी लेगा अगर आप देखेंगे इंक्वायरी करने से पहले भी लेगा शोकोज नोटिस भेजने के बाद पहले भी लेगा और उसके बाद में जब वो डिसाइड करेगा उसमें भी लेगा डिसाइड करेगा उसमें भी लेगा अगर आप इसको सेक्शन को ग्रीन कलर को पढ़ेंगे तो देखिए यहां हर जगह अप्रूवल हायर ऑथॉरिटी का बोला हुआ है नहीं तो एओ क्या कर सकता है कुछ भी अपने हिसाब से कर सकता है तो हर जगह बड़े ऑफिसर से पूछना पड़ेगा तो देखिए अगर यहां देखेंगे पहले यह कंडक्ट ऑफ यहां लिखा, हुआ, में उप में 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 लिखा हुआ है प्रायर अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी में अथॉरिटी और मैटर करके ठीक है मैटर जो है वहां पर लिखा हुआ करके ठीक है इंक्लूडिंग शोकोज नोटिस यहां देखिए ये यह लिखा हुआ है कि अप्रूवल ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटी तो तीन जगह तो अप्रूवल यहीं पे आएगी अगर इंक्वायरी करना है तो पहले हायर अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा शोकोज नोटिस भेजना हायर अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा उसके बाद ये डिसाइड करना है कि केस फिट है या नहीं है तो भी आपको हायर अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा सबसे पहले देखिए मैंने आपको सेक्शन बताई थी कौन सी 147 147 क्या बोलती है इसकी पहली चार्जिंग सेक्शन है 147 147 ये बोलती है कि अगर कोई भी आपका इनकम जो है वो चार्जेबल टू टैक्स था वो किसी भी एसएससी का एस्केप्ड असेसमेंट हो गया है तो ये एओ के पास पावर है कि एओ उस इनकम को क्या कर सकता है इनकम को या लॉसेस को रीअसेस कर सकता है असेस कर सकता है रिकम्प्यूट कर सकता है उस पर्टिकुलर ईयर की इनकम लेकिन एक और चीज समझना इसकी एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि भैया वो इनकम के साथ साथ उसको अगर कोई और इनकम भी मिल जाती है तो क्या और इनकम को भी कंसिडर कर सकता है आंसर इज यस एब्सोल्युटली यस वो किसी और इनकम जो है वो किसी और इनकम को भी कंसिडर कर सकता है उसमें इंक्लूड कर सकता है और उसको इंक्लूड करने के बाद में उसको साथ में एसेस कर सकता है उसके लिए वापस से कोई वन या वन ए का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है दिस इज द सेक्शन वन अब एक चीज समझना वन के बाद में हम सीधे चले गए में और 148 क्या बोलता है नोटिस इश्यू नोटिस भाई 148 का नोटिस इशू करना पड़ेगा अब एक बात समझता 148 148 का नोटिस इश्यू है वो कर सकते हैं लेकिन नोटिस इशू करने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन ये है जहां मैंने यहां पे तीन कंडीशन बताई है पहली कंडीशन ये है कि असेसिंग ऑफिसर के पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर के पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी इनकम एस्केप हुई है दैट इज द फर्स्ट कंडीशन इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है दो तरह की इंफॉर्मेशन या तो आपकी कोई इंफॉर्मेशन फ्लैग हुई है इन अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड द सीबीडीटी सीबीडीटी की कुछ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी रहेगी उसके हिसाब से ने आपकी इंफॉर्मेशन फ्लैग की है और उसको लग रहा है आपकी इनकम एस्केपिंग है या फिर

अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा अगर नोटिस जो है वो तीन साल के अंदर अंदर इशू हो रहा है इफ नोटिस इज इशूड विद इन थ्री इयर्स, थ्री इयर्स के अंदर अंदर इशू हो रहा है फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जिसका इनकम स्केपिंग हुआ था तो तो आप सीआईटी पीसीआईटी डी आई टी पीडीआईटी से अप्रूवल ले लीजिए बट अगर मान लो तीन साल के बाद दस साल तक नोटिस इशू हो रहा है तो उस केस में आपको अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा या तो पीसीसीआईटी से या फिर पीडीजीआईटी से जो सबसे हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर रहते हैं लेकिन अगर उस जगह पे पीसीसीआईटी या पीडीजीआईटी नहीं है तो आप एक काम करिए सीसीआईटी डीजीआईटी से अप्रूवल लीजिए और उसके बाद में आप नोटिस वगैरह इश्यू करिए अब एक बात समझना वन फोर्टी का एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है अब ये वन फोर्टी एट ए का प्रोसीजर क्या बोलता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है ये प्रोसीजर ये बोलता है कि सबसे पहले जब भी असेसिंग ऑफिसर के पास में इंफॉर्मेशन है तो ये 148A ए का प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा 148A ए का प्रोसीजर क्या बोलता है सबसे पहले अगर एओ को लगता है कि इंक्वायरी करनी चाहिए तो वो इंक्वायरी करेगा और वो इंक्वायरी करेगा कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सच में इनकम स्केपिंग हुई है नहीं अगर उसको लगता है तो वो इंक्वायरी करेगा लेकिन इंक्वायरी करने से पहले उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा हायर अथॉरिटी का दूसरी चीज उसके बाद वो क्या करेगा आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग प्रोवाइड करेगा मीन आपको शोकोज नोटिस भेजेगा और उसमें टाइम देगा सात दिन से लेकर और थर्टी डेज का मिनिमम सात दिन देना पड़ेगा मैक्सिमम आपको थर्टी डेज देगा और यह टाइम बढ़ भी सकता है उसमें आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हट देगा और आपसे पूछेगा कि क्यों ना आपके केस में वन लगाया जाए क्यों ना आपका केस है वो 148 में लगाया जाए क्यों ना मैं आपको 148 का नोटिस इश्यू करूं आप बताइए आप रीजन बताइए करिए ठीक है तो आपको शोकोज नोटिस का रिप्लाई करना है और जो भी आप शोकोज नोटिस का रिप्लाई करेंगे उसके बाद वो उसको कंसिडर करेगा और कंसिडर करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि आपका केस 148 का नोटिस इशू होने के लिए फिट है या नहीं है। केस इज फॉर द फिट फॉर दूफ नोटिस इश्यू किया जाएगा, जाएगा इश्यू किया जाएगा लेकिन अगर मान लो फिट नहीं है तो वन फोर्टी का ऑर्डर पास तो किया ही जाएगा अब क्वेश्चन का ऑर्डर कब तक पास होगा तो दो चीजें आपको शोकोज नोटिस भेजा था आपने उसका रिप्लाई कर दिया तो जैसे ही आप जिस मंथ में रिप्लाई करोगे उस मंथ के एंड से एक महीने के अंदर अंदर वो वन का ऑर्डर है वो पास कर देगा और भैया आपने रिप्लाई किया ही नहीं तो रिप्लाई करने के लिए जो आपको टाइम लिमिट दिया था शोकोस नोटिस में वो जब टाइम एक्सपायर होता है एक्सपायर जिस मंथ में होता है उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर वो आपको वन ए का ऑर्डर है वो ऑर्डर पास कर देगा इतना हमारा हुआ था अब अपन पढ़ेंगे वापस से एक एक सेक्शन और जो जो चीजें बाकी बची है वो अपन एक बार पढ़ेंगे सबसे पहले 147 में जो दे रखी है वो एक बार अपन मेरे हिसाब से 147 में कुछ भी बाकी नहीं बचा 147 में हमने सब चीजें पढ़ ली थी 147 में कुछ भी बाकी नहीं बचेगा और यहां पे यही दे रखा है कि 148 से 153 को फॉलो करिए और आपका असेसमेंट वो कर सकता है करिए ठीक है थीके? और अदर इनकम मिली तो अदर इनकम को भी कंसिडर वो कर सकता है चलिए अब अपन वन को पढ़ेंगे और अब यहां से आपका चीजें है वो आपको अब समझ में आएगी वन देखिए वन क्या लिखती है 148 में लिखा हुआ है समझने की कोशिश करना बिफोर मेकिंग द असेसमेंट अगर 148 का असेसमेंट करना है 147 में असेसमेंट करना है उससे पहले बिफोर मेकिंग द असेसमेंट री असेसमेंट और री अंडर सेक्शन 147 फोर्टी सेवन एंड द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन एट शेल सर्व एओ सर्व करवाएगा यहां लिखा हुआ है सर्व करवाएगा ऑन द अलोंग विद द कॉपी ऑफ ऑर्डर पास इफ रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट ए डी अगर वन में जो आपका ऑर्डर पास होता है उस ऑर्डर के साथ में आपको 148 का नोटिस सर्व करवाया जाएगा अब यहां पे आप बोलोगे कि सर ये इफ रिक्वायर्ड क्यों लिखा है। आपने तो बोला 148 का प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा तो ऑर्डर पास होगा ही होगा लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस है मैं आपको बाद में वो लूंगा करके ठीक है तो आप यह समझिए कि देखिए हो क्या रहा है बिफोर मेकिंग द असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन एओ शेल सर्व द असेसी along with the copy of order passed if required under section 140a 148a sir एक बात बताइए यहां लिखा हुआ है सर्व करवाना पड़ेगा notice, यहां लिखा है notice सर्व करवाना पड़ेगा लेकिन सर 148 का नोटिस कब तक इशू हो सकता है उसका टाइम लिमिट इशू का दे रखा है देखिए 149 पे चलिए एक बार आप एक बार आप 149 पे चलिए और देखिए 149 में क्या दे रखा है 149 में क्या दे रखा है मैं आप सीधा इजी लैंग्वेज पे चलिए सीधा इजी लैंग्वेज पे चलिए और देखिए यहां एनालिसिस में क्या दे रखा है यहां एनालिसिस में क्या दे रखा है समझने की कोशिश करना नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशूड नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशूड अप टू थ्री इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मीन असेसमेंट ईयर जिस असेसमेंट ईयर की इनकम एस्केप हुई है उस असेसमेंट ईयर के एंड से तीन साल के अंदर अंदर इश्यू हो सकता है और 10 साल तक जा सकते हैं अगर आपका इनकम एस्केपिंग है, है वो 50 लाख ,00 और मोर है अगर आप बेयर एक्ट का लैंग्वेज भी पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट के लैंग्वेज में भी यहां पे वर्ड इशू हुआ यूज हुआ है इशू यहां पे वर्ड यूज हुआ है इशू का लेकिन सर 148 148 में तो ये लिखा हुआ है कि 148 का नोटिस सर्व करवाना पड़ेगा 148 में तो आप पहली लाइन पढ़िए इस पहली लाइन में ही आप क्या बोल रहे हो कि भैया नोटिस है वो सर्व करवाना पड़ेगा ऑन द पेज नंबर थ्री तो सर एक बात बताइए ये टाइम लिमिट इशू का है या सर्व का है क्योंकि यहां तो लिखा हुआ है नोटिस सर्व करवाना पड़ेगा और टाइम लिमिट में दे रखा है इशू करना पड़ेगा करके ठीक है अब एक बात बताइए सर तो क्या दोनों में कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं लग रहा वहां पे लग रहा बोला है कि नोटिस इशू करवाना पड़ेगा थ्री ईयर या टेन ईयर्स में थ्री ईयर्स और टेन ईयर्स में नोटिस इशू करना पड़ेगा लेकिन यहां लिखा हुआ है नोटिस सर्व करवाना पड़ेगा तो सर क्या करना है ये बताइए देखिए मैं बताऊं सर्व करवाना पड़ेगा लेकिन टाइम लिमिट इशू का है टाइम लिमिट इशू का है बट करवाना पड़ेगा सर्व जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं देखिए इधर इधर देखिए, देखिए। जैसे एक बंदा है जिसका नाम है विजय माल्या बात समझिए विजय माल्या के इनकम एस्केपिंग है वो मान लो सत्तर करोड़ रुपए का था तो सत्तर करोड़ का इनकम एस्केपिंग है टेन ईयर का टाइम मिलेगा अब एक बात बताइए मार्च दो को एंड होगा और यहां से अगर आप टेन ईयर्स लेंगे तो ये टेन इयर्स आपके थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बाईस तक आएंगे अब एक बात नोटिस कब तक हो सकता है थर्टी फर्स्ट मार्च तक मान लो थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बाईस को नोटिस इशू कर दिया अब विजय माल्या तो ट्रैक हो ही नहीं सकता आप उसको ट्रेस कर नहीं सकते ट्रेसेबल नहीं है वो तो आप उसको कैसे ट्रेस करोगे पता ही नहीं चल रहा है विजय माल्या कहां ने नोटिस इशू कर दिया टाइम लिमिट में। अब एक बात बताओ विजय माल्या मान लो पांच छह महीने बाद मिला और विजय माल्या को 15 जुलाई 2022 को इस डेट को नोटिस सर्व करवाया गया क्या यह वैलिड नोटिस है या नहीं है नोटिस इश्यू हो चुका था थर्टी फर्स्ट मार्च तक नोटिस इश्यू हो चुका था बट बहुत बार ऐसे एस एस होते हैं जो मिलते नहीं है करके ठीक है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं तो जब मिला ये मिला बाद में तो जब मिला तब उसको उसको सर्व करवा दिया गया नोटिस उसको रिसीव हो गया क्वेश्चन यहां पे ये आता है क्या ये वैलिड है या नहीं आंसर इज यस ये वैलिड है और लॉ का यही इंटेंशन है लॉ मेकर्स ने टाइम लिमिट जो दे रखा है थ्री इयर्स एंड टेन ईयर दैट इज फॉर इश्यू नोटिस कि 148 का नोटिस इश्यू हो सकता है विद इन थ्री इन फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और टेन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर बट 148 की रिक्वायरमेंट है कि नोटिस सर्व करवाना पड़ेगा सर्व बाद में भी हो सकता है अगर नोटिस इशू टाइम में हो गया और सर्व उसके बाद में हुआ चलेगा कोई दिक्कत नहीं है यह आपका वैलिड नोटिस है वो माना जाएगा दिस नोटिस इज ट्रीटेड एज द वैलिड नोटिस यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस चलिए एक काम करते हैं को एक बार अपन वापस से पढ़ते हैं क्योंकि वन का नोटिस है वो नोटिस आपको सर्व करवाया जा रहा है देखिए क्या लिखा होगा ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन वन फोर्टी एट का इश्यू ऑफ नोटिस अब एक बात समझना ये सेक्शन क्या बोलती है बिफोर मेकिंग द असेसमेंट और रीअसेसमेंट रिकंप्यूटेशन अंडर सेक्शन वन फोर्टी सेवन एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन फोर्टी एट ए

टू फर्निश विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच नोटिस अ रिटर्न ऑफ हिज इनकम और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज under अंडर द एक्ट मीन आपसे बोला जाएगा आप अपना इनकम का रिटर्न फाइल करिए या फिर किसी और पर्सन की इनकम आप में एड हो रही है जैसे मान लो क्लबिंग के केस में मेरे बेटे की इनकम एस्केपिंग हुई थी बट मेरे बेटे का तो असेसमेंट नहीं हो सकता ना वो तो मेरा हो सकता है तो जब मेरा हो रहा है तो मेरे बेटे की इनकम जो है वो उसमें ऐड करने को बोला जाएगा कि आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हुआ उसके लिए बोला जाएगा आप अपनी इनकम या फिर किसी और की इनकम आप में ऐड हो रही है तो उसका आप रिटर्न फाइल करिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे रिक्वायरिंग हिम to furnish within such period as may be specified in the notice a written of his income or the income of any other person in respect of which he is accessible under the act during the previous year corresponding to relevant assessment year in the prescribed form Aapko form dera hoga? वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर इसके लिए फॉर्म प्रिस्क्राइब मैनर वेरीफाई होगा एंड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट सो फार एज मे अप्लाई अकॉर्डिंग एज इफ द रिटर्न वर रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी अंडर सेक्शन 139 ये माना जाएगा कि आप रिटर्न रिक्वायर्ड थे करने के लिए फर्निशर में यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस अब एक बात समझना इसमें नीचे यही दे रखा है प्रोवाइजो के फॉर्म में कि भैया ये नोटिस आपको तभी इशू हो सकता है जब डिपार्टमेंट के पास में इंफॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन का मतलब वो दो इन्फॉर्मेशन जो एक्सप्लेनेशन नंबर वन में दे रखी है एक्सप्लेनेशन नंबर टू को अभी आपकी छोड़ दीजिए एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री एक बार मैं आपको बता देता हूं एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री क्या बोलती है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन स्पेसिफाइड अथॉरिटी मीन द स्पेसिफाइड अथॉरिटी रेफर्ड अंडर सेक्शन 151 देखो जहां जहां स्पेसिफाइड अथॉरिटी की बात होगी 151 वाली जो वाली जो हायर अथॉरिटी अथॉरिटी है है वही स्पेसिफाइड उसके बाद में एनालिसिस में पॉइंट 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 नंबर 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 हो हो चुका हो चुका को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद आपका वन ए पे आ गए तो वन ए में आपका जो ये पूरा हो गया इस प्रोवाइजो वाले पार्ट को आप छोड़ दीजिए प्रोवाइजो वाला पार्ट है वो आपको अभी नहीं पढ़ने का है प्रोवाइजो वाले पार्ट को आप छोड़ दीजिए उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे

नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट for बी इशूड फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इफ थ्री from the एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर करके तीन साल हो गए तो आप नहीं कर सकते बट अगर दस साल तक कर सकते अगर आपका इनकम एस्केपिंग फिफ्टी लाख रुपीज या उससे ज्यादा यहां पर लिखा हुआ लाइकली टूआ लाइकली टू में मेनी टाइम क्या होता है आपको पता नहीं है एओ को एग्जैक्ट पता नहीं है कि फिफ्टी लैक से ज्यादा है बट उसको लग रहा है कि लाइकली टू भी फिफ्टी लैक और मोर है तो जब वो अप्रूवल लेने जाएगा हेयर अथॉरिटी से तो वो पूछेंगे ना कि भैया कैसे लग रहा है तुम बताओ फिफ्टी लैख से ज्यादा तभी वो अप्रूवल देंगे नहीं तो अप्रूवल देंगे ही नहीं अब अपन एक बात समझना यहां पे मैं आपको एक प्रोवाइजो समझाने वाला हूं और ये प्रोवाइजो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है प्रोवाइजो यहां पे ये जो फर्स्ट वाला पार्ट आपका हो गया और उसके बाद इजी लैंग्वेज में अपन ने पॉइंट नंबर वन है वो अपन ने पढ़ लिया अब एक बात समझना यहां पे एक प्रोवाइजो इन्होंने डाला और ये प्रोवाइजो क्या बोलता है वो प्रोवाइजो मैं आपको समझाने वाला हूं फर्स्ट प्रोवाइजो और फर्स्ट प्रोवाइजो क्या बोलता है और आप अगर चाहे तो आप भी मुझे बता सकते हैं ये क्या बोलता है फर्स्ट प्रोवाइजो देखिए क्या लिखा है यहां से लेके यहां तक यहां से लेके और यहां तक ये यह आपका फर्स्ट प्रोवाइजो है और ये फर्स्ट प्रोवाइजो क्या बोलता है समझने की कोशिश करना प्रोवाइडेड दैट ज बी एक्ट का एज इट इज नो नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट शैल बी इशूड एट एनी टाइम इन अ केस फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट इयर बिगिनिंग ऑन और बिफोर फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फ सच नोटिस कुड नॉट हैव बिन ई शूड एट दैट टाइम ऑन अकाउंट ऑफ बींग बियड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज नंबर बी ऑफ सबसे स्टूड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी 2021, सर क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आया कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आया एक बार वापस से पढ़ते हैं ट्राई करते हैं प्रोवाइडेड दैट देखिए अभी टाइम लिमिट क्या दे रखा है इस सेक्शन में अभी जो टाइम लिमिट दे रखा है दैट इज थ्री अगर नॉर्मल आपका कितना भी इनकम एस्केपिंग है थ्री इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर नोटिस इशू हो सकता है और दस साल तक हो सकता है अगर आपका इनकम एस्केपिंग पचास लाख या उससे ज्यादा है अब इन्होंने यहां पर क्या दे रखा है कि प्रोवाइडेड दैट नो नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट शेल बी इशूड एट एनी टाइम इन केस फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर बिगनिंग ऑन और बिफोर 2021। 2021 तो एक बात बताइए या उसके पहले के असेसमेंट तो ईयर आपका कौन सा उन्नीस बीस आपके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा बाईस तेईस है अब एक बात समझिए ये लोग बोलते हैं कि असेसमेंट इक्कीस बाईस या उसके पहले के असेसमेंट ईयर जो है उनके लिए नोटिस अगर पुराने लॉ के हिसाब से इशू नहीं हो सकता था पुराना जो 147 था और पुराने 147 के हिसाब से अगर इशू नहीं हो सकता था तो नए 147 के हिसाब से भी आपका इशू नहीं हो सकता यह कहना यह चाहते हैं यह कहना यह चाहते हैं कि देखिए आज आपकी टाइम लिमिट मोदी जी ने कितनी कर दी दस साल कि अगर किसी भी साल का इनकम एस्केपिंग है वो इनकम एस्केपिंग आपका लाइक फिफ्टी या उससे ज्यादा है तो टेन ईयर्स तक अब एक बात बताइए लोग ये ऑब्जेक्ट करेंगे ना लोग ये बोलेंगे कि आज आपने उठ के बोल दिया दस साल पहले छह साल ही था अगर आपको मैं बताऊं ना पहले इस सेक्शन में टाइम लिमिट सिक्स ईयर हुआ करता था आपने ऐसा कहीं सुना होगा कि पिछले छह साल के केस खुल सकते हैं आपके जो पिछले छह साल खत्म हो गए उसके बाद आपका केस नहीं खुल सकता तो पहले छह साल के केस खुल सकते थे अब मोदी जी ने एक बार आए और निर्मला सीतारमन जी ने इस साल से बोला पिछले दस साल तक के केस खोल लेंगे टाइम लिमिट उन्होंने इश्यू करने की डाल दी दस फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तो यहां ये प्रोवाइजो डाल के एक ग्रांड फादरिंग डाला गया एक ग्रैंड फादरिंग डाला गया यू कैन से दैट द और इन्होंने बोला कि टेंशन ना लीजिए अगर देखो नया लॉ आया और नए लॉ में दस साल का टाइम दिया है। अब एक बात बताइए तुम्हारे जो असेसमेंट ईयर चले गए मिस या उसके पहले के, के, के हिसाब से तुमको हम नोटिस इशू नहीं कर सकते थे तो डोंट वरी हम नए लॉ के हिसाब से भी तुमको नहीं करेंगे। yes, तो एक बार अब मैं वापस इसको पढ़ता हूं अब आपके दिमाग में चीज बैठेगी यहां पर एक्जैक्टली लिखा क्या है अब आपके दिमाग में यह चीज बैठेगी बोल क्या रहा है यह जो है यह बोल क्या रहा है फिर मैं आपको इजी लैंग्वेज में इसको

एट दैट टाइम ऑन अकाउंट ऑफ बींग बियड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसे पहले हुआ करती थी उसके हिसाब से एज द स्टूड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से पहले जो वन फोर्टी नाइन सेक्शन हुआ करती थी और पहले अगर वन फोर्टी नाइन की वजह से आप नोटिस इशू नहीं कर सकते उन ईयर्स के लिए तो अब आप नई सेक्शन की वजह से भी नहीं कर सकते दैट इज कॉल योर ग्रैंड फादरिंग और मैंने इसको इजी लैंग्वेज में यहां पे समझाया देखिए क्या लिखा है मैंने पॉइंट नंबर टू में आइए नोटिस अंडर सेक्शन 148 फोर्टी एट कैन नॉट बी इशूड फॉर असेसमेंट और अर्लियर असेसमेंट इफ सच नोटिस कुड नॉट हैव बीन इश्यूड एज पर द ओल्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन एंड ओल्ड प्रोविजन था क्या मैंने यहां पे समझाया फिर एज पर द ओल्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149 नोटिस कुड बी इशूड टू सिक्स इयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इफ इनकम एस्केपिंग इज अमाउंट्स टू रूपीज वन लाख और मोर पहले क्या होता था ना टाइम लिमिट में अगर आपको पहले की बात बताऊं तो लास्ट ईयर तक 147 के लिए 149 जो हुआ करती थी 149 में क्या टाइम लिमिट दे रखा था पता है कि नॉर्मल केसेस में आपके चार साल का टाइम लिमिट था और इनकम स्केपिंग अगर वन लेख या उससे ज्यादा है तो सिक्स ईयर था सिक्स ईयर के बियॉन्ड नहीं जा सकते थे अब इन्होंने टेन इयर्स कर लिया तो मैंने फिर अभी यहां पे बहुत सारे एग्जांपल बनाए तो देखिए आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि असेसमेंट ईयर 2122 या अर्लियर असेसमेंट ईयर के लिए अगर पुराने 149 के हिसाब से नोटिस इशू नहीं हो सकते थे 148 में तो नए 149 के हिसाब से नोटिस इशू नहीं हो सकते और पुराना जो 149 था वो क्या बोलता था इनकम एस्केपिंग अगर 1 लाख रुपीज और मोर देन 1 लाख है 6 साल तक नोटिस इशू हो सकते थे तो पुराने वाले के हिसाब से छह साल तक नए वाले के हिसाब से 50 लाख और मोर है तो आपका 10 इयर्स तक नोटिस इश्यू हो सकता है 50 लाख और मोर है तो 10 इयर्स तक नोटिस इश्यू हो सकता है तो अगर पुराने के हिसाब से नोटिस

Can ही डू सो क्या वो ऐसा कर सकता है तो देखिए पहली चीज तो इन्होंने बोला कि असेसमेंट 10, 11 से लेकर और असेसमेंट 21, 22 तक हर साल का आपका इनकम स्केपिंग जो है वो 50, 50 लाख है तो मैं अगर मान लो इसको ऐसे समझाना चाहूं इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए अगर मैं यहां पे लेता हूं चलिए तो मैं अगर यहां पे लेता हूं तो आपका कौन कौन सा असेसमेंट ईयर था तो मैं बताऊं असेसमेंट ईयर 10 11 उसके बाद असेसमेंट ईयर 11 12 उसके बाद असेसमेंट ईयर आपका 12 13 ऐसे असेसमेंट ईयर चलते रहेंगे हर साल 50 लाख का इनकम है एक तो पुराने लॉ के हिसाब से कब तक कर सकते थे और नए लॉ के हिसाब से पुराने लॉ में छह साल का टाइम लिमिट है नए लॉ में दस साल का है अगर इनकम है स्केपिंग नया लॉ बोलता है फिफ्टी लैख और मोर है तो दस साल पुराना लॉ बोलता था एक लाख या उससे ज्यादा है तो छह साल करके ठीक है तो देखिए टेन इलेवन का नोटिस अगर आप दस साल भी लेते हैं तो मैं बताऊं आपका थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार इक्कीस आता है और थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार में इशू कर रहा है तो एक बात बताइए नए लॉ के हिसाब से नए लॉ के हिसाब से टाइम लिमिट क्या आ रहा है न्यू लॉ यहां बोलू मैं न्यू लॉ न्यू लॉ के हिसाब से थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार इक्कीस जो कि जा चुका है ठीक है तो नए लॉ के हिसाब से इशू नहीं कर सकता ओल्ड लॉ के हिसाब से तो छह साल का ही टाइम लिमिट था तो छह साल का टाइम लिमिट मीन से बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह मीनस दो हजार सत्रह तक वो भी जा चुका है तो ये ओल्ड लॉ के हिसाब से भी नहीं कर सकता तो जब न्यू लॉ के हिसाब से भी नहीं कर सकता ओल्ड लॉ के हिसाब से भी नहीं कर सकता तो अब नोटिस इश्यू नहीं हो सकता उस साल का अब एक बात बताइए 11 बारह के लिए नए लॉ के हिसाब से 31 मार्च 2022 तक कर सकता है क्योंकि इनकम स्केपिंग 50 लाख और मोर है तो आपके लिए 10 इयर्स का टाइम लिमिट मिलेगा तो भैया आज की, ये कब अगस्त में इशू कर रहा है आप देखेंगे डेट दे रखा है मैंने अगस्त का 17 अगस्त 2021 को इश्यू कर रहा है तो भैया यहां पे न्यू लॉ के हिसाब से कर सकता है लेकिन ओल्ड लॉ के हिसाब से 31 मार्च 2018 तक कर सकता था जो टाइम लिमिट जा चुका है तो जब ओल्ड लॉ के हिसाब से नहीं कर सकता था न्यू लॉ के हिसाब से कर सकता है तो नहीं कर सकता आज नोटिस इशू अब एक बात बताइए का यहां मार्च तक कर सकता है तो न्यू लॉ के हिसाब से कर सकता है बट ओल्ड लॉ के हिसाब से थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार उन्नीस तक कर सकता था वो जा चुका है तो नहीं कर सकता अब एक बात बताइए अगर मैं यहां तेरह चौदह लू तो यहां पर नए लॉ के हिसाब से थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार चौबीस तक तो कर ही सकता है कोई दिक्कत नहीं अब एक बात बताइए पुराने लॉ के हिसाब से थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बीस था वो जा चुका है नहीं कर सकता तो अब नोटिस इशू नहीं कर सकता अब एक बात बताइए अगर 14, 15 की बात करूं तो 31 मार्च 2025 तक नए लॉ के हिसाब से कर सकता है 31 मार्च 2021 तक पुराने लॉ के हिसाब से नहीं कर सकता तो अब नहीं कर सकता अब एक बात बताइए 15-16 जो असेसमेंट ईयर है उसके लिए आपका नए लॉ के हिसाब से 31 मार्च 2026 डेट तक कर सकता है तो आज कर ही सकता है कोई दिक्कत नहीं यहां 31 मार्च 2022 तक कर सकता था तो यह भी कर सकता है जब नए लॉ के हिसाब से भी कर सकता है पुराने लॉ के हिसाब से भी कर सकता है तो क्या आज नोटिस इश्यू कर सकता है आंसर इज यस आज नोटिस इश्यू कर सकता है तो इन सिंपल वर्ड में आपको ऐसा बोलू देखिए असेसमेंट ईयर 10 11 के लिए तो ना तो न्यू लॉ के हिसाब से कर सकता है ना ओल्ड लॉ के हिसाब से कर सकता है तो नहीं कर सकता उसके बाद असेसमेंट ईयर आपका 11 12 से लेकर और 14 15 तक ये ऐसे ईयर ये है जिसमें वो न्यू लॉ के हिसाब से तो कर सकता है बट ओल्ड लॉ के हिसाब से नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकता आज उसके बाद जो 15-16 से लेके और आपका 21-22 तक के असेसमेंट इेंगे उसमें न्यू लॉ के हिसाब से भी कर सकता है ओल्ड लॉ के हिसाब से भी कर सकता है इसके लिए आज वो नोटिस इशू कर सकता है यू गॉट माई पॉइंट ऑन नॉट आपको थोड़ा बहुत समझा के नहीं समझा समझा तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन हा इस एग्जाम्पल को देखिए तो देखिए सबसे पहले हम असेसमेंट ईयर 10, 11 की बात करते हैं तो 10, 11 में नॉर्थ नोटिस कभी इशू कर रहा है 17 अगस्त 2021 को तो तो 10 साल से भी बियॉन्ड जा रहा है दस साल से भी आपका क्या इन सिंपल वर्ड आप यह बोल सकते हो कि सेक्शन का इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली ईयर पे आएगा पुराने के लिए एज पर ओल्ड प्रोविजन नो एज नोटिस कैन बी इश्यू टिल 31 मार्च 2017 ओनली तो नहीं कर सकता एज वेल एज न्यू लॉ के हिसाब से भी नहीं कर सकता तो नोटिस इशू नहीं कर सकता अब एक बात समझिए 11-12 से लेके असेसमेंट 14 15 तक आपका ओल्ड लॉ के हिसाब से नहीं कर सकता क्योंकि छह साल का टाइम लिमिट था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है और बट न्यू लॉ के हिसाब से कर सकता है बिकॉज नोटिस कैन बी इशूड एज इनकम एस्केपिंग 50 लाख और मोर एंड इट्स फॉल विद इन द 10 इयर्स ऑफ टाइम तो आपका नोटिस नहीं इशू कर सकता बिकॉज ओल्ड लॉ के हिसाब से नहीं कर सकता था नोटिस कैन नॉट बी इशूड सेक्शन टू से नोटिस एज पर ओल्ड प्रोविजन लेकिन आपका असेसमेंट इिफ्टीन सिक्सटीन और असेसमेंट असेसमेंट इिट्टी सिक्सटीन से लेके असमेंट इ्वेंटी वन ट्वेंटी टू के हिसाब से ओल्ड लॉ के लिए भी कर सकता है न्यू के हिसाब से भी कर सकता है तो ऑब्वियसली अब आपके नोटिस सेवनटीन ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को असेसमेंट ईयर सोलह से असेसमेंट का इनकम है तो कर सकता है है क्या सर ऐसा हो सकता था बट न्यू लॉ के हिसाब से कर सकता था बट न्यू लॉ के हिसाब से नहीं कर सकता आंसर yes, क्योंकि ओल्ड लॉ क्या बोलता था इनकम स्केपिंग जो है ना वो आपका वन लेख या उससे ज्यादा है तो छह साल तक जा सकते थे

लेगी तो देखिए क्या लिखा हुआ है सेकेंड एग्जाम्पल सपोज इन द एग्जाम्पल नंबर वन इनकम एस्केपिंग इज 20 लाख इंस्टेड ऑफ द 60 लाख अगर आपका इनकम एस्केपिंग है वो 20 लाख होता इंस्टेड ऑफ 60 लाख तो 10 11 का तो देखिए ओल्ड लॉ न्यू लॉ दोनों के हिसाब से नहीं इश्यू हो सकता तो नहीं हो सकता उसके बाद 11 12 से लेके और 14 15 तक आपके पुराने लॉ के हिसाब से भी नहीं हो सकता और नए लॉ के हिसाब से भी नहीं हो सकता क्योंकि नए लॉ में फिर आप तीन साल ही कवर करेंगे लेकिन एक बात बताइए ये पंद्रह सोलह से लेकर और सत्रह अठारह तक इसमें ओल्ड लॉ के हिसाब से हो सकता है बिकॉज सिक्स ईयर में आ रहा है तो ओल्ड लॉ के हिसाब से हो सकता है बट न्यू लॉ के हिसाब से नहीं हो सकता क्योंकि तीन साल ही होता है तो इस केस में नोटिस इश्यू नहीं हो सकता लेकिन अठारह उन्नीस से लेकर आपके ओल्ड लॉ के हिसाब से भी हो सकता है न्यू लॉ के हिसाब से भी हो सकता है तो आपका नोटिस है वो आपका इश्यू हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है दिस इज द वन ऑफ दिस इज द वन ऑफ द प्रोवाइजो नंबर आपका जो दे रखा है दैट इज द प्रोवाइजो नंबर आपका फर्स्ट करके ठीक है डन थोड़ा बहुत समझा आपको यस yes, सर समझा हमको कोई बात नहीं हमको समझा करके ठीक है अब एक और चीज़ समझना ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन बट ये जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने कवर किए हैं ना ये जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने बताए हैं चलो उससे पहले मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताना पढ़ानी पड़ेगी उसके बाद ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ चलिए 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 अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ आ जाइए सब लोग वन ए पे आ जाइए सब लोग 148 ए पे एक बार मुझे पानी पीने दे दीजिए फिर अपन 148 ए वापस से समझते हैं चलिए अब एक बात समझना इधर देखना सब लोग 148 ए जो है उस अपन वापस बात करते हैं 148 ए क्या बोलती थी कि सबसे पहले एओ के पास इंफॉर्मेशन है और एओ के पास जब इंफॉर्मेशन है तो ये मान लिया जाएगा एओ के पास इंफॉर्मेशन है तो उसमें चार उसके स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे पहले इंक्वायरी अगर उसको लगता है तो वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द हायर अथॉरिटी करके ठीक है वो हायर अथॉरिटी का क्या लेगा आ, प्रायर अप्रूवल लेगा और प्रायर अप्रूवल लेने के बाद करके ठीक है प्रायर अप्रूवल लेने के बाद वो क्या करेगा ये जो चीज़ है वो करेगा मीज प्रायर अप्रूवल लेने के बाद जो है वो सबसे पहले प्रायर अप्रूवल लेगा उसके बाद इंक्वायरी कंडक्ट करेगा अगर उसको लगता है तो इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हट देगा और बोलेगा क्यों ना हम आप पे 148 का नोटिस आपको इशू कर दे आप बताइए शो कोज नोटिस देगा मिनिमम आपको सात दिन देना देगा मैक्सिमम आपको थर्टी डेज का टाइम देगा और ये टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है आपको रेस्पॉन्स करना पड़ेगा अगर आप रेस्पॉन्स कर लेते हो तो आपका रेस्पॉन्स कंसिडर करेगा और रेस्पॉन्स कंसिडर करने के बाद रेस्पॉन्स कंसिडर करने के बाद हायर अथॉरिटी के अप्रूवल से वो डिसाइड करेगा इस पॉइंट में वो क्या कर रहा है लास्ट पॉइंट में वो डिसाइड करता है कि भैया आपका केस 148 के लिए फिट है या नहीं और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा ऑर्डर पास करेगा अगर 148 के लिए फिट है तो भी ऑर्डर पास करेगा 148 के लिए फिट नहीं है तो भी ऑर्डर पास करेगा वन ए में ऑर्डर पास करेगा कब तक करेगा आपका रेस्पॉन्स जिस मंथ में मिला उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर या आपने रेस्पॉन्स किया ही नहीं तो रेस्पॉन्स करने का जो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया वो जिस मंथ में एक्सपायर हो जाता है उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर वो क्या करेगा? गा आपका ऑर्डर पास करेगा 148 ए का और आपको अगर 148 का नोटिस भेजना है तो उस नोटिस के साथ वो 148 ए का ऑर्डर है वो आपको सर्व करवा दिया जाएगा फिर आप रिटर्न फाइल करोगे फिर असेसमेंट आपका चालू हो जाएगा ठीक है चलिए अब एक और चीज समझना सर क्वेश्चन यहां पे ये यह आता है कि ये 148 ए का जो प्रोसेसर है क्या ये हर केस में फॉलो करना पड़ेगा कि जब-जब उसके पास इंफॉर्मेशन आई तो ये प्रोसीजर क्या हर जगह अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना और फिर आपका क्यों ना हम 148 कर ले और ये सब जगह क्या मतलब फॉलो करना पड़ेगा लॉ मेकर्स बोलते हैं दो केसेस में फॉलो करने की जरूरत नहीं है दो केसेस में फॉलो करने की जरूरत नहीं है करके ठीक है दो केसेज में आपके केस में दो केसेस में ये 148 ए जो सेक्शन है ना इस पर सीधा चौकड़ी मार दो ये देखने की जरूरत ही नहीं है और सीधा 148 ए का 148 का नोटिस है वो आपको सर्व करवाया जाएगा ये 148 ए में जो इंक्वायरी वगैरह करना शोकोज नोटिस देना अपॉर्चुनिटी देना ये करने की जरूरत ही नहीं है कितने केसेस में दो केसेस में पहला केस अगर किसी एसएससी पे रेड हुई थी अब जब आपके ऊपर रेड हो चुकी है आपके ऊपर सर्च हो चुका है तो क्या सर्च देखो सर्च करने से पहले ही उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है और उसके बेसिस पर ही सर्च होता है तो जब ऑलरेडी आपके ऊपर रेड हो गई आपके ऊपर तो से, आप से क्या एओ वो फॉलो करेगा वन फोर्टी एट इंक्वायरी करेगा फिर आपको शोकोज नोटिस देगा कि क्या हम आपको 148 फोर्टी एट भेजे ना भेजे करके ठीक है क्यों ना भेजे वो सब करवाने की यहाँ जरूरत है तो देखिए पहला केस अगर आपके केस में सर्च हो गया या आपके केस में कुछ रिक्वजिशन हुआ था रिक्वजिशन का मतलब जैसे रेड किसी और अथॉरिटी ने की थी या रेड इनकम टैक्स ने की थी बट जो बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स है वो किसी और अथॉरिटी के पास थे तो अगर आपके ऊपर सर्च हो गया रेड हो गया रेड केसेस है तो उस केस में बेटा ये सेक्शन फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं या फिर रेड आप पे नहीं हुई रेड किसी और पे हुई थी तो रेड किसी और पे हुई थी लेकिन वहां पे कुछ ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स मिल गया या कुछ ऐसी असेट्स मिल गई जो आपको बिलोंग करती है जो आपकी है तो उस केस में वो उनका जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा वो असेट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स है वो आपके एओ को देगा तो आपका एओ जो है वो आपको सीधा 148 का नोटिस भेज देगा यही माना जाएगा कि आप ही के ऊपर रेड हुई है यही माना जाएगा कि आप ही के ऊपर रेड हुई है करके ठीक है और भैया इस केस में भी 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है तो देखिए मैंने दो केस बताए पहली चीज अगर मान लो मेरे केस में रेड हुई तो जैसे ही इनकम टैक्स का सर्च हुआ या रिक्विजिशन हुआ सर्च या सर्च है 132 ए का रिक्विजिशन तो एओ को ये 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है वो सीधा 148 का नोटिस है वो सर्व करा सकता है, जो है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है वो प्रोसीजरल पार्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है अपॉर्चुनिटी देना एंड ऑल ये करने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझना या तो मेरे केस में रेड हुई अगर मान लो मेरे केस में रेड हुई लेकिन उसमें जो इन, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी मिली या कुछ असैट मान लो ऐसी मिली मेरे यहां पे कुछ गोल्ड मिला में तो मैंने क्या बताया था जो जिसके पास मिलेगा उस यही माना जाएगा वो उसी का है तो मेरे पास गोल्ड मिला तो यही माना जाएगा वो मेरा है लेकिन जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि यह गोल्ड जो है यह तो मेरे मामा का है अब होगा क्या मेरा एओ वो मामा के एओ को हैंड ओवर कर देगा तो मामा का एओ जो है वो मामा के एओ के पास गोल्ड आया मिस यहां पे सर्च हुआ था वो किसी अदर पर्सन पे हुआ था अभी हम मामा के एओ के पास गोल्ड आ गया अब मामा का एओ मामा को सीधा 148 का नोटिस भेजेगा मामा के केस में 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं मिस मामा के केस में भी नहीं करना और मेरे केस में भी नहीं करना तो देखिए अगर सर्च किसी और पर्सन पे हुआ था रिक्विजिशन किसी और पर्सन के केस में गई थी बट वहां पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई या कुछ ऐसी असर्ट्स मिली जो बिलोंग्स करती है परटेन करती है किसी और पर्सन से रिलेटेड तो उस पर्सन के केस में भी सीधा 148 का नोटिस भेज दिया जाएगा उस केसेस में ये 148 ए का प्रोसीजर है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस तो देखिए यहां पे आ जाइए इस प्रोवाइजो पे और देखिए प्रोवाइजो क्या बोलता है क्या बोलता है देखिए प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई मीन ये सेक्शन में जो प्रोविजन दे रखे वो अप्लाई नहीं होंगे इन केस इज वेयर कब यहां पर आपको ए बी सी तीन पॉइंट दे रखे बट अल्टीमेटली यह दो पॉइंट पहला पॉइंट क्या बोलता है सर्च इज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन वन थर्टी टू और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट और एनी अट आर रिक्वेस्टेड अंडर सेक्शन 132 ए इन केस ऑफ ऑन और आफ्टर इनकेस्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी जो रेड हुई है वो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी क्योंकि ये सेक्शन ही अप्रैल के बाद लग रही है उसके पहले अगर रेड हुई थी तो उस केस में आपका असेसमेंट वन फोर्टी सेवन में नहीं होता फिर वन फिफ्टी थ्री थ्री सी में होता है जो अभी लॉ से हटा दी गई है ठीक है तो देखिए मैंने क्या बोला पहला सर्च इज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 132 थर्टी टू और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट और असेट आर रिक्विजेड अंडर सेक्शन 132 ए इनके सीआईटी पीसीआईटी से अप्रूवल लिया होगा हायर अथॉरिटी से के जो है बुलियन है ज्वेलरी है अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग्स है सर्च अंडर सेक्शन 132 और रिक्विजेड अंडर सेक्शन 132 ए यहां पे मनी बुलियन ज्वेलरी एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल एंड थिंग सीज्ड इन द सर्च अंडर सेक्शन 132 और अंडर सेक्शन 132 इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन दैट इज बीबी सर ऑन और आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2021 बिलोंग्स टू द असेसी मिस वो असेसी को बिलोंग करते हैं मिस मामा को बिलोंग करते हैं और दूसरी चीज इफ एओ इज सेटिस्फाइड विदायर अप्रूवल ऑफ सी आई टी पी सी आई टी दैट एनी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट सीज्ड In a search under section 132 or requisite under section 132 in case of any other person on or after 1st April 2021 pertains to the और एनी इंफॉर्मेशन कंटेन देयर इन रिलेट्स टू द असेसी अब एक बात बताइए मनी बुलियन ज्वेलरी और, आर्टिकल और की बात कर रहे हैं। मैं इस, इस पॉइंट को अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं थी बट अगर अलग अलग बनाया पहले में मनी बुलियन और ज्वेलरी एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल थिंग्स वो बिलोंग्स करता है मामा को या जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स है वो क्या करता है या तो वो पर परटेन है या परटेन्स टू है करके ठीक है परटेन्स परटेन्स टू या रिलेट्स टू द मामा है तो उस केस में वन फोर्टी एट ए का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं फॉर दिस पर्पज स्पेसिफाइड ऑथोरिटी में वन फिफ्टी वन वाली अब एक काम करिए आप लोग मैंने यहां पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में दे रखा है पॉइंट नंबर थर्ड पे आ जाइए ऑन द पेज नंबर थ्री ट्वेंटी और देखिए क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर थर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है सेक्शन 148 फोर्टी एट ए नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस मिस दो केसेस में यह सेक्शन नहीं लगेगी कब पहला पहलाटेड अंडर सेक्शन 132 थर्टी टू और बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट और अट आर रिक्विजेड अंडर सेक्शन टू एस मान लो मेरे पे रेड हो गया या मेरे केस में रिक्वेजेशन हुआ तो उस केस में क्या होगा मेरे केस में वन फोर्टी एट ए का प्रोसीजर एओ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है अब एक बात समझना दूसरा पॉइंट क्या बोलेगा एओ इज सेटिसफाइड मीन्स यहां मामा का एओ सेटिस्फाइड है मामा का ए है वो सेटिसफाइड है विदायर अप्रूवल ऑफ सी आई टी पीसीआईटी मीन मामा का एओ उसके सीआईटी पीसीआईटी से प्रायर अप्रूवल लेगा और उसके बाद वो सेटिस्फाइड किस चीज को ले है दैट एनी अट और बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट सीज्ड और रिक्वेजेड अंडर सेक्शन वन थर्टी टू और वन थर्टी टू ए

कि भाई आपका केस 148 के लिए फिट है या नहीं है ये सब प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है ये सब प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है मिस 148 ए जो है इस पे आप सीधा काटा लगा दीजिए और कब कौन से दो केसेस में दो केसे, केसे, या तो मेरे केस में रेड हुई थी या रिक्वजिशन हुआ था तो मेरे केस में ये 148 ए एओ फॉलो नहीं करेगा सीधा 148 का नोटिस सर्व करवा देगा दूसरा रेड मेरे पे हुई थी रिक्वजिशन मेरे केस में हुआ लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स या असेट मिली जो मामा से रिलेटेड है तो मामा का एओ अपने सीआईटी पीसीआईटी से अप्रूवल लेगा मेरे मामा अहमदाबाद रहते हैं तो उनके एओ के पास जब वो असेट या इंफॉर्मेशन जाएगी वो पहले सीआईटी पीसीआईटी से अप्रूवल लेंगे और सीआईटी पीसीआईटी से डिस्कस करने के बाद करके ठीक है डिस्कस करने के बाद वो सीधा मामा को 148 भेज देंगे मामा के केस में भी ये सब प्रोसीजर वन ए का फॉलो करने की जरूरत नहीं है yes. ने दीक्षा ने पूछा कि सर 149 का टाइम लिमिट लगेगा नहीं, टाइम लिमिट तो लगेगा 149 का टाइम लिमिट दीक्षा 148 का नोटिस इशू करने का है तो 148 का नोटिस जो इश्यू करेंगे 148 का जो नोटिस इशू करेंगे 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए 149 का टाइम लिमिट है तो 148 तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना 148 तो फॉलो करना ही पड़ेगा 148 ए फॉलो करने की जरूरत नहीं है तो आप दिमाग में ऐसा डाल दीजिए ना कि 148 जो है 148 जो है वो 148 तो फॉलो करना ही पड़ेगा 148 फोर्टी ए फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर सर्च हुआ था तो या तो आपके केस में सर्च हुआ था या फिर क्या होता है किसी और के केस में सर्च हुआ था बट वहां से कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अट ऐसी मिली जो आपको बिलोंग्स करती है आपको पर्टेन्स करती है तो आपका जो एओ है वो देखेगा अपने सीआईटी पीसीआईटी से अप्रूवल लेगा और उसके डिस्कस करने के बाद सीधा आपको वन का नोटिस भेजेगा बट वन का नोटिस ऑब्वियसली वो थ्री ईयर्स और टेन ईयर्स के अंदर अंदर ही इशू हो सकता है अब एक और चीज समझना

कमीशन मिल गई मेरे केस में ऐसे कोई चिट मिल गए ठीक है ऐसे कोई चिट मिल गए कि के मेरे केस में कुछ ऐसे ब्लैक मनी वगैरह किसी और की थी तो उसकी इनकम एस्केप हो गई इसके बेसिस पे तो वो इंफॉर्मेशन तो दी जाएगी ना उसके एओ को और उसका एओ फिर है वो मजे लेना चालू कर देगा यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस चलिए अब एक और चीज समझना अब आइए आप 148 पे वापस अब आप आइए 148 पे एक बात बताइए 148 क्या बोलती थी नोटिस इश्यू करना इनकम एस्केपिंग है तो नोटिस इश्यू करना अब एक बात बताइए मैं अब लॉ को वापस से एक बार फ्रेम कर रहा हूं 148 को 148 ये बोलती थी कि भैया 147 का असेसमेंट करने से पहले एक 148 का नोटिस आपको सर्व करवाना पड़ेगा एस को बोलना पड़ेगा तो रिटर्न फाइल कर अगर उसने पहले किया है तो वापस रिटर्न फाइल करवाना पड़ेगा लेकिन इसका प्रोवाइजो ये बोलता था कि भैया 148 का नोटिस तभी इश्यू हो सकता है जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है मैंने बोला था तीन कंडीशन आप चलिए अगले पेज पे तीन कंडीशन ये वाली पहली कंडीशन पहली कंडीशन 148 के लिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इंफॉर्मेशन कौन सी या तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सजेस्ट करती है कि आपकी इनकम एस्केप हुई है जो कि फ्लैग हुई है सीबीडीटी की जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से या फिर सीएजी का फाइनल ऑब्जेक्शन है कि आपकी इनकम आपका असेसमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हुआ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दूसरी अप्रूवल लेनी पड़ेगी और तीसरा 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा बट मैंने बोला सर्च केसेस में नहीं करना पड़ेगा तो देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है इन केसेस अदर देन सर्च सर्च अगर वाला केस है तो इसमें 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है वन ए का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है अब एक और चीज समझना एक बात बताओ अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि 147 कब हो सकता है उसमें प्राइमरी कंडीशन यह है कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिकॉज विदाउट इंफॉर्मेशन अगर विदाउट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो वन फोर्टी का नोटिस इशू नहीं हो सकता और जब 148 का नोटिस इशू नहीं हो सकता तो 147 में असेसमेंट नहीं हो सकता इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लेकिन एक बात बताऊं यहां पे भी लॉ मेकर्स ने यह बोला लॉ मेकर्स ने यह बोला कि तीन केसेस ऐसे हैं तीन केसेस ऐसे हैं अब समझना दीक्षा लास्ट वाला पार्ट है इसके बाद एकदम है तीन केसेस ऐसे हैं जिसमें भले डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी यह मान लिया जाएगा कि डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है तीन केसेस ऐसे हैं समझना 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 इधर देख इधर देख इधर देख मेरी तरफ देख मेरी तरफ देख तीन केसेस ऐसे हैं जिसमें डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी यह मान लिया जाएगा कि डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है लास्ट थ्री असेसमेंट ईयर की जिस प्रीवियस ईयर में हुआ जो क्या हुआ मैं बताता हूं जिस प्रीवियस लास्ट थ्री असेसमेंट ईयर के लिए यह मान लिया जाएगा कि लास्ट थ्री असेसमेंट ईयर की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है और डिपार्टमेंट आपको 148 का नोटिस इश्यू कर सकता है देखिए

या आपके केस में रिक्वजिशन हुआ है या फिर अगर आपके केस में सर्वे हुआ है आपके केस में सर्वे यहां सर्वे को भी जोड़ रहा हूं 133 ए में सर्वे हुआ है आपके केस में तो यह मान लिया जाएगा कि पिछले तीन साल की इंफॉर्मेशन इनके पास है और पिछले तीन साल के लिए वो 148 के नोटिस इश्यू कर सकते हैं और तीसरी चीज अगर रेड किसी और के केस में हुई थी रिक्वजिशन किसी और के केस में हुआ था बट वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसी मिली है जो आपसे रिलेटेड है तो उस केस में ये मान लिया जाएगा इट इज डीम टू बी अज्यूम कि लास्ट थ्री असेसमेंट ईयर के लिए मतलब जिस प्रीवियस ईयर में सर्च हुआ सर्वे हुआ करके जिस प्रीवियस ईयर में सर्च हुआ सर्वे हुआ या किसी और के केस में सर्च हुआ रिक्विजिशन हुआ उस ये, उस प्रीवियस ईयर के लिए जो असेसमेंट ईयर है ना उस असेसमेंट ईयर से पिछले थ्री असेसमेंट ईयर के लिए इतिए मान लिया जाएगा कि डिपार्टमेंट के पास में इंफॉर्मेशन है और आपके वन के नोटिस इश्यू हो सकते हैं इन सिंपल वर्ड में ये बताऊं कि अगर आपके केस में रेड हुई ना या आपके केस में सर्वे हुआ या किसी और के केस में रेड हुई थी रेड हुई थी या रिक्वजिशन हुआ था उसमें आपकी इंफॉर्मेशन असट मिली है तो उस केस में डिपार्टमेंट के पास भले इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी आपके पिछले तीन साल के केस खुल जाएंगे मान लिया जाएगा डीम टू भी इंफॉर्मेशन है डिपार्टमेंट के पास और पिछले तीन असेसमेंट ईयर के केस खुलेंगे कौन से तीन असेसमेंट ईयर जिस अगर मैं प्रीवियस ईयर वाइज बात करूं तो जिस प्रीवियस ईयर में रेड हुई या सर्वे हुआ या जिस प्रीवियस ईयर में किसी और केस में रेड हुई उस प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले तीन प्रीवियस ईयर के लिए यह मान लिया जाएगा इनके पास इंफॉर्मेशन है और पिछले तीन साल के लिए आपको 148 के नोटिस आ जाएंगे करके पिछले तीन साल के लिए आपको 148 के नोटिस आ जाएंगे तो देखिए मैंने क्या बोला वापस से बोल रहा हूं इधर देखिए मेरे तरफ देखिए दो अलग अलग चीजों को एक बार मैं वापस से बता रहा हूं जो अभी अभी मैंने बताई पहली चीज मैं 148 ए की बात करता हूं 148 ए में एक प्रोसीजर दे रखा है कि पहले इंक्वायरी करो शोकोज नोटिस दे उसको बताओ बुलाओ करके ठीक है और बोलो कि क्यों ना तुम्हारा 148 में नोटिस इश्यू कर सके एंड ऑल वो 148 का प्रोसीजर है वो फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है दो केसेस में एक तो रेड रिक्वजेशन खुद के केस में हुआ या रेड रिक्वजेशन किसी और के केस में हुआ था इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आपके एओ के पास आई और आपका एओ सीआईटी पीसीआईटी का अप्रूवल लेके और देखता है तो उस केस में भैया वो प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं सीधा वन का नोटिस इशू हो सकता है अब एक बात बताओ वन का नोटिस इशू करने के लिए पहली चीज है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बट तीन केसेस ऐसे है जिसमें यह मान लिया जाएगा कि डीम टू बी इन्फॉर्मेशन है there are three cases in those cases it will be presumed that department is having the like deemed information aapke case mein maan liya jayega information hai kon kon se teen cases pehla agar aapke case mein raid hui hai ya requisition hua hai दूसरा अगर आपके केस में survey हुआ है लेकिन इसमें दो exception है TDS TCS वाले survey और वो शादी marriage जो function ceremony उन दो survey को छोड़ के टीडीएस टीसीएस सर्वे के केस में एज वेल टीडीएस टीसीएस सर्वे एक नॉर्मल सर्वे होता है एज वेल एज वो मैरिज फंक्शन सेरेमनी वाला सर्वे वो भी नॉर्मल सर्वे होता है उन दो सर्वे को छोड़ के अगर बाकी वाला कोई सर्वे हुआ है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सर्वे हुआ है तो उस केस में एंड तीसरा किसी और के केस में रेड हुई थी रिक्विजिशन हुई थी और वहां पे आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स असेट मिली तो उस केस में जिस प्रीवियस ईयर में ये रेड या सर्वे हुआ उस प्रीवियस ईयर के पिछले तीन प्रीवियस ईयर के लिए ये डीम्ड किया जाएगा उनके पास में इंफॉर्मेशन है और आपका वन में नोटिस सर्व हो सकता है करके ठीक है चलिए एक बात एक काम करते हैं पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर टू आ जाइए एक्सप्लेनेशन नंबर टू पे देखिए क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन नंबर टू इन्होंने बोला है देखिए पहले तो आपको ऊपर क्या बोलते हैं अगर प्रोवाइज की बात करूं तो पहला प्रोवाइज बोलता है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन होती क्या है वो आपको पॉइंट नंबर इसमें क्या एक्सप्लेनेशन नंबर वन में दे रखा है एक्सप्लेनेशन नंबर टू क्या बोलती है समझना हा एक्सप्लेनेशन नंबर टू फॉर द परपज ऑफ दिस सेक्शन वेयर अ सर्च इज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन वन थर्टी टू और और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट और सेट आर रिक्वेस्डेड अंडर सेक्शन 132 आफ्टर फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड कंडक्टेड अंडर सेक्शन वन थर्टी थ्री सर्वे आपके के केस में हुआ था बट अदर देन टीडीएस टीसीएस फंक्शन सेरेमनी इवेंट सर्वे को छोड़ के ऑन और आफ्टर फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन केस ऑफ एस एस सी एंड ये तीसरा और चौथा पॉइंट क्या बोलेगा किसी और के केस में रेड हुई थी किसी और के केस में क्या हुई थी रेड हुई थी और वहां पे जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स मिले वो आपके रिलेटेड है या जो असेट मिली वो आपको बिलोंग करती है तो उस केस में आपके केस में

immediately preceding the assessment year relevant to the previous year in which search is initiated or books of accounts or other document or assets are requisited or surveys conducted in case of assessi or money bullion jewelry or any other valuable article and things or books of accounts or document are seized or requisited in case of any other person करके ठीक है इसको इजी लैंग्वेज में हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे पॉइंट नंबर थ्री पे आ जाइए देखिए क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर थ्री पे आ जाइए In the following cases, it shall be deemed that.

इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन बिलोंग्स टू परटेन टू और इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द एस तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि भैया इंफॉर्मेशन है पिछले तीन साल की और तीन साल के लिए आपको 148 के नोटिस है वो आपको सर्व हो सकते हैं अब एक बात समझना यहां एक एग्जाम्पल दे रखा है एग्जाम्पल क्या बोलता है जैसे सर्च कंडक्टेड अंडर सेक्शन 132 ऑन 15 जुलाई 2021 इन द प्रिमाइसिस ऑफ मिस्टर बाला

तो 15 जुलाई 2021 को हुई थी तो अगर आप प्रीवियस ईयर वाइज देखेंगे तो प्रीवियस ईयर आपका 21 बाइस से पिछले तीन प्रीवियस ईयर चले जाइए 21 बाइस से पिछले तीन प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर बीस इक्कीस प्रीवियस ईयर 19 बीस एंड प्रीवियस ईयर अठारह उन्नीस और अगर असेसमेंट ईयर वाइज देखेंगे तो असेसमेंट ईयर इक्कीस बाईस असेसमेंट ईयर बीस इक्कीस एंड असेसमेंट ईयर उन्नीस बीस ये तीन साल के लिए यह मान लिया जाएगा उनके पास डीम टू बी इंफॉर्मेशन है करके तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है समझना रेस्पेक्टिव एओ मीन एओ ऑफ द गणेश एज वेल एज द एओ ऑफ बाला हैविंग इंफॉर्मेशन एंड नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशूड फॉर द लास्ट थ्री असेसमेंट ईयर दैट इज असेसमेंट ईयर 1920 असेसमेंट ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 2122 करके यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस चलिए तो यहां पर मैंने आपको वन को एकदम कंप्लीट कराया 148 को एकदम कंप्लीट कराया और 149 को एकदम कंप्लीट नहीं कराया अभी तक और तुम्हारा 150 बाकी है 150, 151 151 को कंप्लीट कराया एक काम करता हूं मैं 148 का एक बार आपको रिवाइज कराता हूं कि 147 और 148 में क्या पढ़ाया चलिए एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं और ये क्लिप आपको चाहिए तो मैं रिकॉर्डेड में अभी आपको डाल दूंगा जिससे कि आप घर पर जाके इसको जितनी बार सुनना चाहे उतनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले वन 147 क्या बोलता है अब मैं पढ़ाऊंगा वैसे जैसे सब चीजें आपकी हो गई है ठीक है अब मैं जैसे इधर कभी उधर जंप किया कभी उधर जंप किया कभी उधर जंप किया वो जरूरी था आपके दिमाग में वो कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए सिक्वेंस को बिल्ड करने के लिए तो देखिए अब 147 की बात करते हैं 147 फोर्टी सेवन इज रिलेटेड टू इनकम स्केपिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट या जिसको री ओपनिंग ऑफ केसेस बोलते हैं ये सेक्शन ये बोलते हैं कि अगर मान लो असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है कि आपकी इनकम एस्केप हो गई है किसी भी साल की तो वो उसको इनकम को असेस कर सकता है रीअसेस कर सकता है रिकम्प्यूट कर सकता है उस इनकम को अब एक बात समझना उसको अगर लेकिन उसको 148 से 153 तक की सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा अब जब वो असेसमेंट कर रहा था तब उसको पता चला कि आपकी कोई और इनकम भी उसको मिल गई तो क्या वो और इनकम को भी कंसिडर कर सकता है आंसर इज यस वो किसी और इनकम को भी कंसिडर करके और उसको जो है वो असेस रीअसेस कर सकता है उसके लिए वापस से वन या वन ए को फॉलो करने की जरूरत नहीं है अब एक बात समझना वन क्या बोलती है 148 पढ़ने से पहले मैं आपको 148 ए पढ़ाऊंगा 148 ए ये बोलती है 148 ए ये बोलती है कि जब भी एओ के पास में इंफॉर्मेशन है तो उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा अगर उसको लगता है कि इंक्वायरी करनी चाहिए तो वो इंक्वायरी करेगा बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द हायर अथॉरिटी इंक्वायरी करने के बाद वो एस को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देगा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो ये सजेस्ट करती है कि आपकी इनकम है वो एस्केप हो गई है तो आप है आपको मैं शोकोज नोटिस देता हूं कारण बताओ नोटिस देता हूं आप बताइए क्यों ना आप वन फोर्टी का प्रोसीजर डाला जाए और वन में आपको नोटिस है वो इशू किया जाए उसके लिए आपसे आपको

अगर कब तक पास करेगा तो ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट ऐसा होता है कि अगर आपने रेस्पॉन्स कर दिया तो जिस मंथ में आपने रेस्पॉन्स किया रेस्पॉन्स अंदर अंदर, नहीं किया तो रेस्पॉन्स करने का टाइम जो था वो हुआ, उस मंथ के एंड से रेस्पॉन्स का जो टाइम था वन ए का ऑर्डर आपको पास कर लेगा और वन ए का ऑर्डर देगा और वन का नोटिस आपको साथ में सर्व करवाया जाएगा अगर फिट है तो अगर फिट नहीं है तो ऑब्वियसली आपको दिया

यहां पे 148 ए के प्रोसेसर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है अब अपन चलते हैं 148 पे और 148 क्या बोलता है देखिए 148 ये बोलता है 148 ये बोलता है कि भैया 147 का असेसमेंट करने से पहले 148 का नोटिस सर्व करवाया जाएगा और 148 का नोटिस सर्व करवाया जाएगा अलोंग विद ए का ऑर्डर इफ इफ इट इज पॉसिबल इफ पॉसिबल का मतलब क्या इफ रिक्वायर्ड का मतलब क्या कि सर्च केसेस में तो 148 का आपको वो प्रोसीजर ही फॉलो नहीं करना तो ऑर्डर आएगा ही नहीं बट अदर केसेस में ए का ऑर्डर साथ में दिया जाएगा और नोटिस आपको 148 का है वो आपको सर्व करवाया जाएगा आपसे बोला जाएगा आप रिटर्न फाइल करिए आपको टाइम लिमिट दे जा, दिया जाएगा कि आप इतने दिन में अपना रिटर्न फाइल करिए उस पर्टिकुलर ईयर का क्योंकि उनके पास इनकम एस्केपिंग का इंफॉर्मेशन है वो ऑब्वियस

इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है दो इंफॉर्मेशन हो सकती है या तो सीबीटीटी की जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन फ्लैग हुई है या फिर दूसरा सीएजी का फाइनल ऑब्जेक्शन है और सीएजी के फाइनल ऑब्जेक्शन के हिसाब से जो सीएजी का फाइनल ऑब्जेक्शन है उसके हिसाब से आपका जो असेसमेंट है वो असेसमेंट प्रॉपरली नहीं बना था करके ठीक है ये दो तरह की इंफॉर्मेशन है तभी आपको 148 का नोटिस है वो इशू हो सकता है दूसरा कंडीशन हायर ऑथोरिटी अप्रूवल लिया है और तीसरी कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि भैया 148 A का प्रोसीजर फॉलो करना है रेड केसेस को छोड़ के अब एक चीज समझना यहां इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिना इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वन का नोटिस इशू नहीं हो सकता लेकिन इसके तीन एक्सेप्शन है तीन केसेस में यह माना जाएगा एओ के पास इंफॉर्मेशन है लास्ट थ्री इय लास्ट थ्री इयर्स की इंफॉर्मेशन है एओ के पास और डीम टू भी इंफॉर्मेशन मानी जाएगी और आप केस में वन फोर्टी एट का नोटिस है वो आपको इश्यू हो सकता है तीन केसेस कौन कौन से पहले केसेस में अगर एस के ऊपर रेड हुई थी या फिर कोई रिक्वजेशन हुआ था या असेसी के ऊपर सर्वे हुआ था 133A में और सर्वे कौन सा वाला छोड़ के जो शादी पार्टी फंक्शन सेरेमनी वाला और दूसरा तुम्हारा जो जो है है उसको छोड़ के, बाकी वाला आपके ऊपर क्या हुआ था? सर्वे हुआ था था या 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 फिर तीसरा रेडेशन रेड किसी और केस में मान लिया जाएगा कि भैया आपके लिए लास्ट के तीन साल की इंफॉर्मेशन है मीन जिस प्रीवियस ईयर में ये सर्च कंडक्ट हुआ था या रिक्विजिशन मेड हुआ था या फिर आपका क्या बोलते हैं सर्वे हुआ था करके ठीक है उस प्रीवियस ईयर से पिछले तीन प्रीवियस ईयर के लिए जो है वो डीम टू बी इंफॉर्मेशन मानी जाएगी और पिछले तीन प्रीवियस ईयर के लिए आपको 148 के नोटिस है वो आपको इशू हो सकते हैं करके ठीक है उसके बाद में अपन चलते हैं 148 ए के बाद में 148 के बाद 149 149 ये बोलती है कि सर एक बात बताइए सर कब तक नोटिस इशू हो सकते हैं 148 का नोटिस कब तक आ सकता है उसका कोई टाइम लिमिट तो होगा तो मैं बता दूं 148 का नोटिस इशू करने के लिए टाइम लिमिट 149 में दे रखी है 149 बोलती है कि थ्री इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर आपको 148 का नोटिस इशू हो सकता है थ्री ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर आपको वन का नोटिस इशू हो सकता है इशू करने का टाइम लिमिट है ठीक है लेकिन एक बात समझना यहां पे इन्होंने बोला कि अगर आपकी जो इनकम एस्केपिंग है वो लाइकली टू बी आपकी जो इनकम एस्केपिंग है वो इनकम एस्केपिंग लाइकली टू बी 50 लाख और मोर है तो ये टाइम लिमिट 10 इयर्स हो सकता है आपको वाप को 148 का नोटिस इशू हो सकता है 10 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर लेकिन यहां पे एक प्रोवाइजो जो है वो ये बोलता है कि अगर मान लो पुराने 149 के हिसाब से आपको नोटिस इशू नहीं हो सकता था फॉर असेसमेंट ईयर वन ट्वेंटी और अर्लियर असेसमेंट ईयर के लिए तो नए लॉ के हिसाब से आपको नोटिस है वो इशू नहीं हो सकता इसको मैंने आपको यहां पे दो एग्जाम्पल के सहयोग से मैंने आपको ये चीज समझाई करके ठीक है उसके बाद मैंने आपको एक और सेक्शन बताया दैट इज द 151 151 ये बोलता है कि आपको जो 148 का नोटिस इशू करना पड़ता है या 148 में जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है उसमें बार बार बोला हुआ है हायर ऑथोरिटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अब

अब एक बात समझना अगर उसको इनकम असेस कर रहा है और उस असेसमेंट के दौरान उसको और भी कोई इनकम मिल जाती है तो क्या उसको भी वो इंक्लूड कर सकता है आंसर इज यस वो उसको भी इंक्लूड कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में मैंने आपको बताया था 148, 148 ये बोलता है कि भैया अगर 147 का असेसमेंट करना है तो 147 का असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले 148 का एक नोटिस सर्व करवाया जाएगा लेकिन 148 फोर्टी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक 148 ए पढ़ा लेता हूं 148 ए क्या बोलता है कि भैया एक ये आपको वन का नोटिस इशू करना है ना तो उससे पहले 148 का नोटिस इशू करने से पहले एक 148 ए का प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा ये प्रोसीजर क्या है सबसे पहले वो क्या करेगा अगर उसको लगता है एओ को कुछ इंक्वायरी करनी है तो वो इंक्वायरी करेगा क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर कुछ इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी करेगा हायर अथॉरिटी की परमिशन लेके इंक्वायरी करने के बाद आपको एक प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड और आपसे बोलेगा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे पता चलता है कि आपकी इनकम एस्केप हुई है क्यों ना मैं आपको वन का नोटिस इशू करता हूँ आपको वो टाइम देगा मिनिमम सेवन डेज का मैक्सिमम थर्टी डेज का टाइम देगा और आपको बोलेगा आप इतने टाइम में रेस्पॉन्स कर लीजिए आपको उसका रेस्पॉन्स करना रहेगा अगर आप रेस्पॉन्स करते हैं या रेस्पॉन्स आप नहीं करते हैं तो क्या होगा अब एक बात समझना जो भी आप अगर करते हो तो वो क्या करेगा उसको कंसिडर करेगा और कंसिडर करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि आपका केस वन के लिए फिट है या नहीं मीन्स आपका केस वन में रीओपन होने के लिए फिट है या नहीं वो ये डिसाइड करेगा और वो ये डिसाइड करने का एक ऑर्डर पास करेगा और दैट ऑर्डर विल बी विद द हायर अथॉरिटी का

दो केसेस ऐसे हैं जिसमें उसको ये वन फोर्टी ए का सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं देर आर टू केसेज इन दो इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोसीजर गिवन अंडर सेक्शन एट ए सर कौन कौन से दो केसेज है पहला केसेस अगर आपके ऊपर सर्च हुआ था मिस हुई थी सर्च हुआ था या रिक्विजेशन हुआ था तो उस केस में भैया उसको ये प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं वो डायरेक्टली 148 का नोटिस है वो इश्यू कर सकता है और दूसरा अगर किसी और के ऊपर रेड हुई थी या रिक्विजेशन हुआ था और उसमें आपसे रिलेटेड कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स या सेट्स वगैरह मिल गई और आप

वो एओ है वो आपको सर्व करवाएगा और इसके साथ साथ में 148 A का ऑर्डर भी देगा ये 148 A का ऑर्डर देगा कुछ केसेस में देने की जरूरत नहीं जैसे रेड केसेस में जरूरत नहीं तो रेड केसेस को छोड़ के बाकी केस में आपको 148 ए का ऑर्डर भी देगा अलोंग विद द नोटिस अंडर सेक्शन 148 और आपसे बोलेगा कि आपको रिटर्न फाइल करना है यह मान लिया जाएगा आप डीम टू बी रिक्वायर्ड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन वन और आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर हमने पहले रिटर्न फाइल कर दिया तो भी क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आंसर इज यस वो आपको टाइम लिमिट देगा उतने टाइम में आपको रिटर्न फाइल करना है अंडर सेक्शन वन अब ये जो रिटर्न आप फाइल करते हो ना ये रिवाइज नहीं हो सकता बिकॉज रिटर्न कैन बी रिवाइज ओनली इफ दैट रिटर्न वॉज फाइल अंडर सेक्शन वन 391 या 139 4 में फाइल किया हुआ है वही रिवाइज होता है 148 वाला रिटर्न है वो रिवाइज नहीं होगा अब एक चीज समझना यहां पे 148 का नोटिस इशू करने से पहले एक मैंडेटरी कंडीशन यह है कि भैया उसके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिना इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो 148 में आपको नोटिस इशू नहीं कर सकता बट सर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है तो यहां पे बोला इंफॉर्मेशन मतलब दो तरह की इंफॉर्मेशन एक तो जो सीबीडीटी की जो भी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड करेगी सीबीडीटी उसके हिसाब से आपका केस फ्लैग हुआ है और उससे पता चलता है कि आपकी इनकम स्केपिंग हुई है या फिर सीएजी का फाइनल ऑब्जेक्शन आया और सीएजी ने बोला है कि आपका जो असेसमेंट हुआ था वो असेसमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ था तो उस केस में यह मान लिया जाएगा कि आपके केस में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है लेकिन एक बात समझना तीन केसेस ऐसे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है

उसके बाद मैंने यहां पे इजी लैंग्वेज में बताया था पहले लैंग्वेज में पहले मैंने यह बताया था 148 का नोटिस तभी इशू हो सकता है जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन क्या है उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दूसरी कंडीशन है वो हायर अथॉरिटी से उसने अप्रूवल लिया है और तीसरी कंडीशन यह है कि उसने वन ए का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया है उसके बाद में मैंने आपका वन ए पूरा हो गया उसके बाद में हमने पढ़ा था वन और वन हम पढ़ रहे थे वन ये बोलता है कि सर टाइम लिमिट क्या है

149 31 मार्च 2014 को होगा तो वहां से लेके और 10 इयर्स दैट इज द 31 मार्च 2024 तक नोटिस है वो इशू हो सकता है 148 का अब एक चीज समझना इसमें एक प्रोवाइजो होता है फर्स्ट प्रोवाइजो फर्स्ट प्रोवाइजो ये बोलता है कि अगर मान लो ये जो लॉ आया 10 इयर्स वाला ये तब आया फर्स्ट अप्रैल 2021 से आया उससे पहले जो लॉ था उसमें अलग था उसमें क्या होता था कि 147 में असेसमेंट करने के लिए नोटिस इशू हो सकता था मैक्म सिक्स के लिए मैक्म सिक्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर था टाइम लिमिट अब एक बात समझना है, इन्होंने टेन ईयर्स कर दिया पहले क्या था कि अगर वन लैक या उससे ज्यादा इनकम स्केपिंग है तो मैक्सिमम सिक्स इयर्स तक ही नोटिस है वो इशू हो सकते थे तो इन्होंने फिर बोला यहां पर उन्होंने ग्रैंड फादरिंग रूल दिया इन्होंने बोला कि अगर जो पुराना वन था ना उसके हिसाब से अगर आपको नोटिस इशू नहीं हो सकता था फॉर असेसमेंट या ट्वेंटी या उससे पहले ट्वेंटी

है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबसे सबसे जो बड़ी बड़ी होती होती है 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 ना उससे उससे अप्रूवल अप्रूवल लेनी पड़ेगी और पीसीसीआईटी पीसीसीआईटी या या पीडीजीआईटी पीडीजीआईटी लेना पड़ेगा लेकिन अगर उस एरिया में या नहीं या या से ले yes. तो इतना कल अपना हुआ था इसके आगे आज अपन पढ़ना चालू करेंगे चलिए 149 बाकी था बाकी तो सब हो चुका था 149 बाकी था और 149 पे आ जाइए सब लोग वापस और आपकी बुक में शायद जो पेज नंबर है that is the page number, आपका 320 और देखिए 149 149 क्या बोलता है समझने की कोशिश करना 149 बोलता है पहला पॉइंट ये बोलता है कि नोटिस आपको 148 का कब तक इशू हो सकता है पहला पॉइंट बोलता है थ्री इस फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और अगर 50 लाख या उससे ज्यादा है तो उस केस में टेन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर अब एक चीज समझना इसका फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है कि अगर पुराने वन के हिसाब से नोटिस इश्यू नहीं हो सकता तो नए 149 के हिसाब से भी आपको नोटिस इशू नहीं होगा ये फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है अब इसका सेकंड प्रोवाइजो क्या बोलता है समझने की कोशिश करना आते हैं हम सेकंड प्रोवाइजो पे देखिए सेकंड प्रोवाइजो क्या बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शन मीन किसकी बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं आपके वन फोर्टी इसकी बात कर रहे इसके प्रोवाइज की प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसे मतलब यहां पर होता है आपका वन फोर्टी सबसेक्शन वन जो थ्री इय टेन ईयर वगैरह शेल नॉट अप्लाई इन अ केस प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रोविजन ऑफ दिस सबसे नोटिस अंडर सेक्शन थ्री ए यान फिफ्टी थ्री सी रीड विदेशन थ्री एज रिक्वाय टू बीड इन रिलेशन टू सर्च इनिशियर सेक्शन टू और बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट और एनी अट रिक्विजेड अंडर सेक्शन टू एन और बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो इन्होंने बोला कि भैया यहां पर जो दे रखा है ना इस पर्टिकुलर सबसे क्या भैया थ्री ईयर्स टेन ईयर्स वगैरह वो लगेगा ही नहीं अगर रेड जो हुई थी जो सर्च हुआ था वो सर्च थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार इक्कीस या उससे पहले हुआ था क्योंकि मैंने आपको बताया ये सेक्शन ही जो लग रही है ना ये जो सेक्शन है ये सेक्शन ही लग रही है फर्स्ट अप्रैल 2021 से और एक बात बताऊं अगर रेड पहले होती थी ना 132 में जब रेड होती थी या 132 में रिक्वजिशन होता था तो उसका असेसमेंट 153 ए में होता है या फिर 153 सी में होता है तो वहां पे असेसमेंट होता था अभी ये सेक्शन तो रही नहीं तो बड़ी सिंपल सी बात है इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है ये कि अगर जो रेड है वो रेड ऑलरेडी पहले हो चुकी है दो अप्रैल 2021 से पहले रेड हो चुकी है तो उसके लिए जो पुराने प्रोविजन थे 153 ए के सी के लगेंगे और वो केस यहां पर नहीं आएगा वो वन में नहीं आएगा यू कैन से दैट द उनका यह क्लेरिफिकेशन है यहां पे नॉट मोर इंपोर्टेंट चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इडेड ऑल्सो दैट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज पर दिस सेक्शन पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज पर दिस सेक्शन मीन जो टाइम लिमिट जो तीन साल का टाइम लिमिट है और दस साल का टाइम लिमिट है उसके लिए क्या बोल रहेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज पर दिस सेक्शन द टाइम और एक्सटेंडेड टाइम अलाउड टू द एस एस सी एज पर शोकोज नोटिस इशूड अंडर क्लॉज नंबर बी ऑफ सेक्शन वन फोर्टी एट ए पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसेडिंग अंडर सेक्शन वन स्टेड बाय एन ऑर्डर और, और इंजक्शन ऑफ एनी कोर्ट शैल बी एक्सक्लूडेड बड़ा सिंपल प्रोवाइज़ो बोला ये बोला कि भैया एक बात बताइए यहां पे आपको बोला कि नोटिस कब तक आपको इश्यू हो सकता है जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए जैसे फॉर एन एग्जाम्पल्पल लेता हूं इधर देखिए मेरे असमेंट ईयर मान लो ट्वेल्व थर्टीन का इनकम स्केपिंग हुआ था तो जो टेन ईयर्स का टाइम है वो टेन ईयर्स का टाइम कहां पे कंप्लीट होगा थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार तेवीस है अगर इस साल का इनकम स्कैपिंग है वो फिफ्टी लाख रुपए और मोर है तो टेन ईयर्स का टाइम कहां ताँग कंप्लीट होता है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अब एक बात समझना ये जो टाइम है ना टाइम लिमिट ये रहेगा नोटिस इश्यू करने का वन फोर्टी एट का लेकिन इसमें जितना टाइम शोकोज नोटिस इश्यू किया था वन फोर्टी एट ए का तो 148 ए में आपको पता है शोकोज नोटिस इशू करते थे वो प्रोसीजर फॉलो करता था एओ तो जो वो प्रोसीजर फॉलो किया उसने और जो शोकोज नोटिस इशू किया उसमें जितना जितना टाइम टाइम उसने उसने दिया था आपको जितना क्योंकि सेवन डेज से लेके और आपको थर्टी डेज तक दे सकता है और उसके बाद एक्सटेंडेड टाइम भी दे सकता है तो जितना टाइम आपको दिया था उतना इसमें आपको एड करना है इतना उसमें आपको क्या करना है एड करना है करके ठीक है उतना आपको एड करना है एज वेल एज क्या हुआ अगर मान लो कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर आ गया कोर्ट का हो सकता है 148A का आपको साथ में ऐसा कर रहे कोर्ट में चले गए कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया असेसमेंट को अभी थोड़ी देर के लिए आप स्टे कर दोगे थोड़ी देर के लिए आप इस पर रोक लगाते हो इस पर कुछ नहीं कर सकते मान लो कोर्ट ने स्टे दे दिया रोक दे दी तो जितना टाइम वो स्टे में खराब हुआ है या जितना टाइम यहां पे 148 ए में खराब हुआ है उतना यहां पे नोटिस इश्यू करने का जो टाइम लिमिट होता है ना थ्री इयर्स या टेन इयर्स का उसमें ये ऐड हो जाएगा जो थ्री इयर्स टेन इयर्स का टाइम लिमिट होता है 148 का नोटिस इश्यू करने का उसमें ये ऐड हो जाएगा डोंट वरी अबाउट दैट मैंने एग्जाम्पल से हर चीज आपको समझाई हुई है टेंशन बिल्कुल ना लीजिए करके ठीक है एक बार अपन वापस पढ़ेंगे इस प्रोवाइजो को देखिए क्या लिखा हुआ है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज पर दिस सेक्शन मीन सेक्शन वन फोर्टी का टाइम लिमिट क्री ईयर एंड टेन ईयर वो वाला द टाइम और एक्सटेंडेड टाइम अलाउड टू द एस एस सी एज पर शोकोज नोटिस इशूड अंडर क्लॉज नंबर बी ऑफ सेक्शन वन फोर्टी एट ए में जो वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसमें आपको शोकोज नोटिस देते हैं सात दिन से तीस दिन का टाइम देते हैं उसमें

मीन्स आपका जो 148 का टाइम लिमिट है वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा फॉलोइंग टाइम से किस किस टाइम से पहला टाइम और एक्सटेंडेड टाइम अलाउड टू एस टू फाइल रेस्पॉन्स ऑफ शोकोज नोटिस अंडर सेक्शन 148 ए इसको चेंज करिए 148 ए लिखिए इसको आप लिखिए 148 ए मीन्स 148 ए का जो शोकोज नोटिस का रिप्लाई करने के लिए आपको जो टाइम दिया था वो टाइम एंड टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन ए इज स्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट कोर्ट अगर court ने कोई स्टे ऑर्डर दे दिया तो उसकी वजह से जितना टाइम खराब हुआ उस टाइम को आपको एक्सटेंड करने को मिलेगा मिस एओ को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा नोटिस इशू करने के लिए आप एक काम करिए सीधा एग्जाम्पल नंबर वन पे आइए पहले एग्जाम्पल नंबर वन पे आइए और देखिए क्या लिखा हुआ है फॉर असेसमेंट इटीन नाइनटीन सपोज इन्फॉर्मेशन इनकम ऑफ ट्वेंटी आप मुझे बताइए देखिए है, assessment year है, तो तो के लिए 20 lakh का आपका तीन तो साल तक टाइम लिमिट इज फॉर थ्री इीन थ्री तक नोटिस इश्यू हो सकता है थ्री इयर्स फ्रॉम द एंड रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तो ये असेसमेंट ईयर 1819 का एंड होगा 31 मार्च 2019 और यहां से लेके अगर आप तीन साल काउंट करेंगे तो आपका तीन साल होगा 31 मार्च 2019 से 20 21 और 22 कैन आई से दैट 31 मार्च 2022 31 मार्च 2022 रहेगा अब एक बात समझना हुआ क्या सो so, एओ हुआ क्या एओ इशूड द शो नोटिस अंडर सेक्शन 148 ए ऑन द 10 मार्च 2022 को एओ ने एसएससी को शो नोटिस इशू कर दिया टू फाइल द रिस्पांस टिल 5th अप्रैल 2022 एसएससी को बोला क्या आप एक काम करिए पांच अप्रैल 2022 तक आप अपना रेस्पॉन्स दीजिए वन फोर्टी एट ए के नोटिस के रेस्पॉन्स में The on 28 मार्च 2022 किया है लेकिन जो टाइम एक्सटेंड होगा मीन ए को जो टाइम मिलेगा वो टाइम पांच अप्रैल दो हजार बाईस तक मिलेगा क्योंकि लॉका लैंग्वेज क्या बोलता है पता टाइम और एक्सटेंडेड टाइम अलाउड टू एस एस सी टू फाइल द रेस्पॉन्स स एस एस सी को कितना टाइम आपने अलाउ किया है उतना आप एड करिए आगे करके ठीक है तो यहां पर एक बात बताइए एस एस सी को टेन मार्च को भेजा था और 10 मार्च से लेके 10 मार्च से लेके और फिफ्थ अप्रैल तक बोला था कि भैया तू फाइल कर दे करके ठीक है फिफ्थ अप्रैल तक बोला था कि तू फाइल कर दे तो उस केस में क्या होगा कि भैया 10 मार्च 2022 से लेके 10 मार्च 2022 से लेके और फिफ्थ अप्रैल 2022 तक जितने दिन खराब हुए हैं उतने दिन है वो आगे एड होंगे अब एक बात बताइए इसमें सबसे पहले तो एओ क्या करेगा जैसे ही आपने रेस्पॉन्स फाइल किया ये रेस्पॉन्स 28 मार्च 2022 को फाइल किया तो 28 मार्च 2022 को फाइल किया तो क्या होता है जैसे ही आप रेस्पॉन्स फाइल करते हो उस मंथ के एंड से एक महीने के अंदर अंदर वो वन फोर्टी ए का ऑर्डर बनाता है जिस मंथ में आप रेस्पॉन्स फाइल करते हो उस मंथ के एंड से एक महीने के अंदर अंदर वो क्या बनाएगा 148 ए का ऑर्डर बनाएगा तो आपने रेस्पॉन्स फाइल कब किया 28 अगस्त सॉरी 28 मार्च 2022 को किया तो ये मंथ एंड होगा 31 मार्च 2022 और यहां से एक महीना में 30 अप्रैल 2022 तक तो वो क्या बनाएगा रेस्पॉन्स आपने जो फाइल किया था उस मंथ के एंड से एक महीने के अंदर अंदर वो वन ए का ऑर्डर बनाएगा अब एक बात बताइए वो 148 ए का जो ऑर्डर बनाएगा और उसके साथ साथ में उसको क्या 148 का नोटिस भी इश्यू करना पड़ेगा अब वो 148 का नोटिस कब तक इश्यू कर सकता है तो देखिए सबसे पहला इन दिस केस एओ हैज टू पास द ऑर्डर अंडर सेक्शन 148 ए अप टू थाउजेंड अप्रैल 2022 कोई प्रॉब्लम नहीं टाइम लिमिट टू इश्यू नोटिसक्शन एट बी थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार दो हजार बाईस लेकिन जितने दिन उसने अलाउ किए थे उसका रेस्पॉन्स करने के लिए उतने एड कर लीजिए तो आप काउंट करना चालू करिए दस मार्च से दस मार्च से टाइम खराब हुआ पांच अप्रैल तक तो इसको आप एड करिए कितने दिन होते हैं तो अगर आप दस मार्च से काउंट करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए मार्च के 31 में से 9 दिन हटा दीजिए मार्च के अगर आप 31 में से 9 दिन को हटा देते तो तो 22 दिन तो मार्च के हो गए और पांच दिन आपके हो गए किसके अप्रैल के तो मैं बताऊं 22 और पांच कितना होता है 27 दिन 27 सेवन डेजेंटी सेवन डेज है वो खराब हुआ है तो 27 सेवन डेज एक्स्ट्रा मिलेगा एओ को नोटिस इश्यू करने के लिए अंडर सेक्शन वन का तो देखिए क्या लिखा हुआ है टाइम लिमिट टू इशू द नोटिस अंडर सेक्शन 148 फोर्टी एट शैल बी द थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी सेवन डेज दैट इज ट्वेंटी अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो देखिए इसने क्या किया होगा यहां पर तीस अप्रैल को 30 अप्रैल तक उसने क्या बनाना है उसको वो ऑर्डर बनाना है 148 ए का और भैया 27 अप्रैल तक ही वो क्या कर सकता है नोटिस इशू कर सकता है तो ये ऑर्डर भी 30 अप्रैल की जगह 27 अप्रैल तक बना देगा और 27 अप्रैल को ऑर्डर बना के और नोटिस इन दोनों को वो इशू कर देगा मींस इस डेट तक उसको वन का नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट मिलेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस सिंस नोटिस अंडर सेक्शन वन

अरे बोलो ये आपको समझ में आया या नहीं आया एग्जाम्पल नंबर वन आपको समझ में आया या नहीं आया अगर आया हो तो बोल दो यस yes, सर आया समझ में एग्जाम्पल नंबर वन अगर आपको समझ में आ गया हो तो बता दीजिए कि यस सर समझ में आया अगर आ गया हो तो बोलिए यस सर आया समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो बड़ा सिंपल है देखिए ये मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं मैंने आपको क्या बताया तो यहां पे मैंने पॉइंट नंबर फाइव के फॉर्मेट में दे रखा है

उसको शोकोज नोटिस इशू किया वहां से लेके और जब उसने अलाउ किया कि भैया इस डेट तक हमको क्या कर दे इस डेट तक हमको उसका शोकोज नोटिस का रिप्लाई कर रेस्पॉन्स करने का टाइम दे तो जिस दिन अलाउ किया था उस दिन से लेके बोलेगा कि जिस दिन हम उसने अलाउ किया उतना जो टाइम है उतना टाइम आप ऐड कर लीजिए या फिर वन ए का जो प्रोसीजर चल रहा था उसमें कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर आ गया और स्टे की वजह से जितना टाइम खराब हुआ उतना आपको एड करने का मौका मिलेगा मिस एओ इतना एक्स्ट्रा टाइम पाएगा वन का नोटिस इशू करने के लिए 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए यू गॉट माइ पॉइंट ऑफ नॉट यस अब एक और चीज समझना उसके बाद एक और प्रोवाइजो है वापस चलते हैं उस प्रोवाइजो पे। देखिए तो आपका पहला प्रोवाइजो जो था वो तो वही वाला था कि भाई आपको लाइक ग्रैंड फादरिंग लगेगा मीनस पुराने में नोटिस इशू नहीं हो सकता तो नहीं के हिसाब से नहीं हो सकता दूसरा बोलता है कि रेड अगर मार्च या उससे पहले हुई है तो नॉर्मल पुराने के हिसाब से असेसमेंट होंगे इसमें सेवन में नहीं होगा तीसरा क्या बोलता है कि ए में जितना शोकोज नोटिस इशू करते हैं उसमें जितना टाइम खराब होता है और जितना स्टे ऑर्डर में जितना टाइम खराब होता है कोर्ट का स्टे आया उसमें जितना टाइम खराब हुआ तो वो टाइम एओ को एक्स्ट्रा मिलेगा वन का नोटिस इशू करने के लिए जो टाइम लिमिट होता है ना थ्री ईयर्स या टेन ईयर्स वो कैलकुलेट करने के लिए उसके बाद अपन आगे चलते एक और प्रोवाइजो देखिए ये क्या बोलता है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एक और प्रोवाइजो ऑल्सो दैट वेयर इमीडिएटली आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ द पीरियड रेफर्ड टू इन द इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रोवाइजो मिस जो ये ऊपर वाले प्रोवाइजो में शोकोज में जितना टाइम था और जितना स्टे ऑर्डर में टाइम था वो अलग करने के बाद वो एक्सक्लूड करने के बाद वो आपने एड कर दिया आगे उसके बाद पीरियड ऑफ लिमिटेशन अवेलेबल टू द असेसिंग ऑफिसर फॉर पासिंग एन ऑर्डर अंडर क्लॉज डी ऑफ सेक्शन वन फोर्टी एट ए मीन्स जो असेसिंग ऑफिसर को यह ऊपर जो टाइम दे रखा था वो एक्सक्लूड करने के बाद अगर असेसिंग ऑफिसर को जो वन फोर्टी एट ए का जो ऑर्डर पास करना पड़ता है वो ऑर्डर पास करने के लिए अगर एओ के पास लेस देन सेवन डेज है तो उस केस में सच रिमेनिंग पीरियड शेल बी एक्सटेंडेड टू द सेवन डेज एंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर दिस बी बी टू एक्सटेंडेड अकॉर्डिंगली देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है समझेगा डोंट वरी अबाउट दैट इन्होंने बोला कि अगर मान लो कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया या फिर शोकोज नोटिस दिया था उसके बाद वो सब एक्सक्लूड कर दिया उसके बाद भी वो आप छोड़िए थोड़ी देर के लिए अगर एओ को जो टाइम मिलता है ना पता है वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट क्या होता है कि जिस मंथ में आप रेस्पॉन्स करते हो उस मंथ के एंड से एक महीने के अंदर अंदर या रिस्पॉन्स नहीं किया तो जितना टाइम अलाउ किया था उस मंथ के एंड अलाउ किया था वो एक्सपायर हो रहा है उस मंथ के एंड से एक महीने के अंदर अंदर वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर है वो पास करना पड़ता है मान लो एओ के पास वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर पास करने के लिए टाइम ही नहीं है तो एओ को सेवन डेज दिया जाएगा वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर पास करने के लिए टाइम सेवन डेज दिया जाएगा वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर पास करने के लिए टाइम और वो जो सेवन डेज है उससे आपका वन फोर्टी एट का नोटिस इश्यू करने का टाइम लिमिट है वो भी बढ़ जाएगा डोंट वरी एग्जाम्पल से समझते हैं। आ जाइए सब लोग ये एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा आ जाइए पहले आप एक काम करिए पॉइंट नंबर सिक्स को रीड करते हैं देखिए क्या लिखा हुआ है देखिए क्या लिखा हुआ पॉइंट नंबर सिक्स को बड़ा इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है फ एओ इज हैविंग लेस देन सेवन डेज टू पास द ऑर्डर अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट ए जो वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर है वो पास करने के लिए ए के पास सात दिन से कम है देन ए विल गेट द टाइम ऑफ सेवन डेज टू द पास ऑर्डर अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट ए

आ जाइए सब लोग एग्जाम्पल नंबर टू पे बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है इजीली समझ जाओगे आप डोंट वरी देखिए सबसे पहला ध्यान देना इसमें घूमना मत ध्यान देना आप देखिए फॉर असेसमेंट ईयर एटीन नाइनटीन एओ गॉट इन्फॉर्मेशन दैट इनकम ऑफ रुपीज ट्वेंटी लैक एस्केप्ड फ्रॉम असेसमेंट तो बड़ा सिंपल है मैं नीचे ड्रॉ भी करते जाऊंगा देखिए आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है एटीन तो असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए आपको नोटिस कब तक इश्यू हो सकता है 148 का तीन साल तो आपका 31 मार्च 2022 तक हो सकता है अब देखिए होता क्या आगे आगे एओ इशूड द शोकोज नोटिस अंडर सेक्शन 148 फोर्टी ऑन 10 मार्च 2022 को उसने शोकोज नोटिस इशू कर दिया टू द एस टू फाइल द रेस्पॉन्स टिल फिफ्थ अप्रैल 2022 तो उसने 27 दिन का टाइम दिया मीन्स दस मार्च 2022 को इशू किया और बोला पांच अप्रैल 2022 तक तू अपना शोकोज नोटिस है उसका रिप्लाई कर दे अपना रेस्पॉन्स दे दे तो एक तो एक ये दिन का इसको टाइम दिया अब आप समझना वर्ड्स ध्यान देना दीक्षा इधर देखना फाइल द दे रिट पेटिशन। असेस्सी जो है वो सीधा रिट फाइल कर दिया कहा हाईकोर्ट हाँ में अगेंस्ट द नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी उसने रिट फाइल कर दिया और सीधा चला गया हाईकोर्ट में ऑन सिक्स अप्रैल 2022 को वो हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने स्टे दिया स्टेट द प्रोसिडिंग अंडर सेक्शन एट ए ऑन सिक्स अप्रैल दो हजार बाईस एंड सच स्टे इज वेकेटेड ऑन सेवनटीन जून दो हजार बाईस अब आप एक बात बताइए यहां पर हुआ क्या कि एक तो उसको दिया 27 दिन का टाइम कि भैया 27 दिन में तू इसका रेस्पॉन्स कर सो कोच नोटिस का वन फोर्टी एट ए का वो सत्ताईस दिन के बाद वो चला गया कहा हाईकोर्ट और हाईकोर्ट जब गया तो हाईकोर्ट ने क्या किया उस पर स्टे दे दिया जो वन ए का प्रोसीडिंग चल रहा था उस पर स्टे दे दिया हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और हाईकोर्ट ने रोक रोक लगाई वो छह अप्रैल 2022 से लगाई और हाईकोर्ट का स्टे जो वेकेटेड हुआ हाईकोर्ट ने जो रोक हटा दी वो हटाई सत्रह जून दो को हटाई तो मैं बताऊं यहां कितना टाइम खराब हुआ पहले तो मैं टाइम खराब की बात करता हूं ठीक है एक तो आप बताइए जो उसको शोकोज नोटिस में टाइम अलाउ किया था वो कितना था ट्वेंटी डेज था शोकोज नोटिस में टाइम अलाउ किया था 27 तो 27 डेज तो सॉरी दो अप्रैल 2022 तक डेज खराब हुआ।, हुआ तो स्टे कब से दिया छह अप्रैल दो से दिया और सत्रह जून दो को वेकेट हो रहा है स्टे ग्रेंटेड ऑन द सिक्स अप्रैल 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड स्टेजेड ऑन सेवनटीन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मुझे एक बात बताइए मुझे यहां पे कितना टाइम खराब हो रहा है तो मैं बताऊं अप्रैल का आप फाइव डेज छोड़ दीजिए तो ट्वेंटी तो फाइव डेज अप्रैल के ले लू ट्वेंटी फाइव डेज अप्रैल के क्योंकि सिक्स को इन्होंने स्टे दिया था तो सिक्स से टाइम खराब होगा सिक्स अप्रैल से तो सिक्स अप्रैल से लेके और आपका सेवनटीन जून तक तो आपके अप्रैल के आगे ट्वेंटी फाइव डेज उसके बाद में आपके मे के टोटल थर्टी वन डेज एंड जून के आपके टोटल 17 डेज सो कैन आई से टोटल कम्स टू द सेवन थ्री डेज ओंकार टोटल कम्स टू द 73 थ्री डेज तो मैं बताऊं होने नाइनटी नाइन कैसे आगे दीक्षा सेवेंटी थ्री डेज प्लस ट्वेंटी सेवन डेज तो ये आते हैं आपके हंड्रेड डेज आई थिंक राइट टोटल हंड्रेड डेज होंगे हाँ, टोटल जो है 73 थ्री एंड ट्वेंटी सेवन सेवेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी सेवन इट्स कम्स टू द हंड्रेड डेज ना तो मैं बोलू हंड्रेड डेज है वो एक्सटेंड हो गए अब एक बात बताइए मुझे हंड्रेड डेज एक्सटेंड हो गए अब एक बात बताइए अब आप सिंपल सी चीज समझिए अब आप एक चीज समझना दीक्षा एक चीज को समझना हंड्रेड डेज खराब हुए तो उतने एक तो एओ को एक्स्ट्रा मिलेंगे वन फोर्टी एट का नोटिस इशू करने के लिए 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए उसको 100 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे अब एक और चीज समझना यहां दिक्कत यह आती है कि सर एक बात बताइए 148 ए का ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट क्या था आप मुझे बताइए 148 का ए का जो ऑर्डर पास करते थे वो ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट क्या था कि या तो आप रेस्पॉन्स जिस मंथ में करोगे उस मंथ के एंड से वन मंथ या अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो जिस मंथ में आपको रेस्पॉन्स करने का टाइम एक्सपायर हो जाता है उस मंथ के एंड से वन मंथ सही बोल रहा हूं मैं मैं क्या बोल रहा हूं एक बात बताइए वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट क्या होता है तो मैं बताऊं वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट होता है अगर आपने रेस्पॉन्स किया तो जिस मंथ में आप रेस्पॉन्स करोगे उस मंथ के एंड वन मंथ और अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करते हो तो जिस मंथ में रेस्पॉन्स करने का टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाता है उस मंथ के एंड से वन मंथ एक बात बता मुझे यहां पे क्या दिव्य इस एग्जाम्पल में क्या उसने एस एस सी ने रेस्पॉन्स किया, किया ही नहीं था एसएससी ने रेस्पॉन्स तो एसएससी तो सीधा रिट फाइल किया था हाईकोर्ट में एसएससी तो हाईकोर्ट चला गया था तो एसएससी ने रेस्पॉन्स तो फाइल ही नहीं किया था एसएससी ने रेस्पॉन्स फाइल नहीं किया था अब एसएससी ने रेस्पॉन्स फाइल नहीं किया तो मुझे बता एस को टाइम लिमिट कितना दे रखा था पांच अप्रैल 2022 तक का पांच अप्रैल 2022 तक का टाइम दे रखा था पांच अप्रैल 2022 को उसने तो रेस्पॉन्स किया नहीं तो ये अप्रैल मंथ का एंड जब आएगा दैट इज आपका थर्टी अप्रैल 2022 और यहां से अगर आप एक महीना लोगे तो थर्टी फर्स्ट मे दो तक उसको वन ए का ऑर्डर पास करना पड़ेगा भाई मैं सही बोल रहा हूं थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक उसको वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर पास करना पड़ेगा हां लेकिन मुझे एक बात बता ये तो टाइम ऑलरेडी जा चुका है क्योंकि कोर्ट का स्टे आ चुका था कोर्ट का स्टे आ, आ चुका था और कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था कोर्ट ने बोल दिया था स्टे लगा दिया था कि जब तक हम ना बोलेंगे तुम इस केस को नहीं छेड़ोगे तो अब कोर्ट का स्टे आ गया था तो ये थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो टाइम चला गया है थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू जो है ये टाइम तो चला गया है तो अब एक बात बताइए मैं बताऊं एओ के लिए ए का ऑर्डर पास करने के लिए टाइम लिमिट ही नहीं है बिकॉज यहां कोर्ट ने स्टे विकेट कब किया है सेवनटीन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को और इससे पहले ऑलरेडी उसके लिए जो थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक जो टाइम था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है टाइम लिमिट टू पास दर अंडर सेक्शन एट ए तो यहां लॉ मेकर बोलते हैं कि हम एओ को सेवन डेज देंगे हम एओ को सेवन डेज देंगे हम एओ को सेवन डेज देंगे कि सेवन डेज जैसे ही ये स्टे विकेट हो गया सेवनटीन जून को तो सेवनटीन जून को आप छोड़ दीजिए एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर आप एक काम करिए ट्वेंटी फोर जो डेट है इसमें आपको सेवन डेज मिलेगा और ट्वेंटी फोर जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक आप एक काम करिए वन फोर्टी एट ए का ऑर्डर पास करिए 148 ए का ऑर्डर पास करिए अब एक बात बताइए यहां सेवन डेज का टाइम दिया है एक्स्ट्रा तो ये सेवन डेज जो है ये यह यहां पे भी जुड़ जाएगा और बेटा 148 एक 148 का जो नोटिस इशू करेंगे नहीं, 148 148 नहीं का जो नोटिस इशू करेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है उसके लिए आपको एक दिन है वो एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट आपको समझा या नहीं समझा आपको समझा या नहीं समझा चलिए आपको समझा या नहीं समझा मुझे बता दीजिए क्या सर समझा तो ठीक है नहीं समझा तो एक बार और ट्राई कर लेंगे क्या फर्क पड़ता है एक बार और ट्राई कर लेंगे क्या फर्क पड़ता है आपको समझा या नहीं समझा समझा चलिए एक बार मैं वापस ट्राई कर लेता हूँ ठीक है नहीं समझाओ तो एक बार मैं वापस ट्राई करता हूँ इस एग्जाम्पल को ढंग से पढ़ेंगे ना तो एकदम समझ में आ जाएगा करके ठीक है इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉ बनाया है करके कहीं कहीं पर ऐसा है करके ठीक है इतना कॉम्प्लिकेटेड बट डोंट वरी अबाउट दैट दिस लेक्चर विल भी अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो जो आपको मैं अभी आप पढ़ा रहा हूँ आज कल जो पढ़ाया था दिस लेक्चर विल भी अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ द अमेंडमेंट्स करके ठीक है तो आप कभी भी इन फ्यूचर में चाहो तो आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है करके ठीक है हाँ एक काम करते हैं एक बार वापस से अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है देखिए देखो बड़ा सिंपल है देखो 148 का नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट क्या थ्री द ईयर और टेन ईयर फ्रॉम लेकिन एक समझना, जो या, का है, उसमें और मिलेगा कौन कौन सा इशू तो किया था ना उसमें जितना एओ ने एस को टाइम दिया था रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए जितना टाइम दिया था उतने से एड करो और दूसरा अगर वन ए की प्रोसीडिंग कोर्ट का स्टे आ गया तो स्टे में जितना टाइम खराब हुआ स्टे में जितना टाइम खराब हुआ वो स्टे वाला टाइम है वो भी आपका एड हो जाएगा जितना स्टे में जितना टाइम खराब हुआ स्टे जिस दिन दिया और जिस दिन स्टे वेकेटेड हो गया वो टाइम और खराब हो गया वो भी आपको 148 का नोटिस इश्यू करने में ऐड हो जाएगा अब यहां पे लॉ मेकर में ये बोलते हैं कि 148 ए का जो ऑर्डर पास करना होता है ना वो ऑर्डर पास करने के बाद ऑर्डर पास करने के लिए जो ये ऊपर टाइम दे रखा था वो तो एड हो गई होगा वन के लिए लेकिन 148 फोर्टी ए का ऑर्डर पास करने के लिए अगर एओ के पास टाइम नहीं है अवेलेबल में सात दिन से कम है या नहीं है तो उस केस में एओ को मिनिमम सेवन डेज का टाइम दिया जाएगा 148 ए का ऑर्डर पास करने के लिए और अगर एओ को जितना टाइम यहां दे रहे हैं 148 ए का ऑर्डर पास करने के लिए उतना ही टाइम जो है वो 148 का नोटिस इशू करने के लिए जो टाइम होता है उसमें हम ऐड कर लेंगे यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस चलिए तो इस एग्जाम्पल को अब आप पढ़िए बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है आपको ईजिल समझ में आ जाएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन आप लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए इस एग्जाम्पल से आपको हर चीज समझ में आ जाए तो देखिए क्या हुआ इस एग्जाम्पल में पे अटेंशन फॉर असेसमेंट ईयर नाइनटीन

तो यहां पे एक तो 73 डेज खराब हुआ एक 27 डेज खराब हुआ तो 100 डेज तो ये खराब हुआ एक तो आपने टाइम जितना दिया था और एक स्टेज जितना दिया तो वो टाइम दोनों खराब हुआ आपने यहां पे ऐड कर लिया अब एक चीज समझना हुआ क्या

एंड फोर ट्वेंटी फोर्थ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक वो क्या करेगा ऑर्डर पास करेगा वन फोर्टी एट ए का एंड नोटिस इश्यू करने के लिए जो टाइम लिमिट होगा उसमें भी वो सेवन डेज एड हो जाएगा तो देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन नाउ टाइम लिमिट टू पास ऑर्डर अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट ए इज वन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टाइम अलाउड टू फाइल रेस्पॉन्स दैट इज शो कोज नोटिस इज ऑलरेडी एक्सपायर ऑन थर्टी फर्स्ट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सिंस दिस टाइम लिमिट इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड सो ए विल गेट द सेवन डेज फ्राम सेवनटीन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टू पास द ऑर्डर अंडर सेक्शन एट ए वन फोर्टी एट ए दट इज ट्वेंटी फोर्थ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तक वो क्या करेगा अपना ऑर्डर पास कर लेगा उसके बाद में नाउ टाइम लिमिट टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट वो आपका थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बाईस था एक तो उसमें ट्वेंटी सेवन डेज है वो फाइल शोकोज नोटिस का जो रेस्पॉन्स फाइल करने का टाइम था वो ऐड होगा उसके बाद 73 डेज जो स्टे पीरियड था वो ऐड होगा और उसके बाद सेवन डेज जो टाइम अलाउड टू पास 148 है वो ऐड होगा तो 31 मार्च 2022 में आप 107 दिन जोड़ देंगे तो आपके पास 16 जुलाई 2022 आएगा तो 16 जुलाई 2022 तक क्या करेगा एओ जो है वो वन का नोटिस है वो आपको इश्यू करेगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट आपको समझा कि नहीं समझा समझा चलिए अब एक और चीज समझिए इतना समझा तो एक और चीज़ समझिए करके ठीक है अब एक काम करते हैं और बाकी क्या बचा तो आप अगर यहाँ पे देखते हैं कि आपके जो भी 149 वाली सेक्शन है 149 की सेक्शन पूरी होगी एक एक्सप्लेनेशन बचा है एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि आपकी इनकम स्केपिंग देखिए 50 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए तो 10 साल का टाइम मिलेगा अदरवाइज 10 साल का टाइम नहीं मिलेगा अब यह पचास लाख या उससे ज़्यादा आपकी इनकम एस्केपिंग होनी चाहिए और वो इनकम एस्केपिंग असेट के फॉर्म में होनी चाहिए तो यहां पे इन्होंने क्या देखा है फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज नंबर बी दिस मतलब होता है यहां इंक्लूसिव डेफिनेशन है देखो जहां पे भी इंक्लूड लिखा हुआ है ना उसका मतलब क्या होता है ये तो है ही है इसके बाहर और भी असेट आ सकती है

थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए अपन चलते हैं सीधा पॉइंट नंबर सेवन पे एक बार आइए सेवन क्या बोलता है देखिए नोटिस अंडर सेक्शन 148 कैन बी इशूड बियॉन्ड थ्री इयर्स ओनली इफ द इनकम एस्केपिंग फॉर रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इज 50 लाख रुपीज और मोर एंड इट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द इन द रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द असेट यहां एफ होना चाहिए फॉर्म ऑफ द असेट As per explanation, asset shall include immovable property, being land building or both share and security, loan and advances deposit in the bank account. Since asset definition is न से दैट इवन इनकम एस्केपिंग इन एनी अर फॉर्म ऑफ असैट कैन ऑल्सो भी असैस और रीअसेस इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन अब एक और चीज समझना अगर अपन यहां पर ऊपर चलते हैं तो मैंने दो पॉइंट छोड़ दिए थे पॉइंट नंबर थ्री है वो पहले अपन डिस्कस करते हैं नंबर थ्री से पहले अपन एक काम करते हैं पॉइंट नंबर फोर क्या बोलता है कि एज पर द सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन वन फोर्टी रिक्विजिशन मेड बिफोर वन फो टू थाउंड ट्वेंटी असेमेंट शेल बी गवर्न बाय दिन थ्री ए एंड नॉट बायी सेवन

और मैंने फिर आपको समझाया कि पुराने लॉ में जो टाइम लिमिट था ना 147 का 148 का नोटिस इश्यू करने के लिए वो सिक्स ईयर का था लेकिन गाइज वो सिक्स ईयर का जो टाइम लिमिट था ना वो इनकम एस्केपिंग केसेस में था बिकॉज पहले जो ये 149 सेक्शन लगती थी ना ये 147 के लिए लगती थी और 149 में 147 में इनकम एस्केपिंग कवर होते थे रेड केसेस कवर नहीं होते थे रेड केसेस के लिए क्या होता था देखो रेड 132 में होती थी और असेसमेंट 153 ए में होते थे तो वहां में टाइम लिमिट पहले भी 10 साल का था अगर आप अपने ऑफिस में देखेंगे कि जब रेड केसेज में क्या होता था पता है पहले रेल रेड केसेज में ब्लॉक असेसमेंट हुआ करते थे पीछे के छह साल के असेसमेंट होते थे पीछे के दस साल भी चले जाते थे अगर वो इनकम एस्केपिंग वो सब उसके छह साल से पहले के चार साल की फिफ्टी लेके उससे ज्यादा है तो

रेड केसेस में तो असेसमेंट 153 ए में होते थे और 153 ए में टाइम लिमिट दे रखा था वहां पे 10 साल का टाइम लिमिट था वो 153 ए में दे रखा था तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं एक लाइन में मैं बोलना है तो मैं ऐसे बोलूंगा देखिए 149 क्या बोलता है कि अगर पुराने लॉ के हिसाब से आपको नोटिस वन एट uh, का इशू नहीं हो सकता था तो नए लॉ के हिसाब से भी नहीं हो सकता लेकिन ये सिर्फ 147 अगर पुराना लॉ जो 147 के लिए लगता था रेड केसेस में पुराना लॉ 153 ए से गवर्न होता था तो 153 ए में तो पहले भी 10 साल तक नोटिस इशू हो सकते थे तो इन सिंपल वर्ड ऐसा बोलो देखो रेड हुई आज तो रेड हुई तो पिछले दस साल के नोटिस इशू हो सकते हैं अगर इनकम एस्केपिंग जो है वो इनकम एस्केपिंग आपका किसी भी साल का पचास लाख या उससे ज्यादा है तो वो भले वो दस साल में आ रहा है तो भी नोटिस इशू हो सकता है देखो, के के टाइम लिमिट, तो लिमिट था इनकम स्केपिंग वन फोर्टी सेवन वाले के लिए घुसा दिया तो रेड वाले को भले तुमने वन

एज द टाइम लिमिट ऑफ ओल्ड सेक्शन वन फोर्टी वॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर सर्च एंड रिक्विजिशन केसेज बिफोर वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सर्च एंड रिक्विजिशन केसेज असेसमेंट एंड टाइम लिमिट वॉज कवर्ड बाई वन फिफ्टी थ्री एट सेल्फ इट मीन्स फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन वन फोर्टी शेल नॉट अप्लाय इन केस ऑफ द सर्च एंड रिक्विजन केसेस यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉटियस यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉटियस ऑब्वियसली एक बात बता यहाँ दीक्षा पूछ रही है हियर 149 विल नॉट ओवरराइट बट 153 विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन भाई सीधी सी बात एक बात बता इन्होंने क्या बोला कि 149 जो है वो पहले जो था तो पहले तो 149 जो था वो रेड केसेस में था ही नहीं पहले जो 149 था वो तो रेड केसेस में था ही नहीं वो तो अदर केसेस में था अदर आपका इनकम एस्केपिंग वाला असेसमेंट अब ये पॉइंट समझा तो ठीक है नहीं समझा तो ठीक है ठीक है आप इसको छोड़ दो इतना दिमाग फिर आप मत लगाओ इतने दिमाग तक वहां नहीं पहुंच पाएंगे अब एक बात समझिए वन में कोई भी चेंज नहीं है वन क्या है अभी थोड़ी देर में पढ़ा लूंगा मैं वन फिफ्टी वन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं 152 जो है वो मैं आपको पढ़ा लूंगा अपन पढ़ते हैं 153 सर एक बात बताइए आपने ये तीन साल दस साल का टाइम बताया ये नोटिस इशू करने का है 148 का नोटिस करने का नोटिस करने टाइम लिमिट है सर असेसमेंट कंप्लीट कब तक करेंगे 147 का जो 147 का असेसमेंट है वो 147 का असेसमेंट कंप्लीट कब तक करेंगे तो मैं बता दू 147 का असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट है 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन वन फोर्टी एट वॉज सर्व जिस ईयर में आपको 148 का नोटिस सर्व हुआ उस ईयर के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर जो है वो आपका असेसमेंट कंप्लीट होगा तो जैसे मान लो आज आपको नोटिस कितनी देखो कितने होशियारी से इन्होंने टाइम लिमिट बनाया जो वो टाइम लिमिट दे रखा था थ्री इयर्स और टेन इयर्स का वो नोटिस इशू करने का था मतलब बोलते थे नोटिस इशू मान लो टाइम में हो गया विजय माल्या जैसे लोग मिल नहीं रहे तो जब वो मिले तो उसको एकदम धापा मारा बोला मिल मिल गया इदर आ, इदर आ, इदर आ, मिल गया इधर 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 उसको नोटिस सर्व कराया बोला तेरे को सर्व हुआ ना अब तो इस जिस ईयर में सर्व हुआ उस ईयर के एंड से एक साल के अंदर अंदर है वो वन का असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा एक साल के अंदर अंदर, अंदर आपका वन का असेसमेंट ऑर्डर आएगा और ये दे रखा है में तो देखिए थ्री टू क्या बोलते होती है टाइम लिमिट टू कंप्लीट द असेसमेंट 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्व जब आपका 148 का नोटिस सर्व हुआ उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 12 महीने के अंदर अंदर आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा मिस 147 का जो असेसमेंट ऑर्डर है वो असेसमेंट ऑर्डर ए बनाएगा यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ ऑल अमेंडमेंट पार्ट तो पीपल यहां पे आपका जो भी असेसमेंट प्रोसीजर्स में है है वो कंप्लीट हो जाते हैं 147 ने बहुत टाइम ले लिया ना करके ठीक है। ब्रेक लेके पढ़ो कोई दिक्कत नहीं करके ठीक है चलिए अब एक बात समझना यहां पे आपको ये वाला अमेंडमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका स्क्रूटनी एंड बेट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीशन का जो टाइम लिमिट है वो थ्री मंथ से क्रैश हो गया है पहले ये ट्वेल्व मंथ हुआ करता था नाउ इट इज अ मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर ट्वेंटी यहाँ पे जो है ये असेसमेंट ईयर ऑनवर्ड्स है ठीक है लेकिन असेसमेंट ईयर नाइनटीन ट्वेंटी के लिए ये ट्वेल्व मंथ हुआ करता था असेसमेंट ईयर एटीन नाइनटीन के लिए ये एटीन मंथ हुआ करता था एंड असेसमेंट ईयर इससे पहले वाले जो थे उसके लिए ये ट्वेंटी वन मंथ हुआ करता था इतना याद आपको रहेगा नहीं आप इतना याद रखेंगे कि अभी नाइन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है और लास्ट जो टू असेसमेंट ईयर थे अब ये लाइक ट्वेंटी वन ट्वेंटी से ये नाइन मंथ हुआ उससे पहले जो है वो ट्वेल्व मंथ हुआ करता था ठीक है चलिए उसके बाद में आपका यहाँ पे ये असेसमेंट प्रोसीजर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है बट आप देखेंगे इस बार मैंने यहाँ पे काफी चीजें है जो इंक्लूड की है जो नॉर्मली मैं पहले कंपाइलर के फॉर्म में देता था जैसे ये टू नाइनटी टू बीबी है और इससे रिलेटेड जो केस लॉज है वो केस लॉज ये मारुति सुजुकी इसके बाद आता है अपील एंड रिविजन में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है देर इज नो सिंगल अमेंडमेंट इन द अपील एंड रिविजन अपील एंड रिविजन जैसे पहले टॉपिक था वैसे ही है इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड एक केस लॉ है वो केस लॉ ढंग से देखना अपील एंड रिविजन से रिलेटेड लास्ट में मैंने एक केस लॉ दे रखा है इस बुक के एंड में जब आप जाएंगे तो वहां पे मैंने एक केस लॉ दे रखा है वो केस लॉ लो आप लोग ढंग से देखेंगे ठीक है उसके बाद एक और खुशखबरी आपके लिए खुशखबरी आपके लिए कि जो आपका सेटलमेंट कमीशन टॉपिक हुआ करता था वो सेटलमेंट कमीशन टॉपिक हट गया है तो आपके पास अगर पहले आपने सेटलमेंट कमीशन पढ़ा था तो सेटलमेंट कमीशन हट गया है, अब उसकी जगह एक सेटलमेंट कमेटी आया है अब वो कमेटी क्या है उसको अपन अगले अमेंडमेंट लेक्चर में कवर करेंगे तो आज के लिए इतना बहुत रख रह, बहुत हो गया करके आज आपका इतना पढ़ा आपने करके ठीक है पुराई असेसमेंट है वो आपने रिवाइज कर लिया तो ये असेसमेंट से इस बार एग्जाम में क्वेश्चन कवर कर सकते हैं 147 वाली सेक्शन है वो आप ढंग से देखना तो उससे रिलेटेड मेरे को ये लगता है एग्जामिनर आपको टेस्ट कर सकता है एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके देख सकता है और आ सकता है एग्जाम exam, अगर एग्जामिनर जो है वो अगर थोड़ा दिमाग वाला हुआ देखो सी ए फाइनल में ना दो ही पेपर ऐसे होते हैं जहां पे इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करती है एक तो ऑडिट का पेपर हो इस ग्रुप में और सेकंड में डीटी का पेपर बिकॉज आप देखेंगे जब भी सी बन जाते हैं तो मेजर पीपल जो अगर प्रैक्टिस वगैरह में जाते हैं या तो टैक्सेशन में या ऑडिट में तो ऑडिट में आपको पता है वहाँ पेपर बनता है वहाँ हर क्वेश्चन नया बनता है इन द सिमिलर लाइन डी का पेपर नया बनता है और वो अमेंडमेंट को हमेशा टारगेट करते हैं कि अमेंडमेंट क्या क्या थे उसको वो टारगेट करके और एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं ठीक है थीका? तो चलिए थैंक्स अलॉट पीपल आज के लिए इतना बहुत है मेरी साइड से करके ठीक है और आप लोग ये ढंग से देखना आप लोग यूट्यूब पे आपके पास ये लेक्चर अवेलेबल है तो जितनी बार आप रिवाइज करना है वो रिवाइज कर सकते हैं और रिविजन लेक्चर भी आपको असेसमेंट प्रोसीजर का मिल जाएगा ठीक है चलो थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स एन अपॉर टूडे फ्रॉम माई साइड